आपको पता ही है, वो है जिन्स एंड ब्लैक मैजिक। जस्ट चेकिंग, एक्चुअली मैं सुबह ये सोच रहा था कि मैं आपको स्टार्ट कहाँ से कराता हूँ, बिकॉज शादी के बाद जिन्स एंड ब्लैक मैजिक ही होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। तो पता नहीं आप लोग क्या लेने आए यहाँ पे, सो इसलिए जिन्स एंड ब्लैक मैजिक। ओके, नहीं इंशाल्लाह, बाकी टॉपिक कबूल है ही है इंशाल्लाह। जस्ट लेट मी मेंशन अ फ्यू ग्राउंड रूल्स बिफोर वी स्टार्ट। एज ऑलवेज हमारे पास चॉकलेट का जखीरा मौजूद है आज आपको देने के लिए, और मैं ब्रदर अली से कहूँगा ये मुझे पैकेट खोल दें, और ये वाला पैकेट भी खोल दें इंशाल्लाह। ओके, सो जस्ट टू बिगिन इंशाल्लाह, दिस इज अ वर्कशॉप, एंड वर्कशॉप के अंदर आपको पता है कि वी ट्राई टू कीप इट इंटरेक्टिव, सो मेरे साथ आपकी भी पार्टिसिपेशन इंशाल्लाह आज होगी। द टॉपिक इज कबूल है, एंड जस्ट बिफोर वी स्टार्ट आई'd लाइक टू मेक अ फ्यू थिंग्स क्लियर कि आपकी एक्सपेक्टेशंस इस वर्कशॉप से क्या होनी चाहिए, व्हाट टू एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस वर्कशॉप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कबूल है के अंदर जैसे ब्रदर नदीम ने इंट्रोडक्शन में बताया था, यहाँ पे हम किसी का रिश्ता नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग सोशल मीडिया पे समझ रहे थे कि शायद कोई शादी का फंक्शन है, एक्चुअली कुछ लोग समझे किसी वलीमे का इन्विटेशन है। तो जी वो अराइवल और बारात कितने बजे है और डिपार्चर कुछ भी नहीं है, दिस जस्ट एन इवेंट, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। और इसी तरह से ये कि हम लोग इसमें विद इन मे बी विल हैव 3.5-4 hours टू टॉक टू यू इंशाल्लाह, एंड इन 3.5-4 hours में आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू क्रिएट मिरेकल्स हियर। इन 3 hours और 4 hours बातें करके मैं मिरेकल्स क्रिएट करने का नहीं सोच रहा, बट वॉट आई एम होपिंग इज कि इन 3 hours ये जो डिस्कशन होगी इंशाल्लाह, उससे हम अपनी लाइव्स को थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे ले जा सकते हैं, और जो हमारे फैमिली के इश्यूज हैं, नॉट जस्ट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ्स, बट बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, उसको हम किसी तरीके से बेहतर कर सकें। एंड द रीजन व्हाई आई मेंशन दिस इज बिकॉज आपको पता है कि टुडे इन टुडेज टाइम द ग्रेटेस्ट क्राइसिस दैट द मुस्लिम उम्मा इज गोइंग थ्रू इज नॉट अ फाइनेंशियल क्राइसिस, इट इज नॉट ए मॉरल क्राइसिस, इट इज नॉट अ पॉलिटिकल क्राइसिस। The first and utmost crisis that our ummah is going through is actually a family crisis. Aur ye family crisis is tarah ka hai ki mujhe feeling aisi aati hai as if we have forgotten how to raise a family. It seems like we have forgotten how to raise a family. To yani shaadi ho jana, bacche ho jana, ye to that's the easy part. And qabool hai keh dena, that's the easy part. Asal baat hai wo end beyond wala jo chakkar hai na, that's the main thing. कबूल है तक तो कोई इशू नहीं है, वो तो आमतौर पे हम पहुंच ही जाते हैं किसी ना किसी तरीके से, बट वो जो बियॉन्ड वाला है वहां पे जो अक्सर मसले होते हैं। इसलिए हमारी एक वर्कशॉप है कबूल है के नाम से, जिसमें हम बताते हैं वो सारे मिसाइल लीडिंग अप टू कबूल है। पहले एक्चुअली लव स्ट्रक है, विच इज वो आंखों आंखों में बातों बातों में प्यार हो गया, पहले लव स्ट्रक से शुरू होता है, फिर कहीं ना कहीं बात इंशाल्लाह कबूल है तक पहुंच जाती है, और फिर आप कबूल है बियॉन्ड, सितारों से आगे जहां और भी हैं। तो इंशाल्लाह विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट point inshallah, which is raising a healthy family. Raising a healthy family is a priority for us inshallah, because aap yaad rakhein ki hamare jo relationships hain ye on the day of judgment hamare liye sadqa jariya ho sakte hain, hamare bacche hamare liye sadqa jariya ho sakte hain. And keep in mind ki jo hamari aulaad hai ye actually hamari nahi hoti hai, hamari aulaad jo hai ye Allah ki taraf se amanat hai, ye Allah ke bande hain, aur jab Allah chahega inko wapas le lega. और हमसे ये पूछा जाएगा कि मैंने तुम्हें ये अमानत दी थी, तुमने इसके साथ क्या किया, इनको कैसे पाला, इनको क्या सिखाया, क्या वैल्यूज़ इनको दिए, शादियाँ इनकी कहाँ कराई, क्या तुम्हारी प्रायोरिटी थी इनकी शादी जब कराने का सोच रहे थे, प्रायोरिटी क्या थी, तुमने क्या भला और खैर देखी इनकी शादी करने में, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हमसे सवाल किया जाएगा। सो इंशाल्लाह आज बहुत से लोगों की इज्जत भी होगी और बहुत से लोगों की बेइज्जती भी होगी, और तब सबकी होगी इंशाल्लाह, बिकॉज आई वॉन्ट टू टॉक टू यू ऑन दैट लेवल। एंड प्लीज़, मैं एक चीज़ इस वर्कशॉप को स्टार्ट करने से पहले ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरा जो पूरा आज का जो सेशन होगा इंशाल्लाह, उसमें मैं फोकस करूँगा इस बात पे कि लाइक यू आर माई ओन फैमिली मेम्बर्स, लाइक यू आर माई ओन फैमिली मेम्बर्स, एंड आई एम जस्ट गिविंग यू एन एडवाइस। अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान मजीद में इसका जिक्र किया हुआ है, यानी अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि या अय्युह अन्नास उत्तकू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। अल्लाह सुब्हानहू फरमाते हैं कि ए इंसानों, मुसलमानों ने कहा ए इंसानों, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया नफ्स वाहिदा से, एक नफ्स से, आदम अलैहिस्सलाम से, और उससे उसकी बीवी को, और उससे तुम सबको। तो बेसिकली कहने का मकसद ये कि अगर तुम इंसान हो ना, तो तुम सारे आपस में एक दूसरे के बहन भाई हो। सो माई प्रेमिस इज लाइक दिस, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू लाइक यू आर माई फैमिली मेम्बर्स, एंड आई एम जस्ट एडवाइजिंग यू, बिकॉज मिसाल के तौर पर आप अभी अपने बेटे की
या अपनी बेटी की शादी का सोच रहे हैं और मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं कि शादी आप कराएं जरूर, लेकिन ये चीजें प्लीज ख्याल रख लीजिएगा। बच्चों को रेज करने में ये चीजें ख्याल रखिएगा, हाउ योर फैमिली वर्क्स टुगेदर ख्याल रखिएगा। बिकॉज यू नो एक तरफ मैं ये काम कर रहा हूँ कि आपको मैं फैमिलीज जोड़ने के लिए, मैं आई जस्ट वॉन्ट टू वर्क टुगेदर टू लाइक जॉइन फैमिलीज, लेकिन दूसरी तरफ यू नो देयर इज शैतान हु वॉन्ट्स टू ब्रेक फैमिलीज। शैतान को हदीस में आता है सबसे ज्यादा खुशी इस बात पर होती है जब हस्बैंड वाइफ स्प्लिट हो जाते हैं। द मोस्ट हैप्पीनेस शैतान फील्स इज वेन वो शाम में अपना थ्रोन लगाता ना एक बॉडी ऑफ वाटर पे, तो सारे शैतान आते हैं तो पूछता तुमने क्या किया, कोई कहता मैंने आज ये कर दिया, कोई कहता मैंने यहाँ फसाद किया, कोई कहता मैंने ये किया, उनमें से एक कहता है कि मैंने आज हस्बैंड वाइफ को फाइनली स्प्लिट करा दिया। तो वो उसे कहता है कि मेरे पास आके बैठो, तुम मेरे सबसे चहीते हो या सबसे लाडले हो, और वो उसको अपने पास बैठाता है और उसको गले मिलता है। तो शैतान को खुशी होती है कि जब फैमिलीज ब्रेक होती हैं, जब फैमिलीज टूटती हैं, जब बच्चे माँ बाप के साथ बदतमीजियाँ करते हैं, जब बच्चे नाफरमानियाँ करते हैं, शैतान को बहुत मजा आता है। जब हस्बैंड वाइफ सेपरेट होते हैं शैतान को मजा आता है। सो इंशाल्लाह मैं आज वो काम कर रहा हूँ जो कि शैतान के ऑपोजिट है, बिकॉज दैट्स व्हाट बिलीवर्स डू, वी गो अगेंस्ट द शैतान। सो द फर्स्ट थिंग वी टॉक अबाउट इन कबूल है इज फाइंडिंग अ स्पाउस, सिलेक्शन क्राइटेरिया, कि अपना हस्बैंड या वाइफ ढूंढने का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि अगर यानी व्हेन यू आर अबाउट टू गेट मैरिड, व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ स्पाउस, लुक फॉर दीज थिंग्स, एंड ही सेड यू कैन मैरी अ वुमन फॉर हर माल, उसकी प्रॉपर्टी की वजह से शादी हो सकती है, एंड दिस गोज फॉर हस्बैंड ऑल्सो बाय द वे, माल की वजह से शादी हो सकती है, जमाल की वजह से शादी हो सकती है, उसकी खूबसूरती की वजह से, उसके हसब नसब की बेसिस पे शादी हो सकती है कि जी माशाल्लाह बड़ी लीनियज अच्छी है, फैमिली अच्छी है, फलां जनरल की बेटी है, फलां मिनिस्टर साहब का बेटा है, फलां यानी जो ना प्रोफेसर साहब का बेटा है उसका, तो फैमिली से भी मैटर करता है, और फिर उसके दीन के लिए शादी की जा सकती है। तो आपने फरमाया कि उसके दीन को यानी गो फॉर दैट, यानी मेक द प्रायोरिटी द दीन। अब दीन से मुराद यहाँ पे क्या हो सकता है, वल्लाहु आलम, बहुत सारी चीज़ें। एक चीज़ जो मैं समझता हूँ वो ये भी है कि दीन से मुराद है कि वो दीनी हो दुनियावी ना हो, द पर्सन उसका जो फिक्र है उसकी जो सोच है वो दीनी हो दुनियावी ना हो। दुनियावी का मतलब ये वो लोग जो कि अक्यूमिलेशन पे लगे रहते हैं, जिनका मटीरियलिस्टिक माइंडसेट होता है, डोंट मैरी समवन हु इज मटीरियलिस्टिक, जिसके शादी करने का बेसिस ही है कि मुझे कितना मिलेगा, मुझे कितना दोगे। हाँ शादी कर सकते हो प्रॉपर्टी की वजह से, नो प्रॉब्लम, हाँ शक्ल देख के भी शादी की जा सकती है, नो प्रॉब्लम, फैमिली देख के भी की जा सकती है, बट यू नो ये सारी चीज़ें वो हैं जो परमानेंट नहीं है। आज माल है, कल को मार्केट क्रैश करके माल चला गया, फिर क्या शादी उसको तलाक दे देंगे? आज खूबसूरती है, कल खुदा नखास्ता बेचारी का एक्सीडेंट हो गया तो क्या उसको तलाक दे देंगे कि जी अब तो शक्ल डैमेज हो गई, अब तो मैंने तो शादी उसकी खूबसूरती और जमाल के लिए की थी। लाइकवाइज अगर उसकी फैमिली आज मशहूर है, आज उसकी फैमिली वेल नोन है, कल उसका बाप या उसका भाई या कोई उसका और कज़न किसी करप्शन स्कैंडल में पकड़ा जाए, आप किसी को बताने वाले नहीं रहेंगे कि मैं किसी को बता सकूं कि मैं उस फैमिली में मेरी शादी हुई है। सो दीज थिंग्स कम एंड गो, तो इसलिए आपने कहा उसके दीन को देखना, एंड लाइकवाइज फॉर द ब्रदर्स ऑल्सो, यानी जब आप देखें तो इसी तरह की बेशुमार अहादीस हैं, हमारे पास टाइम नहीं है कि मैं सब में से गुजरूं, जहाँ पर आपने फरमाया जब किसी के दीन से राजी हो जाए फिर इंतजार नहीं करना चाहिए, अगर दीन पसंद आ चुके हैं देन यस इट्स ओके, बिकॉज एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। उमर इब्न खत्ताब कहते थे कि अगर मेरी बेटी का रिश्ता एक दीनी गुलाम भी मांगेगा ना तो मैं उसको देना पसंद करूंगा ओवर समवन हु इज नॉट दीनी बट वेरी वेल्थी, क्योंकि अगर मेरा जो दामाद है जो कि गुलाम है लेकिन दीनी है, अगर वो मेरी बेटी से मोहब्बत करता होगा तो उसके ऊपर खूब उसके ऊपर जो है ना चीज़ें निछावर करेगा, और अगर मोहब्बत नहीं भी करता होगा, बिकॉज इन रिलेशनशिप समटाइम्स यू फॉल इन एंड आउट ऑफ लव, तो अगर मोहब्बत नहीं भी करता होगा तो कभी भी ज्यादती नहीं करेगा उसके साथ, कभी भी उसके साथ जुल्म नहीं करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह एक राइचियस दीन ओरिएंटेड बंदा जो है या खातून जो है, अल्हम्दुलिल्लाह उनको पता होता है कि मैंने कुछ चीज़ें फॉलो करनी है। सो ये यानी एक प्राइमरी चीज़ है इन सिलेक्शन ऑफ स्पाउस। नाउ द इशू हियर टुडे इज कि आजकल हम लोग मैरिज से ज़्यादा वेडिंग की प्लानिंग करते हैं, थिंक अबाउट इट, आजकल हम लोग मैरिज से ज़्यादा वेडिंग की प्लानिंग करते हैं। वेडिंग अच्छा डीजे कौन होगा, अच्छा जी कारपेटिंग कहाँ से हो रही है, केटरिंग कौन कर रहा है, अच्छा खाने में क्या होगा, मेन्यू में क्या होगा, कौन सा आइटम, नहीं नहीं इस पे लड़ाइयाँ हो जाएंगी बच्चों में माँ बाप में, नहीं जी वो उसमें चिकन के बगैर तो गुजारा नहीं हो सकता, नहीं मटन नहीं कराना वाला, इस पे बहसें होती हैं। अच्छा जो पोटेंशियल हस्बैंड वाइफ हैं जब वो भी डिस्कस करते हैं तो वो भी मैरिज की बातें नहीं करते, वो भी वेडिंग की बातें करते हैं। अच्छा आपने जोड़ा कौन सा पहना होगा, अच्छा आप कहाँ से सूट लेके दे रहे हैं, अमीर अदनान से, अच्छा नहीं कहाँ से, ये यानी दिस इज द डिस्कशन गोइंग ऑन, एंड सो द होल फोकस इज व्हाट ऑन द वेडिंग इटसेल्फ।
वेडिंग सेरेमनी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, वीडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है, कैमरामैन कौन होगा, फोटोग्राफर कौन होगा, लाइट्स और साउंड कौन देख रहा है, वगैरह। दिस इज द होल, कौन सा वेन्यू है, कौन सी जगह, इट्स लाइक एन इवेंट। सो पूरी प्लानिंग वेडिंग की होती है, वेडिंग के बाद चाहे वो कोई कंपैटिबिलिटी ना हो, वेडिंग जबरदस्त होनी चाहिए चाहे कोई कंपैटिबिलिटी ना हो। रिसेंटली आई वाज वाचिंग, अभी 2-3 दिन पहले मुल्तान में 7 करोड़ रुपए की शादी हुई, 7 करोड़ रुपए, 7 करोड़। कुछ नेशंस का शादी है, बजट हो 7 करोड़ रुपए। उन्होंने पता शादी की, वो शादी कम थी, नीलाम घर टाइप ज्यादा था। उन्होंने मोटरसाइकिल भी दिए और वाटर कूलर और पता नहीं सिलाई मशीन और रेफ्रिजरेटर और पता नहीं क्या। तो वो दूल्हा जो था वो शायद यही करना चाह रहा था, सोने का उसने वो पहना हुआ था, सेरा सोने का। हम कहते हैं जब हम ऐसी बातें करते हैं तो आगे से लोग कहते हैं सड़या ना कर, दुआ कर या कर। लेकिन ये सड़ने वाली बात नहीं, ये बात ये है कि ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंस है। यानी हम अंडरस्टैंड करते हैं किसी की शादी बड़ी एलिगेंट हो, ग्रेसफुल हो, इसे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दिस इज टू मच, 7 करोड़ रुपीज ऑन अ वेडिंग। उसके बाद चाहे आप बेशक बैंक्रप्सी में चले जाएं, उसके बाद चाहे आपने उधार ले ले किया हो, एंड द फर्स्ट डे दैट यू गॉट मैरिड यू आर ऑलरेडी इन डेट, ऑलरेडी कर्जा चढ़ा हुआ आपके ऊपर। और ये पाकिस्तान में शायद इतना ना हो, बाहर बहुत ज्यादा होता है। बाहर लोग जस्ट टू कहते हैं ना कीपिंग अप विद द जोनेस, अपने नेबर्स के साथ कंपटीशन करने में वो क्या से क्या खर्च कर देते हैं, कर्जे ले लेते हैं, और फिर जब कपल की शादी होती है तो वो ऑलरेडी डेट में होते हैं। पहला दिन था और 40,000 डॉलर उन पर डेट पड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द एक्सपेंडिचर दैट हैपेंड। सो द एसेंस इज कि हम लोग मैरिज की प्लानिंग करें, इवन जब पोटेंशियल हस्बैंड वाइफ आपस में कम्युनिकेशन करें तो वो सवाल पूछें। और मैं चाहता हूं कि यू नो, ये बड़ा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, एफएक्यू में से आता है वो क्वेश्चन, ये कि अच्छा आप, ये अक्सर लव स्टक के एंड में आता है कि अच्छा अगर आपने ये कह दिया कि हम डेटिंग नहीं कर सकते, हम गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते, बॉयफ्रेंड नहीं बना सकते, तो फिर हाउ एम आई सपोज टू नो माई पोटेंशियल हस्बैंड और हाउ एम आई सपोज टू नो माई पोटेंशियल वाइफ। द थिंग इज के एक कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर जहां पे आप अपने पोटेंशियल या फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के साथ बैठ के बात कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल आपके कोई महरम बीच में मौजूद था, उसकी यानी उसके साथ बैठ के आपने सारी जो भी डिस्कशन करनी थी आपने कर ली, और उसमें आपने जो पूछना चाहते हैं पूछें, एक मीटिंग नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 कर लें, 50 कर लें, डजंट मैटर, तो जब तक आपके दिल को तसल्ली ना हो जाए कि दिस इज द राइट पर्सन फॉर मी। और उसमें यू हैव टू बी स्मार्ट, यानी सुपरफिशियल सवाल ना पूछें, अच्छे सवाल पूछें कि वाकई में आपके लिए डील ब्रेकर क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने फ्यूचर हस्बैंड से पूछें कि आपके लिए डील ब्रेकर क्या है, व्हाट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट टॉलरेट इन अ वुमन, एंड देन आई टेल यू व्हाट आई कैन नॉट टॉलरेट इन अ मैन। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो हमारे लिए बड़ी डील ब्रेकर होती हैं, कुछ होती हैं जिसमें हम कहते हैं कि गुजारा हो सकता है, दिस इज समथिंग दैट अनॉयज मी बट आई कैन डील विद इट, दिस इज समथिंग दैट इरिटेट्स मी बट आई कैन डील विद इट, बट दिस एंड दिस इज कंप्लीटली नो नो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बहुत ही प्रैक्टिसिंग लड़की है, शी इज वेरी वेरी प्रैक्टिसिंग, वो अपने हस्बैंड फ्यूचर हस्बैंड से कहते हैं कि अगर आप अल्कोहल पीते हैं तो सॉरी दिस इज अनएक्सेप्टेबल, इफ यू आर अ पर्सन हु इज इनटू लाइक वुमनाइजिंग देन सॉरी आई कैन नॉट डील विद दिस, ठीक है। और फॉर एग्जांपल समथिंग एल्स, लाइकवाइज द हस्बैंड कैन आल्सो आस्क, फॉर एग्जांपल आपकी ये कंडीशंस अगर आपकी हैं तो मुझे लगता है कि इस तरह की एक औरत जो है उसके साथ मैं सेटल कर सकता हूं। सो वी नीड टू आस्क दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस रादर देन वो जो सुपरफिशियल डिस्कशन होती है। सो अपने इन मीटिंग्स को जो ना प्रोडक्टिव बनाना और फिर मामला अपनी अम्मी पे छोड़ देना, बिकॉज अम्मी की जो CID होती है वो सबसे अच्छी होती है। जिस लेवल ऑफ इंटेलिजेंस पे आपकी अम्मी ऑपरेट करती है वो शायद हमारे ISI भी नहीं करती उस लेवल पे। अम्मी पता लगा लेती है, अम्मी हमारी इतनी जबरदस्त होती है वो किचन देख के बता देती है कि तुम्हारी अगली जो ना नस्लें कैसे होने वाली है। कौन कहता है गैप का इल्म नहीं पता होता। अम्मियों की इंटेलिजेंस इतनी होती है वो किसी का बाथरूम देख के बता देती है कि यहां शादी करनी है या नहीं करनी है। दैट्स द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। और फिर हमारी बहनों की भी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है, वो भी लड़की से मिलती कहती नहीं भाई आपके आपके लेवल की नहीं है, आगे चलो। कहते नहीं नहीं मुझे पसंद है, नहीं नहीं भाई आपके लेवल की नहीं, आगे चले आप। बहनों को भी उनकी भी एक छट्टी हिस्स होती है, उनको भी पता होता है कि नहीं यहाँ पे आप चल सकते हो यहाँ नहीं चल सकते, बिकॉज जिस एंगल से हमने उसको एनालाइज किया आई डोंट थिंक दिस विल वर्क, क्योंकि अभी जो आपके सामने उसने इंप्रेशन डाला था वो और था, हमारे सामने उसकी इसलिए सामने आ गई। सो वी अंडरस्टैंड कि ये क्वालिटीज उसमें ऐसी है जो कि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। सो द थिंग इज वी नीड टू स्टार्ट डिस्कशन ऑन मैरिजेज इटसेल्फ, नॉट द वेडिंग। वेडिंग तो हो जाएगी, वेडिंग बहुत आसान चीज है, हम लोगों ने मुश्किल बनाई है जो कि माशरे को देखते हुए लोग सारी उम्र जहेज इकट्ठा करते रहते हैं। सुभानअल्लाह, जहेज जहेज जहेज, ऐसे ब्रदर्स हैं जो 40-40 साल की एज में 45 ईयर्स तक अभी जहेज इकट्ठा हो रहा है, अभी वो अभी मूड बन रहा है कि जी अभी आप ऐसे कर रहे हैं देखते हैं अब क्या होता है। सुभानअल्लाह,
So the thing is, we have to go beyond this. So that's why I said that I want to talk on all levels today. That parents also hear, children also hear, husband also hear, wives also hear, everyone knows, because we all have to have a family. Either you want to start a new family, or you want to maintain your family, or you want to maintain your family, or you want to leave your family from your family. Either way, I'm going to help you out, inshallah. How can you save this thing? Okay, so one thing that comes to see today is that marriages today have become like used cars dealership. Like a sleazy car dealer who is taking a bad car and putting a red powder on it. We also literally market ourselves like this. So when the shadi plan is made, what happens is that people come to our house, then we make the shape of the house that is not the house. In the decoration, these things, those things, only for putting their impression. Then our things are also at that level, which is not at that level. Great ehtiram and tamiz and everything. When they say that, son, take tea, then when the girl takes tea, they say, yes, we put one spoon of chini in it. Because you know that we have a low-calorie diet. We don't have any oil in our house. We don't have any oil in our house. Because we are sophisticated people. We are half English. So this is our standard. उसके बाद जैसे ही मेहमान जाते हैं सब खाने पे ऐसे टूट जाते हैं जैसे इंसान दुश्मन पे टूट पड़ता है और फिर वो समोसे तले हुए वो भी निकल आते हैं तीन तीन चम्मच चीनी की भी डालना शुरू हो जाते हैं फिर सारा इंप्रेशन खत्म हो जाता है ये हमारी वो ड्यूअल नेचर है तो कॉन्वर्सेशन भी यानी थोड़ी सी मसनूई होती है आर्टिफिशियल होती है और जो हमारे घर का हुलिया है वो भी आर्टिफिशियल होता है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह हमने अपने बच्चों को मार्केट करना होता है कि ये मेरा बच्चा है ये इसके और फिर हम उनके ऐप जितने भी होते हैं जो नॉन ऐप भी होते हैं उन पर भी हम पर्दे डाल देते हैं विच बिकम्स अ प्रॉब्लम इंशाल्लाह ये मैं आगे डिस्कस करूंगा कि हाउ इज दैट प्रॉब्लमैटिक सो माई फर्स्ट एडवाइस टू पेरेंट्स पहले पेरेंट्स से शुरू करेंगे फिर आगे चलेंगे पेरेंट्स से मेरी एडवाइस ये है कि अपने बच्चों की शादी जल्दी करा दें This is a brotherana mashwara aapko. Bachchon ki shaadi jaldi kara dein. Agar aapke dining table pe ek banda extra aa jayega, to qiyamat nahi aa jayegi. Aapke dinner table pe, aapke breakfast table pe, agar ek bande ka izafa ho jayega, to koi qiyamat nahi aa jayegi. One extra person. Kyunki main different colleges mein, schools mein, universities mein jaake talks deta hoon, lectures deta hoon, and I know ke aaj kal dor fitne ka hai. And we have a separate workshop for that called Age of Fitna. Dor fitne ka hai. Aaj kal wo dor hai ke यानी लिटरली मैं आपको बताऊं कि वो बच्चे जो के शायद कुरान के हाफिज भी हों वो भी डीरेल हो जाते हैं वो बच्चे जो के माशाल्लाह पूरा एक इस्लामिक स्टडीज़ करिकुलम से गुजर चुके हैं वो भी डीरेल हो जाते हैं क्यों क्योंकि फितना इतना ज़्यादा है ऑन स्लॉट ऑफ मीडिया ऑन स्लॉट दैट यू फाइंड लाइक सो मैनी यूज़ ऑफ ड्रग्स इन द स्कूल स्कूल्स में कॉलेज में आई मीन वी हैव टू एडमिट जो चीज़ें हैं जो चीज़ें माशरे में हैं वी हैव टू एडमिट इट हमें वो अपना सर छुपाने से मसला हल नहीं होगा हमें देखना पड़ेगा कि इस वक्त हालात क्या हैं सो माशरे के अंदर एक तो मीडिया की तरफ से कॉन्स्टेंटली एक बम्बार्डमेंट है औरतों को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है किसी भी एड को उठा के देख लें वो एड में प्रोडक्ट कम बेचते हैं औरत को ज़्यादा बेच रहे होते हैं कोई भी प्रोडक्ट देख लें यानी ट्रैक्टर का भी इश्तिहार होगा तो खातून उसमें पहले एडवर्टाइज होती है कोई छोटी सी छोटी चीज़ होगी मोबाइल फ़ोन होगा वो भी खातून के हाथ में होगा वनस्पति घी होगा वो भी खातून के हाथ में होगा यानी कोई भी चीज होगी दे विल शो द वुमन फर्स्ट एंड देन दे विल डू इट एंड जब हम मार्केटिंग साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें ना दे नीड समथिंग जिसको बेट कहते हैं उनको बेट चाहिए होती है सो दे डैंगल द वुमन लाइक बेट आपके लिए ना वो ऐसे सामने खाते देखो औरत 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 जब आप देखते हो कहते हैं हाँ बाय द वे हमारा ये ब्रांड भी ले लें बाय द वे साथ ये भी ले लें बाय वन गेट वन फ्री सो दे मार्केट इट लाइक दैट तो हमारे बच्चों के लिए ना बड़ा बड़ा फितना है एंड स्पेशली नाउ इन को एजुकेशन एनवायरमेंट्स वहाँ पर इस तरह की सेग्रीगेशन नहीं होती है आपका लगता है क्लासरूम में माशाल्लाह मौलाना साहब आके दर्श देते हैं और बीच में सेग्रीगेशन होती है और वो स्टार्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह नहमद हो अनस्ताइन हो और फिर वहां पे सारे बैठे हुए माशाल्लाह इस तरह से नहीं ऐसे नहीं होता गाड़ी नंबर आईडी नहीं मतलब ऐसे हम इसके नहीं बच्चों से दरख्वास्त है कि वो बड़ों को सीटें दे दें अगर कोई बड़े खड़े हुए हैं तो प्लीज आई विल रिक्वेस्ट द यंगस्टर्स टू काइंडली गिव स्पेस एंड अर्न रिवॉर्ड फॉर देमसेल्व्स इंशाल्लाह सो फितने का दौर है और हमारे कैंपसेस पे देर इज अ लॉट ऑफ इशू राइट तो वन ऑफ द वेज इज के द प्रोफेसर सलम ही एडवाइस हिज कंपेनियंस के दोज ऑफ यू हु कैन अफोर्ड टू गेट मैरिड शुड गेट मैरिड सो इस रास्ते में मैं चाहता हूं कि पेरेंट्स कम से कम रुकावट ना बने यूथ अभी आप सेलिब्रेट नहीं करें मैं आपके पेरेंट्स से बात कर रहा हूं लेकिन अभी आप लुडिया ना डालें क्योंकि अभी मैं आप पे भी आ रहा हूं इंशाल्लाह जहां मैंने आपके पेरेंट्स से कह दिया कि शादी के लिए इनको इनकरेज करें अब आपके दिल में लड्डू फूट रहा शुक्र है आज वर्कशॉप पे आ गया जो मेरा ख्वाब था या अल्लाह मैंने तहज्जुद में उठ के दुआ की थी अब्बा जान साथ जाएं और पहले पांच मिनट में ये बात होगी इंशाल्लाह वर्कशॉप का पर्पस खत्म चले अब्बू जी उठे निकले मैं
आइए कबूल है कबूल है कबूल है रिश्ता चले तो भी रुक जाए। और पेरेंट्स से दरख्वास्त है बच्चों को रोक के रखा, अभी मैं उनकी तरफ आ रहा हूँ। मैंने कहा था सबकी इज्जत भी होगी सबकी बेइज्जती भी होगी इंशाल्लाह। सो पेरेंट्स से दरख्वास्त यह कि वो शादियों में ताखीर ना करें, जब उनको अच्छा रिश्ता मिले तो फौरन से कबूल है कबूल है कबूल है एंड इंशाल्लाह इस्तखारा भी करें, दुआ भी करें, सब कुछ करें इंशाल्लाह। एंड डोंट मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर योर चिल्ड्रन, डोंट मेक थिंग्स जो नॉट डिफिकल्ट। एक सिस्टर थी बाहर अमेरिका में, उन्होंने खत लिखा शेख साहब को, उन्होंने कहा कि जी शेख मैं बाहर हूँ अमेरिका में एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ फितना फॉर मी, माई फादर ही इज़ फ्रॉम बांग्लादेश एंड आई एम ऑल्सो बंगाली क्या कहते ऑरिजिन लेकिन बॉर्न एंड रेज इन अमेरिका। उन्होंने कहा प्लीज टेल माई फादर टू गेट मी मैरिड टू अ गुड मुस्लिम बॉय, आई डोंट केयर इफ ही इज बंगाली इफ ही इज पाकिस्तानी इफ ही इज इंडियन इफ ही इज नेपाली वट एवर ही माइट बी, जस्ट आई नीड अ मुस्लिम बॉय, अदरवाइज आई फियर फॉर माई सेल्फ आई विल फॉल इन टू टेम्पटेशन, आई हैव बीन कंट्रोलिंग माई सेल्फ फॉर मेनी मेनी ईयर्स बट द फितना इज वे टू मच एंड माई फादर इज कन्विंस्ड के ना तो ना सिर्फ वो बंदा बंगाली होगा बल्कि जिस जात के हमें वहां का होगा। लाइक अमेरिका में अभी भी लोग कुछ ऐसे करते हैं कि एक तो पाकिस्तानी हो ऊपर से अगर हम भी जट हैं तो वो भी जट होना चाहिए। सुभानअल्लाह, अब अमेरिका में कहाँ आप जट ढूंढते फिरेंगे, या मुझे मुझे बट चाहिए और वो भी बट आम नहीं, मुझे चाहिए वहाँ का जो हमारे लोकल एरिया का था, या मुझे तो प्लीज डोंट मेक लाइफ डिफिकल्ट फॉर योर किड्स। आप उसका तकवा देखें, उसका इखलास देखें, उसका दीन देखें एंड ओवरऑल बैकग्राउंड भी देखें, वो कोई मसला नहीं, उसका कैरेक्टर देखें इंशाल्लाह। अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं, पैसा आने जाने वाली चीज़ है। देर आर मेनी पीपल हु गॉट मैरिड एंड दे वर पुअर, बाद में अल्लाह ताला ने उनको बहुत रिस्क के अंदर जो है ना वो जो इजाफा कर दिया। तो आई कैन अंडरस्टैंड पेरेंट्स की कंसर्न क्या होती है, वो अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देखना चाहते, लेकिन जो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हैं वो इतनी बड़ी तकलीफ नहीं जितना उसको वो जो स्पिरिचुअल स्ट्रगल होगा या जो इमोशनल टॉर्चर से गुजरेगी वो ज़्यादा बड़ा स्ट्रगल होगा उसके लिए। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल। एक और फिनोमेना जो मैं देखता हूँ पेरेंट्स में वो ये कि समटाइम्स पेरेंट्स व्हाट दे डू इज़ के अपने बच्चे के कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल द चाइल्ड इज अल्कोहलिक और द चाइल्ड इज इनटू ड्रग्स और द चाइल्ड इज इनटू समथिंग अदर थिंग विच इज़ वेरी क्लियर एंड पेरेंट्स को पता भी है लेकिन वो उसको दबा रहे हैं, उसको ओपनली एडमिट नहीं कर रहे, और माँ बाप आपस में फैसला करते हैं कि इस बच्चे का इलाज यह कि इसकी शादी करा दो किसी बहुत ही नेक लड़की से, और नेक लड़की को बताना ना कि इसको ये प्रॉब्लम है। सो व्हाट हैपेंस, दे गेट द चाइल्ड मैरिड ऑफ टू अ वेरी पायस गर्ल और उसको बिल्कुल हिंट भी नहीं देते कि ही हैज एन अल्कोहल इशू एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी। द गाय गॉट मैरिड अमेरिका के अंदर ही, शादी हुई, पहली दफा खाने पे गए, यानी अभी कल वेडिंग थी, आज वैसे दोनों बाहर निकल के खाने के लिए गए डिनर के ऊपर, द गाय ऑर्डर्स अल्कोहल, कल शादी हुई है, अगले दिन डिनर पे जाते हैं एंड द गाय ऑर्डर्स अल्कोहल के, यार वो जरा क्या कहते हैं जो ना कहते हैं अल्कोहल लेके आना एंड द वेटर पुट्स एंड द गर्ल इज शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है एंड इज लाइक चिल रिलैक्स इट्स ओके इट्स नॉर्मल इतने परेशान होने की बात नहीं है। उसने कहा परेशान होने की बात है बिकॉज हमारी शादी इस कंडीशन पर थी कि यू आर नॉट अल्कोहलिक, योर पेरेंट्स नेवर मेंशन दिस, वी आस्क स्पेसिफिकली द क्वेश्चन कि लड़का किसी ड्रग्स और अल्कोहल में तो नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कभी इसने हाथ नहीं लगाया, व्हाट अ बिग लाई। And sometimes people do even other things like this. Sometimes you know of a medical problem of your son or your daughter. Maybe your daughter is unable to have children and you found out. Maybe your son is unable to have children. But you conveniently hit the reports. Unne pucha, it's the right of the girl to know. It's the right of the boy to know. Wo shaadi kar raha hai apne ek khayal se. Theek hai, ek hota hai ki pata nahi tha. Inform nahi tha, baad mein ho gaya. Doesn't matter, no problem inshallah. That's not an issue. Ek hota hai, aapko pata tha aur aapne jaanbujh ke nahi bataya. ये फ्रॉड है, ये मैंने इसलिए कहा ना यूज कार सेलमैन क्या करते हैं, यूज कार सेलमैन स्कैम करते हैं ना लोगों के साथ, स्कैम करते हैं, गाड़ी बहुत एक्सीडेंटल होती है, कहते हैं ये देखिए जी 0 मीटर गाड़ी है, ये है वो, क्योंकि उसका वो मीटर भी फेर देते हैं, सब कुछ करते हैं। दैट्स हाउ समटाइम्स वी डू रिश्ता, वी स्कैम पीपल, वी टेक पीपल अलॉन्ग फॉर अ राइड। सो प्लीज अगर कोई चीज़ है बी ओपन एंड ऑनेस्ट, रिमेंबर अल्लाह सुब्हान तआला इंशाल्लाह विल पुट बरका इन दैट, अल्लाह सुब्हान तआला कोई ऐसा शख्स दे देगा जो कि आपकी इन कंडीशन पर भी राजी होगा। But do not lie to people. Do not deceive people. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो डिसीव करता है वो हम में से नहीं है, ही इज नॉट फ्रॉम अस, ही इज नॉट फ्रॉम आर उम्मा। सो डू नॉट डिसीव पीपल। नाउ इस पे एक सवाल है जो बड़ा जरूरी है एंड अक्सर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस आई गेट। वो क्वेश्चन ये है कि ज़िया भाई इस रिश्ते से पहले ना मेरे कुछ तो उनके बारे में बताना जरूरी है। Should I tell my future husband about the previous cases? Ya the brother might ask ke jaise ja bhai farishta to koi nahi hota. Jab shuru diya yaar idhar baitho idhar mujhe tumhari baat karne ki zarurat nahi hai. Main sab jaan chuka hu jo tum kehna chahte ho jo tum bolna chahte ho. Kehte ja bhai dekhe farishta to koi nahi hota. Fir mujhe mere pe taana dete ja bhai aap khud apne aap ko dekh le.
मैंने तो यार पहले बेइज्जती करते हो फिर सवाल पूछते हो, सुभानअल्लाह। तो कहते हैं देखिए बात यह है कि कोई बंदा भी शरीफ इस तरह नहीं होता, हर बंदे का होता है। तो मुझे बताएं कि मैं आगे जाके अब ये बताऊं या ना बताऊं। देखिए इस केस में ये कहता हूं कि अगर अल्लाह ताला ने आपके इन गुनाहों पे पर्दा डाल दिया ना, तो उस पर्दे को ना उठाएं, उसके पीछे एक वजह। व्हाई डिड आई से कि अल्कोहल का मसला कंटिन्यूस है तो बता दें और ये ना बताएं, रीजन बीइंग कि ये मसला भी छुटा नहीं है। जो जिस चीज पे आप तौबा कर चुके हैं, आपने अल्लाह से माफी मांग दी हुई है, यू हैव एंडेड द रिलेशनशिप, इट्स ओवर, एंड यू डोंट प्लान टू हैव अनदर रिलेशनशिप आइदर। आपकी कोई नियत नहीं है कि मैंने दोबारा से एक रिलेशनशिप स्टार्ट करना है, नहीं नियत है। आपने तौबा इस्तगफार कर चुके हैं एंड यू आर नॉट गोइंग बैक टू दैट लाइफ, देन यू डोंट नीड टू, वो कहते हैं गड़े हुए मुर्दे खोदने की जरूरत नहीं है। वो व्हाट इज लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, वो जिस रिश्ता गया खत्म हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बचा लिया, आपके गुनाहों पर पर्दे डाल दिए, अल्लाह ताला उन पर्दों को कायम रखे इंशाल्लाह। देन डोंट एडवर्टाइज दैट क्योंकि दैट विल कॉज मजीद कंफ्यूजन, डाउट, हेट्रेड, ये वो और बहुत सारी मसले पैदा होते हैं। सो किस जिस चीज पे पर्दा डाल चुके हैं, हाँ वो चीज जो अभी आप एग्जिस्टिंग कर रहे हैं और छोड़ने का भी कोई मूड नहीं। जैसे मैंने बताया ना, एक बंदा अल्कोहलिक है और वो नहीं बता रहा कन्वीनियंटली, और ना उसका कोई मूड है अल्कोहल छोड़ने का, उसको मैं कभी भी एडवाइस नहीं करता कि वो अपने गुनाह को छुपाए, बिकॉज शी विल फाइंड आउट, द वाइफ विल फाइंड आउट। ऑब्वियसली इफ यू आर कंटिन्यूसली डूइंग इट, तो फिर आप भी गिल्टी फीलिंग में हो कि मैं रोजाना धोखा भी देता हूँ वाइफ को, एंड ये किस किस्म की रिलेशनशिप है जहां पे धोखे में मैंने अपनी वाइफ को रखा हुआ है। सो इस तरह की बातें नहीं करें। कुछ चीजें मैंने आपको बताया कि जो आप बताएंगे कि ये मसला है, क्योंकि उस पर वो बंदा डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है, और कुछ चीजें ऐसी जो उसके इफेक्ट उस पर नहीं होगा, वो पास्ट की चीजें, आप तौबा कर चुके हैं, यू हैव मूव्ड ऑन इन लाइफ। एंड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि एवरी सन ऑफ एडम इज अ सिनर, द बेस्ट ऑफ यू आर दोज हु रिपेंट आर दोज हु मेक तौबा। तो इंशाल्लाह अगर आपने तौबा कर दी है तो अल्लाह ताला बहुत माफ करने वाला है, अल्लाह ताला पसंद करता है। इन्नल्लाह युहिब्बु तवाबीन, अल्लाह लव्स द पीपल हु मेक तौबा, अल्लाह को बहुत पसंद है। और अगर आप अपना मुंह बंद रख सकते हैं तो इंशाल्लाह रहमान अल्लाह सुब्हान तआला भी आपके कामों पे पर्दे डाल देगा इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज, आर मेन एंड वुमेन इक्वल? ये क्या बात हो रही है? आर मेन एंड वुमेन इक्वल? यस। एक सेकंड, इससे बात मजा नहीं आएगा। मुझे बताएं जो लोग कहते हैं कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल, रेज योर हैंड्स। शाना बशाना काम करना चाहिए और वगैरह वगैरह। यस, ओके, पुट योर हैंड्स डाउन। जो कहते हैं नहीं बराबर नहीं है, माशाल्लाह ओवरवेलमिंग मेजोरिटी कहती है बराबर नहीं है। जवाब आपका जी, मर्द कवाम है, कंडीशन है। ठीक है, मैं आपको अल्लाह सुब्हानहु तआला की एक आयत कुरान में आती है, अल्लाह ताला जो है ना खुद फरमाते हैं कुरान में, वलैसा ज़करु कल उनसा एंड द मेल इज नॉट लाइक द फीमेल, एंड दैट्स ट्रू, मेल इज नॉट लाइक द फीमेल। यानी मेल एंड फीमेल आर, वी आर बायोलॉजिकली डिफरेंट, वी आर फिजिकली डिफरेंट, वी आर इमोशनली डिफरेंट, वी आर समटाइम्स मेंटली डिफरेंट। और इसीलिए मेन एंड वुमेन की जो स्पोर्टिंग एक्टिविटीज भी होती है वो डिफरेंट होती है ना। मेन्स 100 मीटर्स, वुमेन 100 मीटर, मेन बॉक्सिंग, वुमेन बॉक्सिंग, मेन्स टेनिस, वुमेन्स टेनिस, सेपरेट होता है ना। ये अंग्रेजों को भी पता है, उनको भी पता है कि ये सेपरेट होते हैं, वरना वो दोनों को साथ ना रिंग में डाल देते कि जी मेन वुमेन बॉक्सिंग क्या करानी, दोनों को एक डब्बे में डालो और लड़ा दो, बाद में जो ना मौलाना साहब को बुला के निकाह पढ़वा देना और कबूल है कबूल है, एंड दैट्स इट, बिकॉज उसके बाद यही होगा, बॉक्सिंग ही चलनी है उसके बाद। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, द मेल इज नॉट लाइक द फीमेल, सो द वुमेन हैज हर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, द मैन हैव देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो लाइक वाइज द वे यू परसीव लव इज डिफरेंट, मैन का परसेप्शन शादी के बारे में और होता है, वुमेन का परसेप्शन शादी के बारे में और होता है। सो इसीलिए वी हैव टू कीप इन माइंड, एंड सो यू नो व्हाट द अमेजिंग थिंग इज, जब आपकी शादी होती है ना, तो नॉट ओनली इज इट दैट यू आर लिविंग विद अ पर्सन एंड हु इज गोइंग टू बी योर रूममेट। देखिए मेरा अगर बेस्ट फ्रेंड भी मेरा रूममेट बन जाए ना, मेरा बेस्ट फ्रेंड भी अगर मेरा रूममेट बन जाए, आई थिंक महीने दो महीने बाद मैं तंग आ जाऊंगा। यस और नो, होता ना ऐसे? आई मीन कम ऑन, यू आर वेकिंग अप विद द सेम पर्सन एंड द सेम पर्सन इज इन योर फेस ऑल डे। मेरा बेस्ट फ्रेंड भी होगा ठीक है, हफ्ता, 10 दिन, 2 हफ्ते, महीना हो गया, चलो 1.5 महीना हो गया, बट आफ्टर वाइल आई विल लाइक, यार तुमने घर नहीं जाना होता कभी, किधर यार तुम मेरे घर, यानी आफ्टर वाइल यू गेट सिक ऑफ इट। बट नाउ नॉट ओनली दैट, एंड हो सकता है कि इस बेस्ट फ्रेंड के टेस्ट बिल्कुल आपसे मिलते हो, ही लाइक्स द सेम फूड यू लाइक, ही लाइक्स द सेम स्पोर्ट्स यू लाइक, ही लाइक्स एवरीथिंग यू लाइक, बट स्टिल यू विल गेट सिक ऑफ हिम विद इन 2 मंथ्स। बट नाउ यू आर गेटिंग मैरिड टू समवन हु इज नॉट इवन ऑफ योर जेंडर, एंड उनके और आपके लाइक्स भी सेम नहीं है, जितना मर्जी वो शुरू में आर्टिफिशियली कह दिया ओ अच्छा आपको फुटबॉल पसंद है, मैं तो फुटबॉल, मुझे भी बड़ा पसंद है, अच्छा आपको बास्केटबॉल, मुझे भी बास्केटबॉल बड़ा पसंद है, अच्छा आपको फलाना यानी कारी साहब, मुझे भी वही कारी पसंद है, जितनी मर्जी आप ये गाली कर ले, eventually you will find differences। एक घर में दो सगे भाई जब सेम नहीं हो सकते
तो बाकियों का फिर क्या कहना रह गया पीछे, जिनकी अपब्रिंगिंग भी सेम तरीके से हुई है, पेरेंट्स भी वही थे, सिबलिंग्स भी वही थे, तो अगर उनकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट है तो फिर व्हाट अबाउट पीपल ऑफ डिफरेंट जेंडर? सो बी रेडी फॉर दिस, द पर्सन यू आर मैरिंग इज नॉट यू, इज नॉट यू. सो उनकी थिंकिंग, उनका थॉट प्रोसेस, अपने स्टैंडर्ड्स उन पे इम्पोज ना करें कि जो मेरे स्टैंडर्ड्स हैं वो उन्हीं के स्टैंडर्ड्स हैं. उनकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी है, बट वी हैव टू लर्न टू लिव विद वन अनदर. ठीक है, दैट्स द मेन थिंग. सो ऑफन टाइम्स वी फाइंड के वॉलेट्स और पर्सेस में फर्क क्या है, बिकॉज मैन दे हैव वॉलेट्स एंड वुमेन हैव पर्सेस. इसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि मेल और फीमेल कितने डिफरेंट होते हैं. वॉलेट किस तरह का होता है, भाइयों के पास पड़े हुए हैं, यानी वॉलेट किस तरह से होता है, उसके अंदर सेक्शन होते हैं 1, 2, 3, 4. इसमें 5,000 का नोट होता है, इसमें 1,000 के होते हैं, फिर 100 वाले होते हैं, फिर लूज चेंज होता है, फिर बीच में कोई कार्ड्स पड़े होते हैं, एंड एवरीथिंग इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड. आराम से, इट्स अ स्मॉल लिटिल थिंग, फिट्स इन योर पॉकेट, नो प्रॉब्लम. पर्स क्या होता है? पर्स एक यूनिवर्स होती है, एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कंफ्यूजिंग यूनिवर्स होती है. मैंने अक्सर, मेरी वाइफ जो है ऑडियंस में कहीं मौजूद है इंशाल्लाह, मेरी वाइफ अक्सर मुझे कभी कहना कि जी मेरे पर्स से फलां चीज ले आइएगा, मुझे शायद आधा घंटा लग जाए वो चीज ढूंढते हुए. मैं कह दूं मेरे बटवे से पैसा निकालने वो निकालते हुए 2 सेकंड ही लगते हैं उनको, इधर गए पैसे गायब. लेकिन मुझे यानी इवन समथिंग एज बिग एज अ मोबाइल फोन, ना मेरे पर्स से फोन ले आए, और फोन उनका इतना बड़ा माशाल्लाह, वो फोन नहीं मिल रहा होता पर्स के अंदर, पता नहीं कौन सी दुनिया, कहां खाने बने हुए क्या, और अंदर से तरह तरह की चीजें निकल रही होती है सुभानअल्लाह, मुझे भी नहीं पता था कि ये अंदर क्या क्या रही थी. सो इसीलिए मैंने सुभानअल्लाह, आई मीन यू लुक एट दीज थिंग्स एंड यू वंडर कि अल्लाह ताला की वाकई क्रिएशन जो है वो कितनी अमेजिंग है, राइट? अच्छा जी, अब आते हैं हम अपने बैक टू द रेगुलर प्रोग्राम एज वी वर कंटिन्यूइंग. अच्छा, अब आ जाएं जी एडवाइस फॉर द ब्रदर्स, एडवाइस फॉर द बॉयज. पहले आप, जब मैं आपके पेरेंट्स को मशवरा दे रहा था, आप लोग बड़े खुश हो रहे थे ना, अब आपकी बारी है. बात यह है कि द एडवाइस इज टू ग्रो अप एंड प्रूव दैट यू आर मैन. देखिए, एक तरफ मैंने आपके पेरेंट्स से कहा कि बच्चों की शादियां जल्दी करा दें, लेकिन आपके पता है आपके पेरेंट्स की जो कंसर्न है वो बड़ी वैलिड भी होती है. वो वैलिड ये होती है, कहते हैं ये देखें ये अपना कमरा नहीं ठीक कर सकता, ये घर कैसे चलाएगा, ये गाड़ी का तेल नहीं बदलवा सकता, ये घर कैसे चलाएगा. और उनकी कंसर्न बड़ी वैलिड है, क्योंकि वो आपके लिए नहीं, वो आपके आने वाली बीवी के लिए सोच रहे होते हैं कि ये किसी और की बेटी ला के हमने उसको तबाह करना है, क्योंकि ये बच्चा तो अपना ख्याल नहीं रह सकता. सो व्हाट आई एम एडवाइसिंग द यंग ब्रदर्स हु वांट टू गेट मैरिड, जो ब्रदर्स यहाँ पे रिश्ते की तलाश में आए थे और ये समझ के आए थे कि आज यहाँ पे कोई निकाह होने वाले हैं, तो आपके लिए पहली डोज ये है कि आपने मर्द बनना है, यू हैव टू बी अ मैन. और मैन बनने के लिए आपको बचगाना हरकतें छोड़नी पड़ेंगी. नंबर वन, अगर आप फॉर एग्जाम्पल सारा दिन, मिसाल के तौर पे, इफ ऑल डे लॉन्ग यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द प्ले स्टेशन और द एक्सबॉक्स और द आईपैड और द कंप्यूटर प्लेइंग वीडियो गेम्स, कॉल ऑफ ड्यूटी, मेडल ऑफ ऑनर, कुछ 6-6 घंटे कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स कभी भी आपको सीरियसली नहीं लेंगे. दे विल नेवर टेक यू सीरियसली. आप उन्हें कहेंगे ना कि अबू अबू मैं शादी करना चाहता हूं, अबू उन्हें थप्पड़ मारना कर निकलो यहां से बाहर. दे विल नेवर टेक यू सीरियसली, क्योंकि तुम अपना नहीं ख्याल रख सकते, किसी और को तुमने क्या पालना है. सो बात यह, आप अपने आप को प्रूव करके बताएं. देखें, हम लोग मोहम्मद बिन कासिम का वाकया पढ़ते हैं कि जिन्होंने 17 ईयर्स की एज में पाकिस्तान आए और सिंध फतह कर लिया. वो मोहम्मद बिन कासिम 17 ईयर्स की एज में कैसे ये काम करके, बिकॉज उनके पास एंग्री बर्ड्स और कैंडी क्रश नहीं था, उनके पास टेंपल रन 2 नहीं थी, उनके पास ये फजूल, यानी वो यहां पे जिना सुपर का तवाफ नहीं किया करते थे. लेकिन जब हमारे पेरेंट्स ये देखते हैं ना हमें करते हुए, हमारे पेरेंट्स देखते हैं जी लड़का जो है वो सेल्फियां ले लेके पागल हो रहा है, वो कहते हैं बेटा तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारा शादी का भी कोई सीन नहीं है. तो आप अगर अपने आप को यकीन करें एट द एज ऑफ 15 और 16, अगर आप अपने पेरेंट्स को दिखा देना कि यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, इंशाल्लाह रहमान दे विल टेक यू सीरियसली. मेरी अपनी शायद दास्तान आप लोगों ने सुनी हो कि जब मेरी अपनी शादी भी, अब मैं कई दफ़ा बताता हूँ कि लव मैरिज ही थी और इसमें आपको शौक और सरप्राइज की बात नहीं है, लेकिन उस टाइम पे आपको पता है इन माई अर्ली ट्वेंटीज़ में था जब मैंने ये रिश्ता जो है ये ला के अपने पेरेंट्स के सामने रख दिया था कि आई वॉन्ट टू गेट मैरिड. एंड आपको पता है कि अर्ली ट्वेंटीज़ में कहना वही बात है कि हंसी और मजाक था, बिकॉज माई पेरेंट्स वर ऑफ द इंप्रेशन कि शायद 35 साल तक ये रिलैक्स है, कोई मसला नहीं है, 35 तक तो जाने दो ना, उसके बाद देखते हैं क्या होता है. लेकिन मैंने उनको बताने का मकसद ये था कि व्हेन आई टोल्ड देम एट द एज ऑफ 20-21, तो मेरे पास एक बैकिंग थी. उसकी बैकिंग ये थी कि मैं जब इंग्लैंड में था, आई वाज लिविंग अलोन ओवर देयर टेकिंग केयर ऑफ माय ओन हाउस. व्हेन आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया आई वाज लिविंग अलोन, आई वाज टेकिंग केयर ऑफ माय सेल्फ. पढ़ाई भी सारी खुद मैनेज की, खाना भी अपना खुद मैनेज किया, कपड़े धोने खुद किए, घर को साफ रखना खुद किया, वैक्यूमिंग भी मैं ही करता था, सारे काम मैं करता था खुद ही, अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर सारा मेरे पे था, ऊपर से पढ़ाइयाँ अलहदा, उसके अलावा से बिल देने अलहदा,
और ऊपर से जो भी गाड़ी शाड़ी मेंटेन करना सब मेरे पे था. सो मैंने उनको प्रूव किया था कि इन माय बैचलर्स करियर एंड इन माय मास्टर्स करियर मैंने अपने आप को पूरी तौर पे उनको अपने पांव पे खड़ा होकर दिखाया कि मैं वाकई में इन माय अर्ली एज आई कैन डू दिस. कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, इतनी मुश्किल बात नहीं है. अगर आप थोड़ा सा उस पर फोकस करें आप कर सकते हैं. तो जब आपके पेरेंट्स देखेंगे ना कि वाकई आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो वो बड़े कंफर्टेबली कहेंगे कि बेटा पता क्या, आप शादी के लिए तैयार हो. हमें नहीं पता हम क्यों वेट कर रहे हैं, बल्कि तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए. सो आपने अपने आप को प्रूव करके बताना है कि वाकई में मैं इस काबिल हो चुका हूं कि मेरी शादी हो सकती है. और मैं आपको एक थोड़ी सी इसमें मजीद एडवाइस ही देता हूं कि आप थोड़ा फ्रंट फुट पे खेलें. फ्रंट फुट पे खेलने की मुराद यह है कि आपके पेरेंट्स आपसे आके ये ना कहें कि बेटा ये काम कर दो वो काम कर दो. आप अपने काम करके अबू के पास को जाएं, अबू वो गाड़ी का कोई तेल वगैरह बदलवाना हो, कोई और कोई काम हो मुझे बताएं, मैं आज फारिग था, मैंने कहा कि आपकी हेल्प कर दूं. आपके अबू कहेंगे सुभानअल्लाह बेटा वाकई यू हैव टाइम टुडे, एंड सो ही विल फील सो ब्लेस्ड कि माशाल्लाह इसके पास तो अपने भी काम कर चुके हैं, मेरे लेना चाह रहा है, अब ये मेरे काम भी करना चाह रहा है. दे विल रियली फील कॉन्फिडेंट इन यू. एंड व्हेन यू विल कम टू देम इफ दैट डे कम्स कि अबू मेरे साथ ये एक लड़की पढ़ती है कॉलेज में एंड आई हैवंट टॉक टू हर और एनीथिंग, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम वहां रिश्ता भेज दें, सो ऑन, तो दे विल नॉट लाफ इन योर फेस कि रिश्ता और तुम LOL. फिर ये नहीं होगा आपके साथ, वरना फिर LOL ही है. बल्कि हो सकता है आपके अबू के बेटा रुकना जरा मैं आपके साथ सेल्फी ले लूं, दोबारा कहना जरा, और आपको आपकी वीडियो बनाकर उन्हें स्नैपचैट पे डाल दी कि लुक टुडे माय सन केम एंड ही आस्क्ड अ रिडिकुलस क्वेश्चन, और फिर यूट्यूब पे वीडियो वायरल हो गई और फिर आप फेमस हो गए और फिर आपके रिश्ते आना शुरू हो गए. सुभानअल्लाह, माँ बाप के कामों में हिकमत होती है, हिकमत होती है. सो पहली एडवाइस ये आपके लिए है कि यू हैव टू लर्न टू ग्रो अप, इंशाल्लाह ग्रो अप. एंड मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप स्पोर्ट्स ना खेलें, जरूर खेलें स्पोर्ट्स. मैं ये नहीं कह रहा वीडियो गेम्स ना खेलें, खेलें इंशाल्लाह, लेकिन हर चीज अपने टाइम पे अच्छी लगती है. जब आप ऑब्सेसिवली पूरा संडे इस पे लगा देते हैं देन दे थिंक यू आर नॉट सीरियस, देन दिस इज योर लाइफ एंड दे थिंक ये मजाक करता रहता है, ये भी बच्चा है, ये बड़ा नहीं है. समटाइम्स आप 30 साल के भी होते हुए बच्चे होते हैं. समटाइम्स यू आर 30 ईयर्स ओल्ड एंड यू आर स्टिल अ चाइल्ड एंड पेरेंट्स आर स्टिल नॉट थिंकिंग कि इसकी शादी होने वाली है. कहते नहीं बेटा अभी तुम थोड़े और पक जाओ फिर बात होगी. वो फिर आपको पकने देते हैं 40-45 और फिर देखेंगे अच्छा चलो आप शादी की बात करते हैं. नाउ लेट्स हैव एडवाइस फॉर द सिस्टर्स. समझ गए होंगे आप लोग. एक मुहावरा है, कहते हैं रोटी गोल है तो कबूल है, कबूल है कबूल है. रोटी गोल होनी चाहिए, गोल है तो कबूल है रिश्ता. आंखें बंद करो और कबूल है कह दो. इसीलिए मैंने कहा था हमारी अम्मियों की सीआईडी अच्छी होती है. अच्छा लड़कियों के लिए एडवाइस ये है कि शो दैट यू आर रेडी टू रेज अ फैमिली. आपकी अम्मी भी कभी भी आपको सीरियसली नहीं लेंगी अगर आप कोई भी प्रपोजल उन तक लेके जाएं, कोई भी बात उन तक लेके जाएं. दे विल नेवर टेक यू सीरियसली इफ अगेन लाइक द ब्रदर्स योर लाइफ स्टाइल इज वेरी बचगाना किस्म का. अगर माहौल चल रहा है तो वो आपको सीरियसली नहीं लेंगे. अगर आप अपनी अम्मी की हेल्प नहीं करती हैं घर के अंदर तो उनको लगेगा कि मेरी बेटी अभी रेडी नहीं है, शी इज नॉट रेडी फॉर हस्बैंड एंड शी इज नॉट रेडी फॉर किड्स. और अगर इस पर ये शादी आ गई और बच्चे आ गए तो इसको ये कलैप्स कर जाएगी, शी विल कलैप्स अंडर द प्रेशर. सो हमें देखने की जो चीज़ है वो ये है कि हम लोगों ने अपने आप को मैच्योरिटी लेवल अपना शो करना है अपने पेरेंट्स के आगे और उनको वाकई प्रूव करके दिखाना है कि हम लोग रेडी हैं. तो आपके लिए फॉर एग्जाम्पल आर यू मेकिंग योर ओन बेड, आर यू टाइडिंग अप योर रूम, हाउ आर यू व्हेन द गेस्ट कम, हाउ आर यू विद यंग किड्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो लाइफ स्किल्स हैं ये आपको आते हैं या नहीं आते हैं ये बहुत जरूरी है. देखिए केमिस्ट्री पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, मैथ्स करें, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए. लेकिन कुछ लाइफ स्किल्स होते हैं जो स्कूल आपको नहीं सिखाता, जो आपको अम्मी सिखाती हैं या आपको दादी अम्मा सिखाती हैं या नानी अम्मा सिखाती हैं, वो स्किल्स आपको आने चाहिए. हाउ टू डील विद पीपल, हाउ टू कंट्रोल योर एंगर, हाउ टू मे बी कुक इन द हाउस, हाउ टू क्लीन इन द हाउस, हाउ टू कीप हाउस टाइडी. एक वो सलीका जो होता है ना सलीका, ये स्कूल में नहीं सिखाया जाता, ये हमारी माएँ सिखाती हैं और उन्हीं को पता है. इसलिए मैं माओं को भी एडवाइस करता हूँ कि वो सिखाया करें और लड़कियों को एडवाइस करता हूँ कि वो सीखा करें, बल्कि वो अगर फ्रंट फुट पे वो भी खेलें और अम्मी सीखें कि अम्मी मुझे आप फलां चीज़ सिखाएं, आप माशाल्लाह पुलाव बहुत अच्छा बनाती हैं या वो अच्छा बनाती हैं, प्लीज़ मुझे भी सिखाएं, आई वॉन्ट टू लर्न. तो अगर आपकी बेटी, मैं मदर से कह रहा हूँ, अगर आपकी बेटी आपके पास आए और कहें मुझे पुलाव सिखाएं, सोच लें दाल में कुछ काला है. मैं चाहता हूँ मैं सबको आज सारा कुछ बता दूँ ताकि बच्चे ज़्यादा खुश ना हो, बड़े भी ज़्यादा खुश ना हो, हर बंदा बैलेंस रहे इंशाल्लाह. तो अगर आपका बच्चा आपके पास आके पूछे अबू मैंने गाड़ी का तेल बदलवाना कि बेटा इधर आओ जूता उतारे और शुरू हो जाए, ये प्राइवेट आपको आपस में बताता रहा. सो द थिंग इज दिस इज हाउ वी हैव टू वर्क टुगेदर एज अ फैमिली, राइट, एंड वी हैव टू सपोर्ट वन अनदर. ओके, वन ऑफ द थिंग्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच आई थिंक इज लैकिंग इन आवर सोसाइटी इज द इस्लामिक कैरेक्टर डेवलपमेंट इन आवर हाउस. एंड मुझे ये लगता है
कि हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत सीवियरली मिसिंग है हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में से, विच इज़ इस्लामिक कैरेक्टर डेवलपमेंट। सो आजकल पता क्या हो रहा है, मैंने देखिए मैंने कहा इस्लामिक कैरेक्टर डेवलपमेंट का है, मैंने ये नहीं कहा कि बच्चा हिफ्ज़ कर ले, मैंने ये नहीं कहा कि बच्चे को दुआएं कितनी आती हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमने अपने बच्चों की ना कैरेक्टर डेवलपमेंट करनी है कि वो इस्लामी तर्ज पे हो जाए। उसकी वजह ये है कि हमारा बच्चा हो सकता है हाफिज़ कुरान भी हो सकता है वो दुआएं भी बहुत सारी आती हों, हो सकता है नमाज भी पढ़ता हो, लेकिन अभी इस्लाम उसके अंदर नहीं उतरा। उसने बहुत सी चीज़ें मेमोराइज कर ली हैं लेकिन अभी इस्लाम उसके अंदर नहीं उतरा, ना उसकी इस्लामिक पर्सनैलिटी है, ना उसकी वो फॉरगिविंग नेचर है, ना उसके अंदर वो अफवाह दरगुजर वाला मामला है, ना उसमें यह है कि वो माँ बाप का लिहाज करें, वो बिल वालिदैन एहसान है, माँ बाप पे एहसान करें। सो माई एडवाइस इज के पेरेंट्स के लिए एडवाइस है और जो लोग फ्यूचर में फैमिली जिनकी होंगी उनके लिए एडवाइस है, व्हेन योर किड्स आर अबाउट 11, 12, 13, 14, यू नीड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद योर चिल्ड्रन। आपने अपने बच्चों से कॉन्वर्सेशन करनी है इस्लाम के बारे में, और वो कॉन्वर्सेशन में इस्लाम अभी वो ना इस्लाम के बारे में सवाल पैदा होते हैं, इस्लाम के बारे में उनके बेशुमार सवाल होंगे, यू नीड टू बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस। क्योंकि अभी तक तो वो इसलिए इस्लाम पे थे क्योंकि आपने कहा था उनको, बट नाउ व्हेन दे आर 11, 12, 13 अब वो सोचना शुरू कर रहे हैं, तो वो पूछते हैं, अब आपने कहा ना बेटा नमाज पढ़ो, क्यों पढ़ूं, क्यों पढ़ूं? तो आमतौर पे हमारे पेरेंट्स कहते हैं, हमारी अम्मी कहती है मैं बताऊं क्यों, तो ये जवाब मान ली काफी होता है। वैसे अगर आपकी अम्मी ये कह दें मैं बताऊं क्यों, तो फिर इसका मतलब मैं नहीं पूछ रहा हूं उनसे, ये एक ट्रिक क्वेश्चन है, इसका जवाब सिवाय जूते के और कुछ नहीं है। और अगर अब जो है ना अब्बू से पूछा जाए अब्बू नमाज क्यों पढ़ते हैं, अब्बू कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूं, इसलिए बेटा नमाज पढ़ी जाती है क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूं और मैं तुम्हें कह रहा हूं। तो कहते जी अब्बू जैसा हुक्म करे ये बात। लेकिन पता क्या, ये आर्ग्यूमेंट जो है ना दिस विल नॉट लास्ट लॉन्ग, ये जो आर्ग्यूमेंट है दिस विल नॉट गो टू फार, बिकॉज जब आप नहीं होंगे ना तो फिर ये बच्चा बदल जाएगा, जब आप वहां पे मौजूद नहीं होंगे दिस चाइल्ड विल चेंज। सो यू नीड टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन अबाउट इस्लाम इन अ वेरी रैशनल वे, in a very logical way with your child, and you need to explain to them why Islam is the best, why Islam is the best way of life out there, to the point ke aap usko ye samjha dein ki jab wo kisi bahar maashre mein fahashi dekhta hai, maashre mein bure kaam dekhta hai, maashre mein behayi dekhta hai, to usko behayi se chid hoti hai aur nafrat hoti hai, aur wo kehta hai ki and he feels sorry for those people ki kaash inko bhi Islam ka pata hota, और फिर उसको ये भी फिर हो कि आकाश मैं इनको बताऊं, एंड ही विल वॉन्ट टू गिव देम दावा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू नीड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन ऑल ओवर अगेन। यानी 10-12 साल तक तो बच्चे को आपने आराम से चलते रहे, नमाजें पढ़ता रहा, वो आपका ओबीडियंट था, 10-11 साल के बाद ना वो बच्चा आप सोच रहा है, इस टाइम पे आपने पूरा इस्लाम का दोबारा से कोर्स कराना है, प्रूफ फॉर अल्लाह, अल्लाह कहां है, वेयर इज अल्लाह, हु इज अल्लाह, हु इज द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हाट इज द कुरान, हाउ डू वी नो दैट द कुरान इज द वर्ड ऑफ गॉड, how do we know that Islam is truth? You need to have that conversation. And if you cannot have that conversation, main aapko bataun hamare paas youth club mein hamara kaam hi hai, this is exactly what we do, we have conversations with the youth and we try to guide them to these things. Hamare paas jitna bhi hamara main jo bulk of the audience hai wo youth hote hain, naujawan hote hain, jinke beshumar confusions hoti hain, aur ye confusions agar bachpan mein hal ho jati to fir wo hamare paas na aate, aaj hame ye din na dekhna padta ki hamare paas aaye aur बड़े गलत गलत ख्यालात लेके आते हैं हमारे पास, एथियस्टिक फिलोसफियां, ऐसी बातें जहां पे कहीं कहीं उनका अल्लाह में ही बिलीव उठा होता है, क्यों, क्योंकि दैट कॉन्वर्सेशन नेवर टुक प्लेस इन देयर हाउस, ये बात कभी घर में हुई नहीं, ये बात कभी एड्रेस ही नहीं हुई, दुनिया जहां की सारी बातें हुई, ड्रामों में क्या हो रहा था, उसका क्या हो रहा था, ये क्या हो रहा था, नए कपड़े कौन से आ गए, नई फिल्म कौन सी आ गई, फलाना, ये सारी बातें हुई हैं, लेकिन अगर बात नहीं हुई तो इस्लाम के बारे में नहीं हुई, दिस कॉन्वर्सेशन नेवर टुक प्लेस, एंड बिकॉज इट नेवर टुक प्लेस नाउ द चिल्ड्रन आर कंफ्यूज एंड दे कम टू अस कि जी अब मेरे मल्टीपल रिलेशनशिप भी चल रहे हैं, नाउ आई एम इनटू ड्रग्स, नाउ आई एम इनटू दिस, क्योंकि वो हर अन इस्लामिक चीज से इंप्रेस हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं बिकॉज उनको पता ही नहीं इस्लाम क्या है, जिसको पता ही नहीं इस्लाम की वैल्यू क्या है वो ऑब्वियसली ही डजंट अप्रिशिएट इट, जिसको पता ही नहीं है कि ही हैज गोल्ड विद हिम, जिसको पता ही नहीं है कि उसके पास सोना है, वो तो उसको ऐसे ट्रीट करेगा जैसे गार्बेज है। So this conversation needs to take place. और हमारे पास ये जो प्लेटफॉर्म हम क्रिएट करते हैं, दिस इज, ये तो इवेंट जिस तरह के होते हैं पब्लिक, ये तो एक एस्पेक्ट है, हमारे इवेंट्स वीकली भी क्लासेस होती हैं, मंथली भी होती हैं, स्कूलों में भी होती हैं, कॉलेजेस में भी होती हैं, यूनिवर्सिटी में भी होती हैं, जस्ट टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। हमें अगर कैंपस पर जाके करना चाहे हम कैंपस पर भी कर लेते हैं, घरों में बुलाना चाहे घरों में भी कर लेते हैं, प्राइवेट वेन्यू पर करना चाहे प्राइवेट भी करते हैं, बट दिस कॉन्वर्सेशन हैज टू हैपन, अदरवाइज वी विल लूज आर किड्स, अदरवाइज वी विल लूज आर किड्स। एंड आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता है
کہ بڑے بڑے حافظ پھسلے ہوئے ہیں, بڑے بڑے دینی بچے دعائیں یاد کر کر کے, یہ یاد کر کر کے, کورس کر کر کے, وہ بھی پھسلے ہوئے ہیں. بیکاز کبھی بھی ان کے ساتھ ون ٹو ون یہ ہارٹ ٹو ہارٹ کانورسیشن نہیں ہوئی اسلام کے بارے میں, کبھی بھی ہم نے اسلام کو اون نہیں کیا. اور پھر اس سے یہ تو پرابلم ایک ہے کہ وہ پھسلتے ہیں اور سوار ہوتے ہیں, پھر یہی پرابلم میرڈ لائف میں بھی آتے ہیں, یہی جو ہے نا پرابلم فیملی ریزنگ میں بھی آتے ہیں, اور جو ہے نا بے شمار چیزوں میں آتے ہیں. ون آف مائی فرینڈس جو میرے جب میں جاہلی ڈیز میں تھا, اپنے جے ڈیز میں جب میں دین کی طرف نہیں تھا, تو میں کلین شیو تھا اور وہ اس کی داڑھی تھی ماشاء اللہ, اینڈ ہی واز لائک حافظ آف قرآن. اینڈ آئی میٹ ہم آفٹر مینی ایئرس, آئی میٹ ہم آفٹر لائک سکس ایئرس کے بعد ملا, میری داڑھی تھی, اس کی داڑھی شیو ہوئی بھی تھی. تجھے کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں مجھے تو تجھے کیا ہو گیا. میں نے کہا میں تمہاری طرح ہو گیا تو میری طرح ہو گیا. لائک میرا پروگریشن کیا تھا, آئی وینٹ فرام یعنی دس لائف آف نو اسلام ٹو اسلام, اور وہ پراپر اسلام کے اندر تھا, فیملی بڑی پریکٹسنگ تھی, سب کچھ چھوڑ کے وہ ایتھیسٹ ہو گیا. اینڈ آئی آسکڈ ہم کہ تمہاری کیا بلیف ہے لگ بھگ, کہتے ہیں اللہ, واٹ اللہ, اے پرسن وینٹ ٹو ڈس بلیف. کین یو امیجن سم تھنگ لائک دس ہیپننگ؟ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں نے ایک رٹا رٹایا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے, وہاں پہ تھوپ دیا, مسلط کر دیا, قاری صاحب آ گیا, حاجی قرآن ختم کر لیا بچے نے, جی جی کر لیا, سورہ الفاتحہ سے الناس تک پڑھ گیا, عربی زبان میں سمجھ کچھ نہیں آئی, قرآن ختم کر لیا, جی قرآن ختم کر لیا. قرآن ختم کرنا کا مطلب یہ نہیں, اور پہلی بات ہے قرآن کو ایسی چیز ہے جس کو آپ ختم کر سکیں کہ جی میں آج قرآن پہ عبور حاصل کر سکوں. عبور کسی کو حاصل نہیں ہوتا, یہ قیامت تک اس میں سے چیزیں نکلتی رہیں گی. دوسری بات یہ کہ قرآن عربی میں پڑھنے سے آپ نے صرف اس کی مے بھی تجوید اچھی کر دی ہوگی, مے بھی اس کو آپ نے ریسیٹیشن سکھا دی ہوگی, بٹ انڈرسٹینڈنگ ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی. سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں آج آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اسلامک کیریکٹر ڈیولپمنٹ کرنی ہے اپنے بچوں کی, اپنے بہن بھائیوں کی جو یہاں پہ ینگسٹرز ہیں, اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا ابھی سے خیال رکھیں, اینڈ اپنے آپ کو اکوپ کریں تاکہ آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے کوشچنس کو ایڈریس کریں, اپنے کزنس کے کوشچنس کو ایڈریس کریں جو آپ کے فیملی میں ہیں, ارد گرد ہیں, چھوٹے ہیں ایج میں, جن کو ابھی وہ ڈاؤٹس نہیں ہیں لیکن ایونچولی ہو سکتے ہیں. سو یو نیڈ ٹو ٹرین یور سیلف, اینڈ ان شاء اللہ وی آر اویلیبل ٹو ہیلپ یو آؤٹ ایز مچ ایز دیٹ ان دیٹ کیس ان شاء اللہ. اچھا, اب ایک سوال ہے آپ لوگوں سے ساروں سے, وہ سوال یہ ہے کہ ہاؤ مینی آف یو آر لوکنگ ٹو ہیو این آئیڈیل فیملی اور اے نارمل فیملی, یعنی آئی وانٹ اے نارمل اور آئیڈیل فیملی. باقی سارے نہیں چاہتے, باقی چاہتے ہیں کہ ہماری فیملی نہیں چاہیے آئیڈیل فیملی. اوکے, الحمد للہ, پوچھنا احترام, آئی ہوپ کہ آپ لوگ اسی لیے یہاں پہ آئے ہیں کہ یو وانٹ ٹو لائک اپ گریڈ یور فیملی. بٹ لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ ایلس, دیر از نو سچ تھنگ ایز این آئیڈیل فیملی, اٹس اے مت, اٹس اے مت. دیر از نو سچ تھنگ ایز اے نارمل فیملی. کوئی نہ کوئی بندہ ایسا فیملی میں ضرور ہوتا ہے جو اس نے اس کی نارملسی کو خراب کیا ہوتا ہے. And you know this person. Aapki bhuppo jo hai, of course. Maybe I'm just kidding. Koi na koi banda aisa zarur hota hai jisne family ka mizaj aur tabiyat kharab ki hoti hai aur wo kehte hain bas ye banda nikal jaye na baki family normal hi aa jaye. So there is no such thing as an ideal family. There is no such thing as an ideal family. We are all work in progress. Sabka work in progress hai. Sabka, mera, aapka. Chahe aapki immediate family mein na bhi ho, extended mein aise log hote hain جنہوں نے نارملسی کو ڈسٹرب کیا ہوتا ہے. سو یس, یہ پکچرز اچھی تو بہت لگتی ہیں, اور یہ پکچرز پتہ کون سی والی ہیں؟ یہ وہ تصویریں جو نا وہ فوٹو فریم میں لگی ہوتی ہیں. جب آپ بازار جاتے ہیں نا, فوٹو فریم خریدتے ہیں, اس میں اس طرح کی تصویریں لگی ہوتی ہیں, اور آپ ان تصویروں کو دیکھتے ہیں, آپ سوچتے ہیں کاش میری فیملی ایسی ہوتی کہ وہ خاتون کی تصویر ہوگی اپنی بچی کے ساتھ, بال اس کے, یعنی صبح اٹھی ہے ابھی نا, بال بھی بنے ہوئے, میک اپ بھی ہوا ہے, بچے کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی ہے. ہمارے گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا, بال بکھرے ہوتے ہیں, ایک بال امریکہ کے ہوتے ہیں, ایک آسٹریلیا کے ہوتے ہیں, اور بچے کو جو ہے نا بچہ ایسے نہیں الٹا ہوا ہوتا ہے اور ہاتھ اوپر سے ایسے آ رہا ہوتا ہے بچے کو پیٹتے ہوئے صبح صبح, بسم اللہ یہاں سے ہوتی ہے. امیجن کریں اگر یہ فوٹو فریمز ہوتے, جاتے تصویر دیکھتے کہ ایک ماں بچے کو مار رہی ہے, کیونکہ حقیقت تو یہی ہوتی ہے نا اصل میں. تو سبحان اللہ, دس از این آئیڈیل پرسپشن آف لائف جو ہم لوگ اپنے لیے کریٹ کرتے ہیں, بٹ لائف از فار فرام دیٹ. لائف میں اتنی آئیڈیل سچویشنز ہوتی نہیں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی مینشنز ان دا قرآن ان سورہ الملک, He says, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, that we have created death and life to test you, to test which one of you is best in deeds. تو یہ لائف ٹیسٹ ہے, لائف, یہ لائف جنت نہیں ہے کہ آپ کو آتے ہی پاس کرا دی, اور یہ لائف میں امتحان ہوں گے, اینڈ یو ول بی ٹیسٹڈ ود پاورٹی, ود ویلتھ, ود لاس آف فروٹس, ود لاس آف لائف, یہ سب چیزوں کو ٹیسٹ کیا جائے گا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, give glad tidings to those who have patience. تو یہ لائف ٹیسٹ ہے, یو ول بی ٹیسٹڈ, سم ٹائمز یو ول گیٹ اے ڈیفیکلٹ فادر,
sometimes you'll get a difficult mother, sometimes you'll get a difficult husband, sometimes you'll get a difficult wife, sometimes you'll get difficult kids, sometimes you get different extended family, and so on and so forth. But you know, the good thing is Allah subhanahu wa ta'ala says, لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَا. Allah will never burden you more than your capacity. Allah will never burden you more than your ability. Kabhi bhi aise nahi hoga. So jo bhi Allah ta'ala ne aapko log diye aapki family mein, Allah knows ki aap inse deal kar sakte hain. Maybe koi aur hota usko aap deal na kar sakte. Lekin ye jo family aapko mili hai na, you can deal with them. They're difficult, I can understand. Difficult hai, impossible nahi. You can deal with these people. So the thing is ke humne isme khushi mehsoos honi chahiye ki alhamdulillah Allah ta'ala hame kabhi bhi hamare capacity se upar burden nahi dega. So this is one thing. Now the other thing is what you can do is ke be the best version of you that you can. आप क्या कर सकते हैं इस पूरी सिचुएशन में? लोग तो हैं, लोग तो ऐसे भी हैं वैसे भी हैं. आप ऐसे करें, आप अच्छे बन जाएं. क्योंकि आपसे हिसाब ये नहीं होगा कि आपके माँ बाप ने आपके साथ क्या किया, आपके बच्चों ने क्या किया, आपकी बीवी ने क्या किया, आपके हस्बैंड ने क्या किया. आपसे होगा आपने क्या किया. ठीक है, आई अंडरस्टैंड यू हैड दिस टेस्ट, बट व्हाट डिड यू डू? तुम्हें टेस्ट मिला था, आई अंडरस्टैंड दैट, आई नो दैट यू गॉट अ टेस्ट, बट हाउ डिड यू डू इन दैट टेस्ट? दैट्स द टेस्ट, राइट? So the thing is ke aapne sabse best banna hai. You have to be the best version of you. You have to be a good husband, a good wife, a good father, a good mother, a good son, a good daughter, whatever it might be. Kyunki asal test aapka hai, unka nahi hai. Do alim the na, do alim the, unke beech mein ladai ho gayi. Tu main shuru ho gaya. Unne kaha ki ji dekho, ek ne kaha main zyada bada alim hu, ek ne kaha nahi tum nahi ho, main hu, wagaira wagaira. Ek alim ne dusre se kaha, alim A aur alim B. Alim A ne B se kaha ki tum to itne gaye guzre ho ki mere student tumse behtar hai. मेरे स्टूडेंट जो भी फर्स्ट ईयर में है वो तुमसे ज्यादा अकलमंद और जहीन है. तो उस आलम ने कहा ये तो मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ. आलम बी ने कहा ये मैं मानने के लिए तैयार हूँ. कहा ठीक है, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, कल तुम मेरे मदरसे में आओ और मैं तुम्हारा और अपने स्टूडेंट का इम्तिहान करवा लेता हूँ. कहते ठीक है, ऐसी क्या बात है, मैं मुझे 25 साल हो गए हैं, मुझे 25 साल हो गए, तुम्हारा कल का बच्चा क्या मुझसे आगे निकलेगा. उन्होंने कहा ठीक है, आप आए. अगले दिन जब वो आलम बी उसके पास आने लगा आलम ए के मदरसे में, तो आलम ए ने अपने तमाम स्टूडेंट्स को ये जो है हुक्म दिया कि आज जो भी आएगा, चाहे मैं क्यों ना हूं, किसी को सलाम नहीं करना. आज जो भी आएगा उसको सलाम नहीं करना. तो बच्चों ने कहा ठीक है सर, जैसा आपका हुक्म. तो अब ये आलिम बी जब दाखिल हुआ क्लासरूम के अंदर, इसने कहा एक्सपेक्टिंग के बड़ा अंदर आया तो सलाम करेंगे. सलाम नहीं हुआ, खामोश. फिर उसने ऊंची आवाज में किया, कोई सलाम नहीं. फिर उसने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जवाब कोई नहीं, खामोश. कोई वालेकुम सलाम नहीं, हर बच्चा अपना काम लगा. दोबारा उसने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. कोई जवाब नहीं. उसने कहा तुम किस किस्म के जाहिल लोग हो सारे. कहते तुम आलिम ए, यानी तुम कहते थे तुम्हारे बच्चे बड़े समझदार हैं, ज़हीन हैं, इनको तो ये नहीं पता कि इस्लाम जो हुक्म देता है कि जब किसी कोई सलाम करता है तो जवाब देना चाहिए उसका, और मुझे ये देख नहीं रहे कि मैं इनसे कितना बड़ा हूँ एज में, और मैं आलिम हूँ और मेरी ये मकाम है और मेरा ये मरतबा है, और मुझे जवाब नहीं देता ये लोग. इनको ये बेसिक चीजें नहीं पता, इनको तो एटिकेट्स ही नहीं है. मेरा हक बनता है कि मेरे सलाम का जवाब दिया जाए, मेरा हक बनता है कि मुझे जवाब दिया जाए. मैं सलाम करूं, मुझे जवाब दो. उतनी देर में एक और स्टूडेंट था, वो जो क्लास से बाहर पानी पीने या जो ना किसी और काम से गया होता, वो जब क्लास में दाखिल हुआ उसने कहा सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. तो बच्चों ने जवाब नहीं दिया. तो ये नया आया था, उसको पता नहीं था कि रूल्स का डिस्कस हुआ यहाँ से पहले. उसने दोबारा कहा सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बच्चों ने जवाब नहीं दिया. तीसरी दफा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, जवाब नहीं मिला. तो वो जाके एक एक बच्चे के पांव पड़ना शुरू किया कि यार मुझसे गलती क्या हो गई है, व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, व्हाट हैव आई डन, मुझसे क्या गलती हुई है कि आज तुम लोग मुझे सलाम का जवाब नहीं दे रहे हो. हैव आई सेड समथिंग टू यू, हैव आई डन समथिंग रॉन्ग, मेरे से क्या गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दो यार, ये लेकिन ये तो ना करो मेरे साथ, प्लीज आई एम सॉरी. उसने कहा सर आई एम सॉरी प्लीज, व्हाई आर दे नॉट, यानी जो ना रिपेइंग माय सलाम. तो उस आलिम ए ने कहा कि इसलिए मेरे बच्चे तुमसे बेहतर हैं, क्योंकि जब मेरा बच्चा देखता ना कि सलाम नहीं किया गया तो वो ये नहीं कहता कि मेरा हक था, मेरा हक था. वो अपने आप को उस पोजीशन में लाता कि जरूर मुझसे कोई गलती हुई होगी जिसकी वजह से आज मेरे साथ ये हो रहा है. और तुम उस एंगल से आ रहे हो, तुम उस जगह से आ रहे हो कि जहां पे तुम समझते हो तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम्हारा हक बनता है, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया जाए. यू नो व्हाट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, समटाइम्स हम भी ये समझते हैं. हम समझते हैं कि हमारा हक बनता है, मैं माँ हूँ मेरा हक बनता है, मैं बाप हूँ मेरा हक बनता है, मैं हस्बैंड हूँ मेरा हक बनता है, मैं वाइफ हूँ मेरा हक बनता है, मैं बच्चा हूँ मेरा हक बनता है मेरे साथ ऐसा सलूक किया जाए. लेकिन हर वक्त लोग आपके सलूक वो नहीं करेंगे जो आपका बनता है. रिमेंबर दिस, इन लाइफ यू विल नॉट बी ट्रीटेड लाइक यू शुड बी ट्रीटेड. जैसे आप डिजर्व करते हैं ना, उस तरह से नॉर्मली लोग आपको ट्रीट नहीं करेंगे. आपका मकाम हो सकता है बहुत ऊपर हो लेकिन लोग ना समझ पाए. तो आपको क्या करना चाहिए, बजाय कि आप ऊपर से आए कि मेरा हक है मुझे दो, मेरा हक है मुझे दो, आपको चाहिए कि शायद मुझसे कोई गलती होगी हो जिसकी वजह से शायद मेरी बात ना सुनेगी हो.
और हमारे यानी असलाफ में लोग जो है ना उलमा कहा करते थे कि अगर मैं किसी दिन अपने आई थिंक जो है ना फुदैल इब्न अय्याद थे रहीमुल्लाह जो कहते थे कि अगर मैं किसी दिन अपने अल्लाह को नाराज़ कर दूँ तो उस दिन मैं देखता था कि मेरी बीवी भी नाफरमान हो जाती थी, मेरे बच्चे भी नाफरमान हो जाते थे, हत्ता कि मेरा सवारी का जानवर भी नाफरमान हो जाता था। जिस दिन मैं अल्लाह की नाफरमानी करूँ मुझे लगता था कि कोई भी चीज़ मेरी फरमाबरदारी नहीं कर रही, कि जब मैं अपने अल्लाह के दिए हुए हकूक जो अल्लाह के वो पूरे नहीं कर रहा तो फिर बाकी लोग मेरे हकूक कहाँ पूरे करेंगे। सो ऑलवेज इंटरनलाइज व्हेन एवर थिंग्स गो रॉन्ग लुक एट योरसेल्फ कि चलो बाकी तो जो है वो हैं मैं कैसे अपने आप को चेंज कर सकता हूँ। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी नीड टू इंशाल्लाह एड्रेस। लेट मी नाउ ब्रिंग यू टू सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज फ्रॉम द कुरान एंड दिस विल इंशाल्लाह ड्राइव द पॉइंट होम। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, लूत अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुनी होगी आपने। मुझे बताएं लूत अलैहिस्सलाम की फैमिली आइडियल थी, वॉज इज फैमिली नॉर्मल? लूत अलैहिस्सलाम की वाइफ जो थी शी वॉज अ डिसबिलीवर, शी यानी बिट्रेड हिम। लूत अलैहिस्सलाम की वाइफ, अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया उनका। अच्छा जी, नूह अलैहिस्सलाम के बारे में क्या ख्याल है? आइडियल फैमिली थी उनकी, बहुत अच्छी फैमिली थी माशाल्लाह, व्हाट अ जबरदस्त फैमिली। नो, हिज वाइफ एंड हिज सन बोथ ऑफ देम डिसबिलीव्ड। इमेजिन करें, ही इज अ प्रॉफिट ऑफ अल्लाह और वाइफ और बेटा दोनों नाफरमान निकले। आगे आप देखें याकूब अलैहिस्सलाम जो थे उनकी लाइफ आइडियल थी, उनके 11 यानी जो बेटे थे उनमें से 10 ने क्या किया? दे वर वेरी मच एरोगेंट एंड यानी इस तरह के बाप की बिल्कुल नाफरमानियां करने वाले, जिस चीज का डर था वही काम करने वाले। ये नबी की औलादी थे ना सारे के सारे, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच, पूरा यानी आप देखें मां सिवाय बिन्यामीन और यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे सारे के सारे ऐसे थे। सो इट्स अ ह्यूज इशू नाउ, नॉट एन आइडियल फैमिली बाय एनी स्टैंडर्ड्स। लुक एट हजरत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा, हु वाज द वाइफ ऑफ फिरौन। आप माशाल्लाह जो लोग मैरिड हैं यहाँ पे, आपका हस्बैंड अगर बुरा भी सही फिरौन तो नहीं है ना, ही इज नॉट किलिंग बेबीज राइट, कि वो बच्चों के जो ना गर्दने उतार रहा है। शी वॉज मैरिड टू द वर्स्ट हस्बैंड इन ह्यूमन हिस्ट्री, वर्स्ट हस्बैंड इन ह्यूमन हिस्ट्री। यानी शराबी कबाबी होना तो एक चीज है, ऊपर से जुल्म करना लोगों पे, गुलामों के ऊपर, अपने आप को यहां तक कहना अना रब्बुकुमुल आला, नाउज़ुबिल्ला सुम्मा नाउज़ुबिल्ला, इतनी बड़े बड़े कुफरिया कलमे उसके मुंह से निकल जाते थे। और आसिया दुआ करती थी रब्बी इब्नी लिंदा कबैतन फिल जन्ना, ओ अल्लाह यानी ब्रैकेट में आई विल हैव सबर विद हिम बट गिव मी अ हाउस नियर यू इन जन्ना। आई नॉट एन आइडियल फैमिली बाय एनी स्टैंडर्ड। हालांकि दिस वुमन आसिया इज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द क्वीन ऑफ द वुमन ऑफ पैराडाइज, लीडर्स वन ऑफ आउट ऑफ द फोर लीडर्स आउट ऑफ द फोर क्वींस ऑफ पैराडाइज वन ऑफ देम इज आसिया। सुभान अल्लाह, दिस इज द मकाम दैट वाज गिवन टू हर। आगे आप देखें अबू लहब किसका अंकल था, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आइडियल सिचुएशन है, आइडियल अंकल है, बहुत प्यार करने वाला, लाड करने वाला, मोहब्बत करने। नो, ही वाज द वन हु वाज वन ऑफ द बिगेस्ट अपोजर्स ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज मिशन। आप सल्लम के पूरे मिशन का इतना बड़ा मुखालिफ, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अल्लाह सुभान तआला ने उसके खिलाफ आयात नाजिल कर दी कि तबाह हो गया अबू लहब और उसकी बीवी भी, दोनों गए। इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ अंकल दिस इज। So if you are struggling with a difficult uncle, don't worry. Allah SWT has mentioned an uncle in the Quran. And you might be thinking, नहीं ये तो सारे काफिर थे या सारे disbelievers थे। What about Zaid and Zainab? What about these companions of the Prophet? दोनों सहाबी और सहाबिया ही है ना, सहाबी एंड सहाबिया, but very righteous people. Both of them, उनका character is amazing. But divorce हो गई. So we find कि even यानी that is not an ideal situation. हम कहते नहीं देखिए जी वो भी नेक था ये भी नेक था, पता नहीं डिवोर्स कैसे होगी, कोई तो शर होगा कोई तो नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभार कंपैटिबिलिटी नहीं होती, समटाइम्स देयर इज लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी बिटवीन टू पीपल, डजंट मैटर, मे बी यू आर बोथ राइटियस बट बोथ नॉट फिट फॉर ईच अदर, सो यू डोंट से देयर वॉज एन आइडियल फैमिली फॉर देम। बड़ी आइडियल सिचुएशन थी जी, बड़ी आइडियल, ये बड़ी नॉर्मल फैमिली थी। हम जिस नॉर्मल को ढूंढ रहे ना वो नॉर्मल एग्जिस्ट नहीं करता, अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट अवेलेबल आउट देयर। यू विल गेट डिफिकल्ट पीपल इन योर लाइफ, यू विल गेट डिफिकल्ट पीपल। हाबील एंड काबील, हाबील क्या था यानी इमेजिन करें द सन ऑफ अ प्रॉफिट एंड ही मर्डर्ड हिज अदर सिबलिंग, अपने सगे भाई को कत्ल कर दिया। काबील किल्ड हाबील, कैन यू इमेजिन, ये कोई आइडियल फैमिली है? हालांकि दिस द फर्स्ट कपल द फर्स्ट फैमिली बट इवन दैट फैमिली इज नॉट आइडियल, फार फ्रॉम आइडियल। हम कहें अभी तो ना माशरे में फितना है, ना माशरे में फाशी है और यानी है बदकारी है, माशरे में कोई है कुछ नहीं, माशरा ही नहीं है पहली बात है। तो कम अज कम दे वर लिविंग ऑन द होल प्लानट वॉज लाइक देयर ओन पर्सनल रिजॉर्ट, तो कम अज कम यहां तो ग्रूमिंग सही होनी चाहिए।
अभी तो हम को एजुकेशन की बात नहीं कर रहे, अभी तो हम टीवी की बात नहीं कर रहे, अभी हम मीडिया के ऑनस्लॉट की बात नहीं कर रहे, इसके बावजूद फितना पैदा हो गया, कत्ल करने पे बात पहुंच गई, कत्ल कर भी डाला। तो व्हाट अबाउट अस एंड आवर किड्स लिविंग इन दिस सोसाइटी फार फ्रॉम बीइंग आइडियल। आगे आप देखें हजरत मरियम अलैहिस्सलाम सिंगल पेरेंट, हजरत मरियम सिंगल पेरेंट, इज दैट आइडियल सिचुएशन फॉर एनीवन? नो ऑफ कोर्स नॉट। सिंगल पेरेंट कितना टफ होता है, लेकिन हम लोग अपने पे ना अफसोस करना शुरू करते हैं, ओ माय गॉड आई एम अ सिंगल पेरेंट, यू नो लाइफ इज टफ, ओ माय गॉड यू नो माय ब्रदर्स दे हेट मी, माय अंकल यू नो मेरी लाइफ तो देखे ना कितनी मजबूरी है, देखे ना मेरा हस्बैंड कितना बड़ा फिरौन पैदा हो गया, देखे ना ये कितना, यानी वी हैव सेल्फ पिटी, हम अपने ऊपर जो है ना पिटी करना शुरू करते हैं, रियलाइजिंग कि देखो मुझे क्यों अच्छी फैमिली नसीब नहीं हुई, मुझे क्यों, व्हाई कुडंट आई गेट अ नॉर्मल फैमिली, व्हाई कुडंट, नोबडी गेट्स अ नॉर्मल फैमिली। सो यू नो व्हाट, इफ यू नीड टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम टुडेज वर्कशॉप, रियलाइज कि देयर इज नो सच थिंग एज अ नॉर्मल फैमिली। हाँ, वी कैन ट्राई टू मेक इट एज बेस्ट एज ह्यूमनली पॉसिबल, हम कोशिश कर सकते हैं कि मसले कम से कम हों, प्रॉब्लम्स कम से कम हों, प्रॉब्लम्स जो हों उनको अच्छी तरह रिजॉल्व करें। अगर अगला बंदा ढीठ बन के नहीं सबमिट कर रहा, हम सबमिट कर जाएं, जरूरी है कि वो भी अकड़ है, आप भी अकड़ जाएंगे, फायदा नहीं है ना। आपको तो चले किसी और फैमिली मेंबर ने आपका लेक्चर नहीं सुना, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू और सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग दिस, ये लेक्चर ना मेरे हस्बैंड को सुनना चाहिए था, ये लेक्चर ना काश मैंने गलती किया, आज बेगम को लेकर नहीं आया, मैं उसको घर बिरयानी पकाने पर लगाया था, काश उसको बिरयानी छुड़ा के यहाँ अगर ले आता तो फायदा होता। कुछ सोच रहा होगा ये लेक्चर मेरी भूपी को सुनना चाहिए था, क्योंकि अभी जो बात जो की है, कुछ सोच रहा होगा काश मेरी चच्ची ये सुन लेती, कोई कहता होगा मेरी ताई सुन लेती, कोई कहता मेरी फलानी सुन लेती। देखें अल्लाह सुबहान तआला चोज यू टू बी हियर, नॉट योर फूफी और योर चाची और योर ताई और योर मामी और योर खाला और योर मामू और एनीवन। अल्लाह सुबहान तआला चोज यू टू बी हियर, ही वांटेड यू टू लिसन टू इट, अल्हम्दुलिल्लाह हैपेंड। अल्लाह ताला चाहते थे आप ये लेसन सुन लें आज का, और आपने सुन लिया, अब आप क्या करेंगे ये आपके ऊपर है, हाउ यू विल डील विद दिस, दिस इज अप टू यू नाउ। आपने बात सुन ली है ना, अब आप पे हुज्जत कायम हो चुकी है, आप यहां पे आए अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बातें सुनी अल्हम्दुलिल्लाह, अब आगे क्या होगा, अब आपके ऊपर है। अब मैं आपके घरों में जाकर हर किसी को दावत नहीं दे सकता, अगर मेरे पास कैपेसिटी होती वल्लाही मैं ये भी करने के लिए तैयार था, मेरे पास ये कैपेसिटी होती तो मैं ये भी कर देता। और अभी भी मुझे लोग कभी कभार कॉल करते हैं पर्सनल काउंसलिंग उसके लिए कि जी हमारे घर में बहुत ज्यादा आग लगी हुई है, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, मैं जब कभी टाइम निकले तो मैं वहां चला भी जाता हूँ। बट द थिंग इज आई कैन डू दिस फॉर एवरीवन, बट यू कैन, आप अपने घर को जिस तरह समझ सकते हैं कोई भी नहीं समझ सकता। सो एटलीस्ट आप जो आज लेसन ले रहे हैं ना, प्लीज जो बातें हैं मैंने आपसे कहा, मैं आपको कोई बहुत बड़ा कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा हर दुनिया के मसले का, बट मैं आपको कुछ जेम्स दूंगा इंशाल्लाह, विच इफ यू अप्लाई इन योर लाइफ विल बी मच मच स्मूदर देन इट इज राइट नाउ, मच मोर प्लेजेंट देन इट इज राइट नाउ, और रियली आप उस तरफ जाएंगे जहां पे हम कहते हैं यू हैव हयातन तय्यबा, अ ब्यूटीफुल लाइफ, यू कैन गेट दैट। डिफिकल्टीज आएंगी लेकिन ज्यादातर खूबसूरती होगा, और जब डिफिकल्टी आएगी चली भी जाएगी, इतनी बिग डील नहीं होगी इंशाल्लाह। ऑफन टाइम्स वी हैव दिस मेंटालिटी कि अनलेस दे चेंज माई सिचुएशन विल नॉट गेट बेटर, यू नो दिस इज अ कॉमन परसेप्शन दैट वी हैव, कि जब तक वो नहीं बदलेगा ना मेरी सिचुएशन ठीक नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल जब लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए भी तो कहते हैं मेरे अबू बहुत खराब है, अबू बदल नहीं सकते, अबू चेंज नहीं हो सकते। अच्छा मुझे बताएं अबू कैसे बदले जाएं, अच्छा मेरी अम्मी जो है वो बहुत डांटती है, अम्मी को कैसे बदला जाए, हाउ डू बी चेंज आए। मेरा हस्बैंड जो है वो बिल्कुल मेरे कोई राइट्स पूरे नहीं करता, बहुत ऐसा है वैसा है, मुझे बताएं हस्बैंड को, मैं चाहती हूँ कि आप उसको ना आप उसको ऐसी कोई डोज दें, ऐसी कोई डोज दें उसको कि कुछ उसको घोल के पिला दें कि कल वो आए तो वो अल्लाह का वली बनाओ। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई डोज नहीं है, बात यह है मुझे नहीं पता कौन बदल सकता है, लेकिन आप बदल सकते हैं ना, क्योंकि आपने प्रॉब्लम रियलाइज कर लिया। सो इफ नोबडी चेंजेस दैट्स ओके, बट यू कैन चेंज। सो सबसे पहले ये सोचें कि क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई भी चेंज ना करे, जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं वो ऐसे ही रहें। जैसे मैंने आपको पिछली एग्जांपल्स बताई, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा वही रहा जो पहले था, उनकी वाइफ भी वैसी रही, यानी लूत अलैहिस्सलाम की वाइफ भी वही रही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जो है अबू लहब वो भी उसी तरह रहे, एंड फिरौन फिरौन रहा, एवरीवन स्टेड दैट सेम वे, बट दोज पीपल चेंज, दोज पीपल जो कि जिनको प्रॉब्लम था उन्होंने अपने आप को एक लेवल पे एग्जॉल्ट किया, एक लेवल पे लेके जहां पे दे वर एबल टू डील विद दैट प्रेशर। सो आई डोंट नो हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स आई कैन चेंज और वेदर इट्स पॉसिबल, बट एटलीस्ट यू गाइस कैन चेंज, आप अपनी बर्दाश्त और पेशेंस जरा बेहतर कर सकते हैं इंशाल्लाह। वन ऑफ द थिंग्स दैट वी नोटिस ऑल्सो इज दैट पीपल थिंक देयर इज अ नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी टू बिलीव दैट यू हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, कि गलती आपकी नहीं, और ये हम सब का कसूर होता है, बाय द वे ये हम सब का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपनी गलती नहीं मानते, हम कहते हैं आई एम इनोसेंट, आई डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, मेरी तो गलती है नहीं, आप उससे पूछें,
हस्बैंड कहेगा मेरी तो गलती नहीं है, मैं तो देखें उसको प्रोवाइड भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, काम भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, और फिर मेरी वाइफ का ये रवैया मेरे साथ, गलती मेरी नहीं गलती उसकी है। वाइफ कहती है मैं उसके ये नखरे सुनती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, फिर भी मेरे साथ ये सलूक करता है, तो कहती गलती मेरे हस्बैंड की है। बात ये गलतियाँ दोनों साइड पर हो सकती हैं, बोथ पीपल कुड बी एट फॉल्ट। एंड मैं यकीन करें दोनों अपने एंगल से ठीक ही कह रहे होते हैं, हस्बैंड अपने एंगल से ठीक कह रहा होता है, वाइफ अपने एंगल से ठीक कर रही होती है। एंड जितने भी मैं इस तरह के काउंसलिंग केसेस लिए हैं, खासतौर पे हस्बैंड वाइफ के बीच में या इस तरह के, यकीन करें उसमें प्रॉब्लम यही होता है, जब आप वन साइडेड कहानी सुनते हैं ना तो फिर इनजस्टिस होता है। वाइफ वाइफ कहती है वो ऐसा 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 ऐसा, आप कहते ठीक है जाकर रखा, लेट मी लिसन टू द हस्बैंड। हस्बैंड कहते हैं उसके ये मिसाल है, ये मिसाल है, एंड देन यू एक्चुअली बिगिन टू डिस्कवर कि नहीं, प्लॉट इससे ज्यादा बड़ा है, थिंग इज नॉट जस्ट वन साइडेड, इट्स टू वे, और दोनों जगह पे। हाँ, कुछ एक्सट्रीम केसेस होते हैं, एक्सट्रीम केसेस जहां पे होता है कि जी हस्बैंड हैज कम डाउन टू फिजिकल अब्यूज, और वो भी फिजिकल अब्यूज और वो सारा कुछ जो है उसके पीछे भी कोई वजह होती है, कोई साइकोलॉजिकल वजह भी हो सकती है, कोई मेंटल इशू भी हो सकता है, कोई घर के डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, बेशुमार चीजें, बट वो डिग करने से पता चलता है। सो द थिंग इज नेवर थिंक के मैं बेकसूर हूं, हमेशा अपने लिए जब भी कोई मुसीबत आए ना, द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज इंटरनलाइज, अल्लाह से इस्तगफार करना, माफी मांगना, तौबा करना। अल्लाह फरमाते हैं कुरान मजीद में कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयअफू अन कसीर, व्हाटएवर ऑफ मिसफॉर्चून बिफॉल्स यू इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट योर हैंड्स हैव अर्नड एंड अल्लाह पार्डन्स मच, यानी जो भी मुसीबत तुम पे आई है ना वो तुम्हारे अपने अमाल की वजह से, और अल्लाह तो बहुत माफ करने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे एक कांटा भी अगर तुम्हें चुभता है ना, उस कांटे के चुभने की वजह से भी तुम्हारे कितने गुनाह झड़ जाते हैं। तो कांटा चुभना भी बगैर मकसद के नहीं होता, ये मुसीबत भी जो कांटा चुभने की मुसीबत भी जो आई ना, इसके पीछे भी कुछ गुनाह थे जो अब चुभने की वजह से धुल गए, इरेस हो गए। चोटें लगती हैं जब कोई बीमार होता है इंसान, उसके पास हम जाते हैं कहते हैं ला बासा तहुरुन इंशाल्लाह, कि ये तुम्हारी जो बीमारी तुम्हारे पे आई हुई ना मुसीबत, इसकी वजह से भी तुम्हारे को पिछले गुनाह थे जो माफ हो जाएंगे इंशाल्लाह, उन गुनाहों की वजह से ये प्रॉब्लम आया, अब ये चला जाएगा इंशाल्लाह। सो इंटरनलाइज, डोंट थिंक कि आई एम परफेक्ट, एवरीबडी एल्स हैज अ प्रॉब्लम, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट। योर फैमिली इज नॉट अ सैलेड बार। सैलेड बार पे कभी गए हो ना आप किसी होटल रेस्टोरेंट वगैरह में जहाँ पे ओपन सैलेड होता है, तो हम क्या करते हैं, अच्छा ये टमाटर लगा दो इसमें सैलेड में, क्यूकम्बर्स डाल दो इसमें से, लेटस निकाल दो, ऑलिव्स डाल दो, ये कर दो, यू पिक एंड चूज। सैलेड बार में यू पिक एंड चूज एंड यू मेक योर ओन सैलेड। अनफॉर्चुनेटली योर फैमिली इज नॉट लाइक दैट। आप ये नहीं कह सकते फूफी को बाहर निकाल दो, चच्ची को ले आओ, ये कर दो, यानी इसको ये क्या दिया, तीन बहन भाई इनको बाहर निकालो, मैं अकेला ही ठीक था, अकेला मैं ज़्यादा बेहतर काम कर रहा हूँ, इफेक्टिवनेस मेरी बेहतर है, ऐसा नहीं होता। यू डोंट पिक एंड चूज, अम्मी पसंद नहीं बाहर निकाल दें इनको, दूसरी कर लेते हैं। यू नो डोंट, योर फैमिली इज नॉट पिक एंड चूज, ये सैलेड बार नहीं है। बट बात यह है आपकी फैमिली आपको मिल चुकी है, आपकी इसमें चॉइस नहीं थी, आपने ना अपनी अम्मी को चूज़ किया है, ना आपने अपने अब्बू को चूज़ किया है, ना आपने अपनी बहनों और भाइयों को चूज़ किया है, ये आपको मिल गए। अब जैसे भी मिले, अच्छे हैं बुरे हैं, भुगते हैं अब इनको, प्लीज़ इनको भुगते हैं, बिकॉज ये अल्लाह ताला को पता था कि आपको यही सूट करते हैं, आपकी सिचुएशन में यही सूट करते हैं आप, अच्छे हैं बुरे हैं जो भी हैं, बस आपने उनके साथ अब डील करना है। सो योर फैमिली इज नॉट अ पिक एंड चूज सिचुएशन कि जहाँ पे आपने उनको उठा के बाहर निकाल दिया, दे आर योर फैमिली एंड अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ देम। आप घर छोड़ के भी चले जाना, माँ आपकी माँ ही है, आप बाप से दूर भी चले जाएं, बाप आपका बाप ही है, यू कैन नॉट डिस्कनेक्ट फ्रॉम योर फादर, इट्स नॉट पॉसिबल टू डू दैट। बहन भाइयों से आप डिस्कनेक्ट, जितना मर्जी आप कहें मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, जितना मर्जी कह लो यू आर स्टिल द ब्रदर। ऐसे हम लोग वो फिल्मों में होता है कि आज मैं तुम्हें आग किया, दफा हो जाओ मेरे घर से, ये फिल्मों में होता है, ये रियलिटी में नहीं हो सकता इस तरह। इस्लाम में इम्परमिसिबल है कहता तालकी करना, इट्स नॉट अलाउड टू डू लाइक ब्रेक रिलेशनशिप इवन नो मैटर हाउ बैड दे बिकम, बट रादर यू हैव टू डील विद दैट सिचुएशन। तो देखिए आसान हल ये नहीं है कि अच्छा मेरा अंकल जो है मिसाल तौर पर वो अच्छे आदमी नहीं है, तो आसान तरीका ये नहीं कि कट ऑफ कर दो, बस उनसे बात ही नहीं करते, छोड़ो उनको परे, छोड़ो परे। एंड समटाइम्स पीपल डू दैट, मैं कह रहा हूँ डोंट डू दैट, डोंट कट ऑफ टाइज, रादर डील विद द सिचुएशन। ओके सो फाइन, योर चाइल्ड इज वेरी डिसोबीडियंट, डोंट किक हिम आउट ऑफ द हाउस, डील विद इट इन अ बेटर वे, एंड लाइक वाइज विद एनी सिचुएशन। द हदीस ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज बिफोर अस, जहां पे आपने कहा डू नॉट हार्बर ग्रज अगेंस्ट वन अनदर, नॉट जेलसी, नॉट एनमिटी, एंड डू नॉट शो योर बैक्स टू वन अनदर, एंड बिकम एज फेलो ब्रदर्स एंड स्लेव्स ऑफ अल्लाह। इट इज नॉट लॉफुल फॉर अ मुस्लिम टू अवॉइड स्पीकिंग विद हिज ब्रदर बियॉन्ड 3 days। 3 दिन से ज्यादा ना बोलना ना ये अलाउड ही नहीं है इस्लाम में, बल्कि आता है कि अल्लाह सुब्हान तआला ऑन थर्सडेज ही आस्क द पीपल के, यानी माफ, लोगों को माफ़ी दी जाती है कि लोग माफ़ हो रहे हैं, माफ़ हो रहे हैं, बिकॉज इसीलिए कहा जाता है कि आप थर्सडे को रोज़ा भी रखा करें, तो लोगों को माफ़ करते हैं, लेकिन उसका केस रोक देते हैं जिसका किसी भाई के साथ झगड़ा हुआ है, किसी फेलो मुस्लिम ब्रदर और स्पेशली फैमिली मेम्बर के साथ जिसकी लड़ाई हुई है, कहा जाता है इसके लिए अभी माफ़ी नहीं है,
जब तक कि ये उससे मैटर रिजॉल्व नहीं कराता। सो आपका केस माफी का आगे फाइल ही नहीं होता जब तक आप बेशक नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, माशाल्लाह तहज्जुद की नमाजें, लेकिन आपके फैमिली में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, किसी से नहीं बन रही, आपके ताल्लुक काटे हुए, उनका केस आता है, इनको माफ नहीं करना, इनका होल्ड करो केस, इनका केस पेंडिंग में रखो जब तक कि एक दूसरे को माफ नहीं करते। अगर माफ करेंगे तो फिर अल्लाह माफ करेगा, वरना अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। सो प्लीज टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू पहल करने के लिए, आगे बढ़े और खुद बड़े बने, और अगर कहीं पर नाराजगी है तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट से सॉरी, अच्छा मेरी गलती है, अपनी ना भी गलती आप क्यों मान लें, अल्लाह विल थिंक हाईली ऑफ यू इंशाल्लाह। ऐसे कुछ केसेस मेरे पास आए जहां पे दो फैमिलीज के बीच में एक ताल्लुक टूटा हुआ था और बड़े अरसे से बात नहीं हुई थी, बड़े अरसे से, और उन्होंने कहा कि जी मेरा सगा भाई है एंड मैंने पिछले 5 साल से बात नहीं की हुई, 5 साल हो गए। मैं कहा सुभानअल्लाह 5 ईयर्स। तो आई आस्क देम कि चले आप ऐसा करें, मेरे कहने पर ना आप एक गिफ्ट भिजवा दें, केक भिजवा दें, कुछ साथ फ्रूट भिजवा दें, और एक नोट भिजवा दें कि आई एम सॉरी, आई विश वी कैन बी फ्रेंड्स अगेन। आप यकीन करें, उनका नहीं मेरा बिल्कुल दिल नहीं हो रहा, वो ऐसा आप जानते नहीं। मैं कि मैं नहीं जानता, ठीक है मैं नहीं जानता, लेकिन ही इज योर ब्रदर, प्लीज डोंट कट ऑफ योर टाइज विद हिम। उन्होंने कहा चले ठीक है आपके कहने पर भिजवाते हैं। बड़ा मुश्किल से उन्होंने भिजवाया, यकीन करें द होल थिंग पैच्ड अप, वन जेस्चर। हमें लगता है बड़ा मुश्किल है, क्या क्या मसला हो जाएगा, आपने फोन भी नहीं करना। मैं कह रहा हूँ गिफ्ट भिजवा दें पार्सल सर्विस के थ्रू, ये DHL और UPS या जो भी है TCS, उसके थ्रू पैकेज भिजवाया आपने, केक और कुछ चीजें जैसे कार्ड भिजवा दिया और कहा लुक आई एम सॉरी एंड प्लीज लेट्स पैच अप। तो उनका फोन आ गया, 7 नंबर दिया था, फोन आ गया कि जी आपका गिफ्ट मिला, जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया, तो चलें भाई छोड़ें, आपने कह दिया 5 साल से बात नहीं हुई, जस्ट वन जेस्चर एंड एवरीथिंग इज फाइन। वो भी आपसे बनाना चाह रहे होते हैं लेकिन कोई पहल नहीं कर रहा होता, दोनों फंसे होते हैं, तो कोई पहल कर दे अल्लाह का बंदा इंशाल्लाह, ठीक है। 10 मिनट से यू नो देर आर मेनी सिचुएशंस यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कॉमन प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स आर रिलीजियस बट द चाइल्ड इज नॉट, पेरेंट्स मजहबी हैं माशाल्लाह, फादर 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं, बच्चे बिल्कुल दीन से दूर हैं। एंड ये नहीं मैं कह रहा कि बच्चे बुरे हैं, जरूरी नहीं है कि वो बुरे ही हों, मे बी दे डोंट अंडरस्टैंड इस्लाम येट, या कभी उनको प्रेजेंट नहीं किया गया, या हमने बहुत जबरन उनको पढ़ाया और वो रिपेल हो गए। हमारी गलतियाँ हो सकती हैं, हमारी कोताहियाँ हो सकती हैं, हमने उनको बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया इस्लाम, हमने उनको इस्लाम रिलेटेबल नहीं किया उनके लिए। तो वी नीड टू फिक्स दिस प्रॉब्लम, नॉट के जी बच्चे से तालों की काट दो, के जी आप जाए भाड़ में, ये मुझे क्या लगे कि नहीं, मैं इसको कह दीजिए दो दफा काय नमाज के लिए नहीं सुनता तो बस ठीक है छोड़ो इसको, दैट्स नॉट हाउ यू सपोज टू बिहेव। और फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड इज रिलीजियस बट पेरेंट्स आर नॉट, बच्चे दीनी हो गए माँ बाप नहीं हो रहे, तो माँ बाप को बिल्कुल ही छोड़ दिया हुआ है ना, माँ बाप को कोई बात अच्छी बताई जा रही है कि नहीं वो आगे से लड़ पड़ते हैं, नो यू कैन नॉट अबैंडन योर फैमिली मेंबर्स। और फॉर एग्जाम्पल इन लॉज ऑलवेज क्रिटिसाइज, ये तो बहुत सबसे कॉमन है प्रॉब्लम, खासतौर पर मदर इन लॉ, और वो कहते हैं ना मॉन्स्टर इन लॉ, सबसे बड़ा क्राइसिस, क्योंकि हर बात में खाना, बेटा इसमें मिर्चे बहुत ज्यादा है, बेटा नमक बहुत ज्यादा है, बेटा प्याज ज्यादा हो गया, बेटा टमाटर कम हो गया, बेटा ये ज्यादा हो गया, हर चीज में इनको कुछ चीज पसंद नहीं आती है। ठीक है आपके लिए ये मसला था, अल्लाह ताला का ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह विल नॉट बर्डन यू बियॉन्ड योर स्कोप, अल्लाह नोज यू कैन हैंडल दिस सास, अल्लाह को पता है आप इसको हैंडल कर सकते हैं, तो मुस्कुराएं, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको चैलेंज दिया हुआ। अगर आपकी सास आसान से हो आपको, या अल्लाह बस इतनी सी सास, बस या अल्लाह मेरी इतनी इज्जत थी, या अल्लाह को थोड़ी सी बेहतर दी होती, कोई थोड़ी सी डाडी होती तो पता चलता, कोई पता चलता मैं भी कोई ईमान वाली हूँ, मैं भी कोई सब्रों वाली हूँ, ये मुझे किस किस्म की आपने सास दी है, इतनी बेचारी मासूम सी। तो आपको अगर मुश्किल चैलेंज मिले आप मुस्कुराएं, सुभान अल्लाह, अल्लाह हैज टेस्टेड मी। सो द थिंग इज इन लॉज क्रिटिसाइज करते हैं, डिस्प्यूट विद योर ब्रदर, भाई से झगड़ा हो गया किसी फाइनेंशियल मैटर पे, कोई प्रॉपर्टी का, वो इनहेरिटेंस में अक्सर मसले होते हैं, सुभान अल्लाह, इनहेरिटेंस में अक्सर मसले होते हैं, जायदाद के वो करने थे स्प्लिट, भाइयों में झगड़ा हो गया जी नहीं मेरी बनती है मेरी बनती है, शरीयत के मुताबिक करते तो कोई मसला नहीं था, अब वो तू तू मैं शुरू इनहेरिटेंस में, अब वहां पे दोनों भाई बात नहीं कर रहे, जैसे मैंने आपको पिछला केस सुनाया था ऐसा ही केस था वो, या बहन से झगड़ा हो गया, बहन के बेटे का रिश्ता आया था रिफ्यूज कर दिया, नहीं जी बेटी की मर्जी कहीं और है, अब वो रिश्ता क्या रिफ्यूज कर दिया, वो अब जंग जो ना जंग छिड़ गई है कि मैंने रिश्ता भेजा और रिफ्यूज किया, तुम कौन होते हो रिश्ता रिफ्यूज करने वाले, इतना अच्छा रिश्ता तुम्हें ढूंढने से नहीं मिलेगा। और फिर सुभान अल्लाह इसके बाद जिन दिन ब्लैक मैजिक शुरू हो जाता है, इसके बाद वो जादू टोने पे आ जाते, अच्छा तुम्हारे लिटरली दिस इज व्हाट पीपल डू, रिश्ता नहीं एक्सेप्ट हुआ, अच्छा अगर मेरे बेटे के साथ नहीं तो फिर कहीं पे भी नहीं, फिर वो जादू टोना और क्या कुछ शुरू कर देते हैं, कुफर पे चले जाते हैं। या फॉर एग्जांपल द हस्बैंड डज नॉट फुलफिल हिज ड्यूटीज टुवर्ड्स हिज वाइफ, हस्बैंड पैसे नहीं देता और कोई राइट्स नहीं देता, तो ये मसला है। या वाइफ जो है शी इज नॉट ओबीडियंट टू द हस्बैंड, डजंट लिसन टू द हस्बैंड, सो यू डोंट अबैंडन पीपल लाइक दैट, यू डोंट अबैंडन पीपल, रादर यू वर्क टुगेदर। और मैं आपको बताऊं कि कभी कभार ना फैमिली के अंदर और फैमिली मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, नॉट ऑलवेज, सर्कस नहीं लगाना हर दफा,
कि मसला अपने बेडरूम में हुआ, सर्कस लगा लिया, सबको बताओ, अम्मी आप भी आ जाएं, अबू आप आ जाएं, मिलॉर्ड जज साहब ये देखे क्या हो रहा है, ये देखे मेरे साथ क्या हुआ, मिलॉर्ड मेरे साथ जुल्म किया गया, ऐसे नहीं। आई एम सेइंग कभी कभार अगर आपका मसला शदीद हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल अब्यूज तक बात पहुंचती है, फिजिकल अब्यूज, मेंटल टॉर्चर, उसमें आप किसी फैमिली मेंबर को इन्वॉल्व करके कह सकते हैं जी प्लीज आप कम अज कम अपने लेवल पे डिस्क्रीटली इनको जो ना नसीहत कर दें, समझा दें, बिकॉज मेरे लिए लाइफ बड़ी मुश्किल हो रही है, इट इज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू लिव नाउ, रहना मुश्किल हो गया, ठीक है हो सकता है वो, सो काइंडली बी केयरफुल ऑफ दीज मैटर्स एंड इशूज, बिकॉज ये हमारी फैमिलीज में बहुत ही ज्यादा कॉमन है। ये है एक अदद सेल्फी जो आप देख रहे हैं, फैमिली पोर्ट्रेट है ये, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की क्रिएशन माशाल्लाह। सो हैप्पी फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है, मैं उसके लिए आपको तीन रूल्स बता रहा हूँ, हाउ टू हैव अ हैप्पी फैमिली। हैप्पी फैमिली के लिए रूल नंबर वन इज नेवर गिव अप ऑन योर फैमिली, जो मैंने अभी बातें की मैं उसकी समझदा, नेवर गिव अप ऑन योर फैमिली, यू डोंट गिव अप। देखिए फैमिली आपकी फैमिली है, बाहर के लोगों पे ना हम गिव अप कर देते हैं बिकॉज हमारा उनसे ज़्यादा पाला नहीं पड़ता, ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता, ठीक है ऑफिस का कॉलीग था, पसंद नहीं था उसके साथ, ठीक है वी आर नो लॉन्गर सिटिंग विद देम, एक अपना फ्रेंड था स्कूल कॉलेज में जो है ना बुरी हरकतें कर रहा था, हमने उसे अपने आप को डिस्टेंस कर लिया, बट योर फैमिली इज योर फैमिली एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम, सो यू हैव टू लुक आउट फॉर देम। आई मीन टेल मी समथिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल मदर या फादर जो हैं वो किचन में खड़े हों और किचन में आग लग जाए, एंड यू आर प्रैक्टिसिंग इस्लाम बट दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग इस्लाम, उनको छोड़ देंगे आग में जलते रहे, क्या ख्याल है, छोड़ देंगे कि चले तुमने अपनी कब्र में जाना है मैंने अपनी कब्र में जाना है, नहीं छोड़ेंगे ना। लाइकवाइज वी शुड नॉट डू दिस टू आर फैमिली मेम्बर्स, नेवर अबैंडन देम। मैं बताऊँ बड़े से बड़ी लड़ाई हो, बड़े से बड़ा मसला खड़ा हो, जब कोई ग्रुप लेवल का मसला आता है ना तो फिर हमारे सारे छोटे मोटे पेटी डिस्प्यूट खराब जो ना खत्म हो जाते हैं। इमेजिन करें कि आप और आपके भाई का इशू है, आप दोनों क्योंकि जॉइंट फैमिली में मतलब जॉइंट फैमिली में रहते हैं, भाई भी उधर ही रहता है, आप भी वहाँ रहते हैं, और भाई की जो वाइफ्स हैं उनके साथ कभी भी नहीं बनती आपस में, हमेशा आपस में एक अनबन रहती है, सो देर इज एन अनबन बिटवीन द टू एंड देर इज इशूज इन द फैमिली, एंड उसके बच्चे ने हमारे बच्चे को मार दिया और उसने उसको छेड़ दिया और किसी ने हमारा बर्तन तोड़ दिया और वो हमारा चीज लेके गए थे वापस नहीं आई अभी तक, और ये सारे छोटे मोटे मसले होते हैं जिनकी वजह से नफरतें पैदा होती हैं कि जी आपका बच्चा आप अच्छा चीज़ें आई तो उसके लिए आई हमारे के लिए नहीं आई, जब हम गए थे हम लाए थे, जब ये आए तो इस तरह के छोटे छोटे बेशुमार मामलात होते हैं, हम इनके लिए हमेशा लेके आते हैं ये कभी लेके नहीं आते, हम इनको हमेशा ये करते हैं वो नहीं करते, दिस इज ऑलवेज अ पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मुझे बताएं खुदा ना खास्ता अगर आपके घर में चोर और डाकू घुसा है और आपको भागने का मौका मिले और आपको पता चले बाहर से वो भी ताला शाला तोड़े और आपके पास पीछे बैक डोर ओपन है, यू कैन रन अवे, और वो मुसल्ला है, they've got weapons also, they're coming in, you come out of your bedroom and you have your wife and you have your kids with you, you're about to exit the building and you see कि आपके भाई का कमरा सामने है, उसको उठाएंगे सोने देंगे, कल रात को लड़ाई हुई थी उससे, उठाएंगे सोने देंगे, क्यों, क्योंकि ये मसला उससे बड़ा है, कल ठीक है उसने हमारा, ये तो नहीं हो गया आपने कहा उसके दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं, अच्छा इसने लास्ट मंथ इसने मेरी देचकी वापस नहीं की, वो लेकर था नहीं छोड़ एंड अकेला निकल गया, बीवी आप कहती है वो डिनर सेट अभी तक इनके पास ही है, इनको सोने दें, इनको पता चलने दें एक दफा कि डिनर सेट लेके वापस ना करने का गुनाह क्या क्या होता है, यू वुड नेवर डू दैट राइट बिकॉज दैट्स क्रेजी, द थिंग इज यू वुड वेक हिम अप बिकॉज मसला बहुत बड़ा है, खुदा ना खास्ता कोई जलजला आ जाए, खुदा ना खास्ता कोई और बड़ी आफत मुसीबत आ जाए, यू डोंट अबैंडन फैमिली मेंबर्स, यू डोंट अबैंडन देम, सो प्लीज माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स डू नॉट अबैंडन फैमिली, उनको साथ लेके चले, ठीक है उनमें गलतियां हैं कोताहियां हैं प्रॉब्लम्स हैं बट इंशाल्लाह वी हैव टू लर्न टू डील विद दिस इशू एंड रिजॉल्व इट। पॉइंट नंबर टू है ड्रॉ द लाइन ऑन अब्यूज, आपने और आपके फैमिली मेंबर्स ने अब्यूज पे फिजिकल मेंटल टॉर्चर पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो लाइन किस तरह ड्रॉ होती है कि ये चीज़ें बर्दाश्त होंगी और ये बर्दाश्त नहीं होंगी, एंड मैं आपको बताऊं बात, ये बात आपने आम तौर पे शादी से पहले डिसाइड करना होता है, लेकिन अगर शादी हो चुकी है और अब आप वर्कशॉप अब अटेंड कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, अभी भी बात की जा सकती है कि लुक दिस इज वेयर आई ड्रॉ द लाइन, फॉर एग्जाम्पल यू नो व्हेन आई वॉज गेटिंग मैरिड आई टोल्ड माई वाइफ वन थिंग एंड हम लोगों ने आपस में एक म्यूचुअल अग्रीमेंट किया था, वो ये था आई विल नेवर यूज दिस इज आई वॉज नॉट प्रैक्टिसिंग एट दैट टाइम, मैं उस टाइम पर प्रैक्टिसिंग नहीं था, आई सेड आई विल नेवर यूज अब्यूसिव लैंग्वेज फॉर यू, नो कस वर्ड्स, नो बैड वर्ड्स, नो गालियां, नथिंग, आई विल नेवर अब्यूज यू एंड यू विल नेवर अब्यूज मी,
I will never ever, in front of you also, never use a bad word in a sentence. समझ रहे मेरी बात? आपके सामने मैं वो word use भी नहीं करूँगा. आपके लिए नहीं, किसी की चीज़ के लिए भी. I will not use that word because आपकी इज्जत है. And आपने भी मेरे सामने कोई bad word use नहीं करना. मुझे कोई गाली सुनाई ना दे. I don't want to listen to some गालियाँ और गंदी बातें. I don't want to listen to it. This is when I was not practicing. मैं भी प्रैक्टिसिंग नहीं था, ना मैं दीन की तरफ, ना मैं नमाजें पढ़ा था, लेकिन मुझे फितरत थी और पता था ये चीज़ें गंदी हैं और नहीं होनी चाहिए. आई टोल्ड माई वाइफ दैट थिंग आई विल रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड आई विल ऑलवेज यूज काइंड वर्ड्स फॉर देम इवन इफ दे आर एनीथिंग लाइक दैट. एंड लाइक वाइज आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू कि वी विल नॉट अब्यूज ईच अदर्स फैमिली मेंबर्स. बिकॉज देखिए बात सुने सिस्टर्स, खासतौर पर यू नो आपकी अगर इन लॉज जितने भी खराब हो जाए ना, जितने भी खराब हो जाए, अगर आप अपने हस्बैंड के सामने उनकी मदर के बारे में बुरी बातें करेंगे कि तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी माँ ऐसी है. देखें, हस्बैंड आपका हस्बैंड है लेकिन उनका वो बेटा है. और आप लोगों को पता है बॉयज़, हमारी माँ के बारे में अगर कोई बंदा बात करे तो हम तू तू मैं पे आ जाते हैं, हाथापाई पर बात आ जाती है. यानी ये बहुत बड़ी गाली होती है किसी भी लड़के के लिए कि आप उसकी माँ तक पहुँच जाओ. कहते हैं माँ तक, यानी आप सुना होगा ये डायलॉग पिंडी बॉयज़ हैशटैग के माँ तक ना पहुंची वह, माँ तक ना, माँ तक पहुंच गए फिर मुझे रोको, फिर बंदे का कोट उतर जाता है, फिर कमीजें उठ जाती. यानी माँ तक कोई बंदा नहीं पहुंचता. सो यार यकीन करें, बंदे माँ के पीछे लड़ाइयों में उतर जाते हैं, सर फटवा लेते हैं अपने. सो कैन यू इमेजिन कि यू विल टॉक अबाउट हिज मदर इन अ नेगेटिव वे कि फलानी वो ऐसी है और वो मुस्कुरा के सुनता रहेगा. और अगर वो सुन भी रहा है, मिसाल के तौर पर ही लव्स यू, ही रियली केयर्स अबाउट यू, और वो सुनता रहेगा, बिलीव मी ही विल लूज ऑल रिस्पेक्ट फॉर यू. गारंटीड, मैं आपको गारंटी करके बता रहा हूं, ये हो नहीं सकता कि आप किसी गैरत वाले मर्द से शादी हुई हो, आप उसकी माँ के बारे में सुबह शाम उसको सुनाती रहे और वो चुप करके सुनता रहे. और चले वो सुन भी लेगा, कभी भी ही विल नेवर रिस्पेक्ट यू, ही विल नेवर रिस्पेक्ट यू, ही विल ट्रीट यू लाइक अ डोर मैट. ही विल ट्रीट यू कि जिसने मेरी माँ की इज्जत नहीं करनी, मैं उसकी इज्जत क्यों करूं? Why should I respect her? He will never respect you. So please be very careful in doing that. अगर आपको प्रॉब्लम है, आई कैन अंडरस्टैंड कि सास एक्स्ट्रा प्रेशर डाल सकती है. बट The way you deal with that situation is to talk to your husband politely, never abusively. आप फैक्ट स्टेट करें कि आज ऐसा हुआ, अम्मी ने मुझे डांट दिया, उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया, मुझे पसंद नहीं आया, आई रियली डिडंट लाइक इट. ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई अब्यूज जो है इन्वॉल्व नहीं है. ये आपने एक फैक्ट बताया, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि स्टार्ट किया कि तुम्हारी माँ तो इतनी फलानी है ना कि उसने मेरे साथ ऐसे किया. क्योंकि ये बीच में एडजेक्टिव्स नहीं डालने, रिमेंबर नो एडजेक्टिव्स. तो तुम्हारी माँ इतनी फलानी है, उसने ये कर दिया, उसको तो तमीज नहीं है इस काम की. और फिर यानी डोंट पुट adjectives into it. Talk like a stage person, inshallah, and be very clear and be very open about this thing, inshallah. ye cheez hai. aakhri point karke main aapke answers ki taraf aata hu. aakhri point ye, respect and honor your parents. aur iske baad hum break lenge. respect and honor your parents. ye ho nahi sakta ki kisi family ke andar aap maa baap ki ehtram na kare aur wo ek healthy household ho. remember, allah subhanahu wa taala ki barkat hi us ghar se uth jati hai jahan pe maa baap ka ehtram nahi kiya jata, jahan pe maa baap ki izzat nahi ki jati, jahan pe unko wo maqam nahi diya jata jo unka banta hai. Maybe your parents are not practicing. Maybe your parents do not even pray the five daily prayers. Maybe your parents are going towards shirk. But respect aap pe wajib hai. Respect kabhi bhi nahi chhodni. Aap Ibrahim alaihi salam ke father ka zikr Quran mein aata hai, jo ke mushrik the. Yani he was doing shirk on multiple levels. Buth banate bhi the, rakhte bhi the, sajde bhi karte the. Lekin unhone bhi abba jaan ko jab dalail diye sare, abba jaan ne nahi baat mani. Balki ye kaha ki main tumhe patthar maar maar ke khatam kar dunga. Ibrahim alaihi salam ne kya kaha? Unhone kaha सलाम अलैक, पीस बी अपॉन यू माई फादर, आई विल मेक दुआ फॉर यू, एंड ही लेफ्ट पोलाइटली, नो प्रॉब्लम. कभी भी माँ बाप के साथ डिसरिस्पेक्ट, अल्लाह ताला कहते हैं उफ भी नहीं करना. उफ बहुत सारी चीज़ें हैं. उफ इज लाइक इवन समथिंग लाइक, ये भी उफ है. आईज रोल करना भी उफ है. अच्छा मैं कर देता हूँ, फाइन आई डू इट, ये भी उफ है. यू कैन नॉट इवन डू दैट. इफ यू रोल योर आईज इट्स उफ, इफ यू ब्रीथ हैवी इट्स उफ. अम्मी ने कुछ कहा, अच्छा ठीक है ना अम्मी कर, अभी अभी मैं चीखने तक तो पहुंचा ही नहीं हूं, अभी मैं चीखने तक तो पहुंचा नहीं. मैं कह रहा हूं आपका ये जेस्चर भी जायज नहीं है. अम्मी ने कहा, आगे मैच चल रहा था इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, अफरीदी बैटिंग कर रहा है. अम्मी ने कहा बेटा दही ले आना जाके जरा. अब क्या होगा? अम्मी देखिए ना ये क्या, अभी तो अफरीदी अभी तो आया है, लाला जी पिच पे खेल रहे हैं, मैं क्या करूं? तो बाद में नहीं हो सकता बेटा, मैं बेटा हमारे मेहमान आने वाले हैं, यू हैव टू गो नाउ. अच्छा दही लेके आ गए, दही लेके आ गए, अम्मी को दिया, आखिरी पांच ओवर रह गए.
अम्मी कहती है ओ हो बेटा वो मैं डबल रोटी तो मंगवाना ही भूल गई, अब क्या होगा, जाना पड़ेगा। जी अम्मी जैसा हुक्म करें आप, आपका हुक्म सलाखों पर। डबल रोटी लेके आऊंगी, ओह बेटा दूध तो बताया नहीं तुम्हें मैंने। यू हैव टू वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप पे एहसान करो। एहसान, एहसान का मतलब ये नहीं कि जितना उन्होंने किया उतना करो, एहसान का मतलब है जितना उन्होंने किया उससे ज्यादा करेंगे आप। बी बेटर, बी बेटर। मैंने जो अभी तक जितनी भी बात की है हम लोगों ने पूरे इस वर्कशॉप के अंदर, उसमें फोकस हमारे ऊपर वापस आता है, वी हैव टू बी बेटर। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू विलिंग टू बी अ बेटर पर्सन विदाउट एनी प्री कंडीशंस, यानी बगैर किसी प्री कंडीशंस के आप बेहतर हो जाएं। उसका मतलब ये है कि आमतौर पे ना खवातीन जब आती हैं अपना केस डिस्कस करने, वो कहती हैं कि मैं अच्छी हो रही हूँ, आई विल बी अ बेटर वाइफ, बट फर्स्ट यू हैव टू बी अ बेटर हस्बैंड। तो ये कंडीशन नहीं लगाया, वो इंशाल्लाह हो जाएंगे, लेकिन आप तो अच्छा बने विदाउट प्री कंडीशंस। ये नहीं कि अम्मी आप पहले अच्छी हो फिर मैं अच्छा होता हूँ, या अबू पहले आप अच्छा सलूक करें ना फिर मैं करता हूँ, तो फिर ऐसे नहीं है। आप अपने तौर पर खुद करें इंशाल्लाह, आप अपने तौर पर बी बेटर योर सेल्फ, एंड इंशाल्लाह वी होप दैट दे विल बिकम बेटर ऑल्सो, बट नेवर सेट प्री कंडीशंस टू एनीथिंग। एंड एक और चीज जो मैं पेरेंट्स को भी रिकमेंड करता हूँ और आपको इन जनरल, के डोंट मेक बद्दुआ फॉर योर फैमिली मेंबर्स, स्पेशली दिस गोज फॉर द मदर्स। हाय तू मरे, ये सुना आपने कभी? अस्तगफुरुल्लाह, वेरी बैड। यानी किसी के मरने की दुआ करना अपने बच्चों के लिए कि तुम मर जाओ, सुभानअल्लाह, वाह, हाउ कुड यू डू दैट? क्या पता वही घड़ी कबूलियत की हो। व्हाट इफ योर चाइल्ड वाज टू डाई, यू नो, प्लीज डू नॉट मेक बद्दुआ फॉर योर किड्स। इसके बहुत सारे नुकसान हैं। एक तो नुकसान ये ऑब्वियसली कि इट शैटर्स द कॉन्फिडेंस ऑफ द चाइल्ड, इट इज हाईली इंसल्टिंग, इट इज हाईली डिग्रेडिंग कि आप किसी बच्चे को मुंह पे बद्दुआ दे रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि अगर हमारे घरों में ये कल्चर हो ना कि पेरेंट्स बद्दुआ बहुत ज्यादा देते हैं, तो सून द किड्स रियलाइज कि माय पेरेंट्स डोंट लव देम, कि माय पेरेंट्स डोंट लव मी एनीमोर, और उनको फीलिंग आती है कि वाकई में मेरे पेरेंट्स ने ना तो मुझे कभी प्यार किया, हाँ मुंह से कभी कह देते हैं कि आई लव यू, या कभी पास बिठा देते हैं लाड प्यार करने के लिए, लेकिन चूंकि मुझे बदवाएं मिलती रहती है तो रियली दे डोंट लव मी। चाहे जितना मर्जी आप उन्हें कन्विंस करें, आप उनको साइकोलॉजिकली स्कार कर देते हैं। सो डू नॉट मेक बद्दुआ फॉर योर फैमिली मेंबर्स, ऑलवेज रादर मेक दुआ फॉर देम। बल्कि मैं पेरेंट्स को रिकमेंड ये करता हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए पीठ पीछे भी दुआ करें और उनके सामने भी दुआ करें। यकीन करें जब आप अपने बच्चों को ये सामने कहेंगे ना कि बेटा मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपको दीन की बहुत समझ दे, अल्लाह ताला आपको नेक बनाए, तुम मेरे बहुत अच्छे बच्चे हो, मैं आपको इतना पसंद करता हूँ, आपको अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे, अल्लाह ताला आपको पावर्स दे, एबिलिटी, स्ट्रेंथ दे, अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब आप उनको बदवाएं देना शुरू कर देते हैं, रियली, यानी दिस इज अ साइन के ऑफ बैड पेरेंटिंग, रियली इट्स अ साइन ऑफ बैड पेरेंटिंग। सो प्लीज डू नॉट गिव बदवा टू योर किड्स और फॉर एनी, और फॉर दैट मैटर टू एनी अदर फैमिली मेंबर्स, बिकॉज फैमिली में मैंने कहा था ना, यू डोंट गिव अप ऑन योर फैमिली। आप उनको बदवाएं नहीं शुरू कर देते कि मरो तुम और तबाह हो जाओ और बर्बाद हो जाओ, और या ये भी कभी कहते कि अल्लाह तुम्हें पूछ लेगा खुद ही, कि मैं तो नहीं तुम्हें अल्लाह ही पूछेगा। यकीन करें, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, जिससे अल्लाह ने हिसाब ले लिया वो मर गया, ही इज डिस्ट्रॉयड, जिसका हिसाब अल्लाह ने ले लिया वो गया, इज गॉन। सो किसी के लिए ये दुआ भी करना कि अल्लाह तुम्हें पूछ लेगा, ये भी नहीं कहना चाहिए। रादर मेक दुआ फॉर फॉरगिवनेस फॉर देम, कि अल्लाह तुम पे रहम फरमाए, अल्लाह तुम्हें हिदायत नसीब फरमाए, अल्लाह तुम्हारे यानी काम अच्छे करे, वगैरह वगैरह, बट नॉट बद्दुआ। दुआ करें, बद्दुआ ना करें। सो दिस इज अ ब्रोकन फोन, राइट? आई वॉन्ट टू इलस्ट्रेट एन एग्जाम्पल। इमेजिन करें वो दिन जब आपने कभी अपने अबू से या अम्मी से फोन बोरो किया हो, एंड इमेजिन करें कि आपने वो फोन बोरो किया हो, या कभी अपना फोन अवेलेबल नहीं था, या उसकी बैटरी खत्म थी, या कुछ और था, तो अब्बा जान का फोन उठा लिया। अब वो फोन उठा के सुभानअल्लाह आप सीधा बाथरूम में चले गए सेल्फी लेने के लिए, क्योंकि माशाल्लाह बाथरूम है ही जगह सेल्फी लेने के लिए, बाथरूम में और तो काम ही कोई नहीं होता सिवाय सेल्फियों के। सुभानअल्लाह, यू नो, आई डोंट नो इफ आई एम ओल्ड और व्हाट, बट बैक इन माय डे हम लोग तस्वीरें खिंचवाते थे पहाड़ों के सामने, नदियों के सामने, बागात में, पार्कों में, यू नो, झूलों पे बैठ के, दैट वाज हाउ यू टेक पिक्चर्स। मैं हैरान होता हूँ आजकल 50% ऑफ द सेल्फीज आर टेकन इन द बाथरूम। यानी पहले बाथरूम में आते हैं सेल्फी लेते हैं, अच्छा जी ये मेरा शीशा ना, ये शीशे के सामने सेल्फी हो रही है, अच्छा ये हमारा टॉयलेट है, ये टॉयलेट के सामने सेल्फी हो रही है, अच्छा ये सिंक है, इसमें ताजा पानी आता है, ये देखिए सेल्फी हो रही है। व्हाई मीडिया में मिलती है वो बाथरूम में खींची होती है। अल्लाह हू अकबर। सो द थिंग इज यू वर ट्राइंग टू टेक अ सेल्फी इन द वॉशरूम एंड द फोन स्लिप्ड, इट फेल इनटू द टॉयलेट, पहले वो टॉयलेट के इधर लगा, फिर उधर लगा, फिर यहां लगा, फिर अंदर गिर गया और उसकी शक्ल ऐसी हो गई, टूट फूट गया। इमेजिन करें नाउ, अब ये फोन अब्बा जान का था, अनफॉर्चुनेटली ये अब्बा जान का फोन था, अब ये फोन टूट गया, पानी में भी गिर गया और वो सारा खराब हो गया। अब आप इमेजिन करें अब्बू के पास फोन लेके जा रहे हैं और कहते हैं अब्बू ये फोन है,
आगे से क्या होगा? सेंसर्ड है इसके बाद, इसके बाद सेंसर्ड है, इसके बाद रेटिंग ही नहीं, इसके बाद रेटिंग ही नहीं है कि कोई रेटिंग हो सके इसकी। उसके बाद जो आपके साथ सलूक होगा, जुबानी होगा, और जो उसके बाद होगा आपके साथ हाथापाई, इमेजिन करें, दिस इज हाउ समटाइम्स वी रिएक्ट। सो दिस इज माय एडवाइस टू द पेरेंट्स, यू नो यू वांट टू लुक एट एन एग्जांपल ऑफ समवन हु डेल्ट विद एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक दिस, यू नीड टू रीड द स्टोरी ऑफ याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे उन्होंने, यानी दे किल्ड देयर ओन सिबलिंग, उन्होंने अपने भाई को अपनी तरफ से तो मार दिया था, वो और बात है कि वो मरे नहीं, लेकिन उन्होंने तो मार दिया था, उन्होंने तो कुएं में फेंक दिया था, उनकी तरफ से एज फार एज दे वर कंसर्न ही वाज डेड। और आप इमेजिन करें, आपको तो मैंने कहा था ना कि आप अपना टूटा हुआ फोन लेके आते हैं अब्बू का, दिखाते हैं उनको, तो वो ये सलूक करते हैं। वो अपने भाई की कमीज लेके गए जो खून से भरी हुई थी और कहा अब्बू ये हम लाए हैं। उन्होंने कहा, उनका वेयर इज यूसुफ, यूसुफ कहाँ है? उन्होंने कहा यूसुफ तो नहीं है, यूसुफ तो मर गया, ये उसकी कमीज है, ये उस पर दाग लगे हुए, ये उस पर सारा खून है, और उसको भेड़िया खा गया। और क्या किया याकूब अलैहिस्सलाम ने? गालियां निकाली उनको, मारा उनको, क्या किया? फसबरुन जमील, ही हैड अ ब्यूटिफुल पेशेंस। और उन्होंने क्या किया कि अब इनसे तो बहस करना भी फजूल है, उन्होंने कहा ठीक है, मैं अल्लाह पे भरोसा करता हूँ, मैं तुम्हारे पे हाथ नहीं उठाता, मैं कुछ नहीं कहता, मैं बस सब्र करूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा रब उसका ख्याल रखने वाला है। सब्रुन जमील होता ही है कि इंसान सब्र करे, और सब्र करके वो काम, कोई भी रिएक्शन शो ना करे, नेगेटिव चीज शो ना करे, रादर अपने लिए प्राइवेट में तो वो रोए। याकूब अलैहिस्सलाम प्राइवेटली कितना रोए, इतना रोए कि उनकी आंखें यानी नाबीना हो गए। तो प्राइवेटली रोना सब्रुन जमील में ही आता है। आप यानी ऊपर से कुछ शो नहीं किया, ऊपर से कोई रिएक्शन शो नहीं किया, अंदर से दिल टूट चुका है, अंदर से दिल टूट चुका है, टुकड़े टुकड़े हो चुका है। तो अकेले में रोते रहे, रो रो के आंखें अंधी हो गई, लेकिन मुंह से मजाल है कोई बात कह दियो, मजाल है कोई गाली निकल गई हो, मजाल है हाथ उठा दियो, सुभानअल्लाह, दिस इज ये को उनका फोन नहीं टूटा था, उनके बच्चे की डेथ की खबर सुनाई थी उन्होंने कि हमसे बच्चा मर गया। और खास तौर पे तब जब उन्होंने पहले कहा था कि मुझे डर है कि ये कहीं कुछ हो ना जाए इसको, क्योंकि आपको पहले से पता था। सो आप सोचते हैं कि इतना ज़्यादा सब्र जो है, ये हमारे लिए स्टोरीज इसलिए नहीं कि हम अपने आप को एंटरटेन करें, दी स्टोरीज आर देयर टू मेक अस लर्न लेसन्स, कि हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, गुस्सा ना करें, बच्चों को माफ़ करना सीखें, बड़े से बड़ी चीज़ पर कभी कभार आपको सब्र करना पड़ता है। एंड दिस इज़ वॉट वी आर टोल्ड, ऑफन टाइम्स पीपल थिंक कि यू नो मेरे बच्चे मुझसे झूठ बहुत बोलते हैं, एंड दिस इज़ अ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में आता है कि जी बताएं हमारे बच्चे हमसे झूठ बहुत बोलते हैं, हम क्या करें? सो द क्वेश्चन इज़ कि इफ़ योर किड्स आर लाइंग टू यू, देन दिस इज़ अ साइन दैट दे आर मूविंग अवे फ्रॉम यू और दे आर ग्रोइंग डिस्टेंट फ्रॉम यू। बिकॉज द क्वेश्चन आई हैव टू आस्क इज़ कि पहली बात मुझे बताएं, व्हाई डज अ चाइल्ड लाई? कौन बताएगा मुझे बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं? हाथ खड़ा करके बताएं जी। बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ यू। जज़ाकअल्लाह खैर सिस्टर, ये चॉकलेट आपके लिए, ये पास कर दीजिएगा, आई कैन शोल्ड प्रॉब्लम, प्लीज इनको पास कर दें। सो बिकॉज व्हाई डू पीपल लाई? बिकॉज दे आर अफ्रेड। अफ्रेड ऑफ व्हाट? कि अगर मैंने बता दिया तो जो मेरे साथ होगा वो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। सो आपको पता है बच्चे फिर झूठ बोलते हैं, और जब झूठ बोलते हैं दे डोंट वांट टू शेयर विद यू, व्हिच मींस कि या तो आप उनको अंडरस्टैंड नहीं करते, उनकी बात को आप समझ नहीं पाते, या आप कोई ऐसा रिएक्शन शो करेंगे जो कि बनता नहीं है, या फिर आप किसी डरते बहुत ज्यादा है, दे डोंट इवन फील कंफर्टेबल टू टॉक टू यू, इतने हालात खराब हो चुके हैं। सो द थिंग इज वी नीड टू मूव अबव दैट एंड रियलाइज कि दिस इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। इफ आवर चिल्ड्रन आर लाइंग टू अस, मे बी हमने वो बैरियर क्रिएट कर दिया, मे बी हमने उनके साथ वो रिलेशनशिप नहीं रखा जो कि रखना चाहिए था, कि यहां तक नौबत आ गई कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं। वरना अगर आपका ओपन रिलेशनशिप हो अपने बच्चों के साथ तो दे डोंट नीड टू लाई, इवन इफ दे कमिट अ सिन, दे विल से यू नो व्हाट डैड, पता क्या मुझे गलती होगी, आई एम सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक, मुझे गलती होगी, लेकिन प्लीज ये तो आप कहते हो बेटा आई एम नॉट हैप्पी विद व्हाट यू हैव सेड, आई मीन आई एम नॉट हैप्पी, बट चलो अच्छी बात है कि आप जो ना मेरे पास आए, आई एम हैप्पी दैट यू केम टू मी एंड यू डिड नॉट गो टू समबडी एल्स। तो वी नीड टू बिल्ड दैट रिलेशनशिप। फैमिलीज को अगर साथ लेके चलना है तो ये रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा, इसके बगैर चारा नहीं है, वी नीड टू हैव दैट रिलेशनशिप। Yelling and insults, they shatter a child's dignity, especially when you insult a child in front of their younger siblings. सबसे बड़े बेटे को सब के सामने डांटा, तो देखिए उस बेटे की कोई इज्जत भी है ना जिसको आपने तबाह करके रख दी है। क्यों? क्योंकि या तो उसको आप प्राइवेटली डांटते, प्राइवेटली कमरे में ले गए, कहा बेटा देखो तुमने सही नहीं किया, आई एम नॉट हैप्पी विद यू, आई एम डिसअपॉइंटेड, लेकिन जब हम बच्चों की बेइज्जती सबके सामने करते हैं
तो यकीन करें उससे हालात ख़राब होते हैं, उससे उनके अपने बहन भाइयों के सामने रिस्पेक्ट लूज़ होती है, उनको कॉन्फिडेंस शैटर होता है और उनको लगता है कि माई पेरेंट्स दे डोंट रियली केयर अबाउट मी या दे डोंट लव मी एनी मोर, ये सारी फीलिंग्स डिवेलप हो जाती हैं। सो वी नीड टू हैव दैट रिलेशनशिप जहाँ पे अगर किसी बात पे आप उनको डिसिप्लिन करना चाहते हैं, डू इट प्राइवेटली, कंट्रोल योर सेल्फ, काम डाउन, रिलैक्स, डू इट प्राइवेटली, डोंट डू इट इन पब्लिक। मुझे अपने भाई का एक वाकया याद है, वो उसकी बचपन में आदत थी, वो क्या करता था कि जब उसको अम्मी से मार पड़ती थी ना थप्पड़ वगैरह, तो मुझसे 2 साल छोटा है वो, तो उसको जब थप्पड़ पड़ता था तो वो हमेशा ना लेफ्ट राइट देखता था, ये उसकी आदत थी, थप्पड़ पड़ा अगर किसी ने नहीं देखा तो कहता था मुझे तो दर्द नहीं हुआ, मुझे तो दर्द नहीं हुआ, और अगर देख लिया किसी ने तो फौरन रो पड़ता था। तो वो उसको तकलीफ फिजिकल नहीं थी, वो साइकोलॉजिकल थी, क्योंकि थप्पड़ वही थप्पड़ जो पहले था वही बाद में भी पड़ा है, लेकिन पड़ने के बाद वो लेफ्ट राइट देखता था, अगर किसी ने देख लिया तो वो फौरन रो पड़ता था कि बस बेइज्जती होगी, माय ईगो हैज बीन शैटर्ड। सो सुभानअल्लाह, मैं आपको बताऊं, बच्चों की ईगो शैटर होती है, बच्चों की भी एक इज्जत और आबरू होती है, वो शैटर हो जाती है जब आप उनको इंसल्ट करते हैं, और जितनी बुरी इंसल्ट्स करते हैं, लिटरली दिस इज नॉट द साइन ऑफ अ गुड हाउस, दिस इज नॉट द साइन ऑफ अ हेल्थी होम, जहां पे गाली तक बात पहुंच जाए, इंसल्टिंग बिहेवियर तक बात पहुंच जाए और माँ बाप और यानी ताने देना शुरू कर दें, देन दिस इज नॉट राइट। सो इसको अवॉइड करें प्लीज, स्पेशली सिस्टर्स। आई नो बाप तो घर में टाइम ज्यादा गुजारते नहीं, ज्यादातर बाहर होते हैं, लेकिन सारा का सारा एफर्ट नॉर्मली जो है ना, वो जो चीजें हैं वो माँ की तरफ से आ रही होती है। अब्बा जान कभी कभार नाराज होते हैं, लेकिन होते हैं तो फिर दबा के होते हैं, लेकिन अम्मी सुबह शाम जो है वो एक्सप्लोड करती रहती हैं, इधर पटाखा उधर पटाखा इधर पटाखा उधर पटाखा। तो वी नीड टू गेट ओवरकम दैट, एंड वी नीड टू कंट्रोल आवर, सो वी नीड टू कंट्रोल आवर टंग्स। रिमेंबर द स्टोरी ऑफ अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, हु वाज द सर्वेंट ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड ही सर्वड हिम फॉर 10 ईयर्स। 10 साल तक अनस बिन मालिक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर्व किया, और कहते हैं मुझे आप सल्लम ने एक दफ़ा भी उफ नहीं कहा, नबी ने मुझे उफ नहीं कहा, और ना ही मुझे ये कहा कि ये काम तुमने क्यों नहीं किया या वो काम तुमने क्यों किया, मैंने मना किया था, कभी ऐसा नहीं हुआ। कहते हैं मैं खेल भी रहा था, यानी घर से निकला खेलने के लिए कहीं रुक गया, खेलने के लिए कहीं रुक गया, मुझे भेजा किसी काम से कि फलां चीज़ ले आओ, मैं खेलने गया, आगे कुछ चीज़ नजर आई, मैं वहाँ पर बिजी हो गया। कुछ देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और मुझे पीछे से पकड़ लिया और कहा या उनैस, प्यार से उनको उनैस कहते थे। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह, इधर से डर गए, ये क्या हो गया। कहते हैं मैंने देखा आप सल्लम मुस्कुरा रहे थे। कैन यू इमेजिन, हमने बच्चे को भेजा कोई काम करने के लिए, दही लेने के लिए, डबलोटी लाने के लिए, और वो बैठा टीवी देख रहा हो नीचे, ऊपर तो बैठा देखा नीचे, अभी बाहर ही नहीं गया, नीचे बैठा टीवी देख रहा है, कार्टून टॉम एंड जेरी लगा हुआ है या कोई बग्स बनी देख रहा है, और आधा घंटा हो चुका है। तो हमने कहा तुम इधर बैठे हुए हो, तो वो बस मैं बस अभी जा ही रहा था, इधर आओ तो मैं भेजती हूँ, उतारा जूता और शुरू हो गया। अनस बिन मालिक फरमाते हैं मैंने, उन्होंने मुझे पकड़ा, मैंने पीछे देखा तो आप मुस्कुरा रहे थे और कहते हैं जाओ जाओ काम करो, फिर आके खेल लेना, नथिंग। क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चों से एक्सपेक्टेड ही है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम चिल्ड्रन टू डू, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अ चाइल्ड टू डू, चिल्ड्रन तो यही करते हैं, बच्चे तो ऐसे ही काम करते हैं, तो सरप्राइज होने वाली क्या बात है, सरप्राइज वाली कोई बात नहीं। द थिंग इज कि हम लोगों को ये फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर डेवलप करनी है, अगर है नहीं तो डेवलप करनी है इंशाल्लाह, कि जहाँ पे इन चीज़ों पे जो चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं उन पे माफ़ करना बच्चों, बच्चे ऐसे हैं ऐसे ही काम करते हैं, अगर कोई गलती हो जाती है नो प्रॉब्लम इंशाल्लाह, लेकिन उनको नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट ही देनी है, पॉजिटिवली रीइन्फोर्स करें उनको, बिकॉज ये बड़ा ज़बरदस्त मोटिवेशन होती है किसी बच्चे के लिए कि जब आप उसको ट्रस्ट करें और कहें कि बेटा कोई बात नहीं आप जाके फिर कर लीजिएगा, उससे उनके अंदर एक गिल्टी फीलिंग भी डिवेलप होती है कि मैंने कुछ गलत किया, बट आपके लिए रिस्पेक्ट भी डिवेलप होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवेलप होती है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मुझे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं कि दोबारा मुझे भेज रहे हैं, दोबारा मुझे ही भेज रहे हैं, ये नहीं कहा कि तुम तो हो ही डफर बैठो साइड पे मैं किसी और को भेजता हूँ, ऐसे नहीं कहा, दोबारा मुझे ट्रस्ट किया। दिस इज वेरी एम्पावरिंग फॉर अ चाइल्ड एंड दिस इज हाउ यू रेज चिल्ड्रन, दैट्स हाउ यू सपोज टू रेज किड्स, नॉट विद डांट डपट और चीख पुकार और मार धार और इस तरह, ये तो जानवर पलते हैं, इस तरह इंसान पालने हैं, मुसलमान पालने हैं, उनको प्यार से मोहब्बत से पालना पड़ता है, उसके लिए आपको बहुत दफ़ा अपना गुस्सा पीना पड़ता है फॉर द बिगर गुड ऑफ द चाइल्ड इंशाल्लाह, ठीक है। सो ये बात याद रखनी है, एंड आई से के टॉक टू योर किड्स नो मैटर हाउ ट्रिवियल द मैटर इज, लिसन टू देम, एंड व्हाट इफ योर चाइल्ड वांट टू शेयर हिज ड्रीम विद यू, वुड यू लिसन टू दैट इवन। देखें ट्रिवियल मैटर्स, अगर यू नो कभी कभार होता है घरों में इस तरह बच्चे आते हैं और वो ऐसी कोई बात करते हैं जो बिल्कुल मंडेन होती है, जैसे कोई तुक नहीं होती उस बात की। मेरी बेटियां, मैं खाली ऑडियंस में ही है शायद इस वक्त, कहीं ना कहीं घूम फिर रही होंगी, किसी को तंग कर रही होंगी, यानी दे कम टू मी एंड दे आस्क मी अबाउट वेरी ट्रिवियल थिंग्स, कि फॉर एग्जांपल वो मैंने ना
खेल रही थी अपनी डॉल के साथ, डॉल ने ऐसे कर दिया, उसका हैंड ब्रोकन हो गया, उसके बाल को मैंने ऐसे कर दिया, एंड आई लिसन टू इट लाइक सुभानला, इट्स पोएट्री. मेरे टॉय की वो ना, वो मेरे पास एक कैटी थी, कैटी की दुम टेढ़ी होगी, उसको पे मैंने ऐसे कर दिया, उसको मैंने कलर कर दिया, उस पर ब्लैक मार्कर लग गया, एंड इट्स लाइक ब्यूटीफुल सुभानला. नॉर्मली रिएक्शन करते हाँ ओके ठीक है बेटा, अच्छा अच्छा जाओ जाओ तंग ना करो, उनको डिसमिस कर देते हैं. अब वो देखें ये मैंने क्या बनाया, लुक आई मेड दिस सर्कल एंड आई मेड दिस, और आई बिलीव मी व्हेनेवर दे कम टू यू एंड दे शो यू समथिंग, कुछ भी नहीं बना हुआ लिटरली. कभी कभार वो जो मेरी एक छोटी बेटी है 3 साल वाली, वो कुछ बना के लाती है, लिटरली इट्स जस्ट ब्लॉचेज ऑफ इंक, इट्स नथिंग एल्स. आई एम सॉरी इफ शी इज बीइंग ऑफेंडेड राइट नाउ, बट इट्स ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग, इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट. पिकासो के आर्टिस्ट होगा, पिकासो इज नथिंग, पिकासो इज अ जोकर. द थिंग इज सुभानला, ब्लॉचेज ऑफ इंक होते हैं, बट फॉर मी इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट. And literally वो कहती है, मैं कहता हूँ ये कौन है, ये ब्लॉच क्या है, कहती पापा दिस इज यू. इतनी खूबसूरत शक्ल मैंने अपनी आज तक नहीं कभी देखी. अभी तो ये साथ कौन है, ये मामा है, ओके फाइन. और ये सब छोटे छोटे डॉट, ये हम लोग हैं, दिस इज अस किड्स. सुभानअल्लाह, दिस अमेजिंग, इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट. द थिंग इज के यू नीड टू पे अटेंशन टू योर किड्स इवन इफ दे कम अप विद ट्रिवियल थिंग्स. एंड बिलीव मी, बच्चों की बातें बड़ी मासूमाना और बड़ी क्यूट होती हैं. इफ यू एवर सिट विद देम एंड स्पेंड टाइम विद देम, डोंट जस्ट डिसमिस देम, पे अटेंशन, पे अटेंशन. और इसलिए मैंने कहा कि अगर आपका बच्चा आपके पास आए, जिस तरह मेरे बच्चे अक्सर करते हैं सुबह सुबह ना, कभी मैं उनसे पूछता हूँ, कभी खुद अपने जो ना ख्वाब सुना देते हैं. कभी कभी मैं पूछता हूँ, व्हाट डिड यू सी लास्ट नाइट, व्हाट ड्रीम डिड यू सी, कहते पापा आई डिडंट सी एनी ड्रीम. कहते पापा आई सॉ अ ड्रीम वेयर देयर वाज अ माउंटेन एंड देयर इज अ मॉन्स्टर एंड ही इज रनिंग आफ्टर मी. एंड फिर मेरी बेटी जो फातिमा करके यहाँ पे है, वो ये बात सुन रही है, तो वो एक्सटेंसिव डिटेल में जाती है, एंड शी इज लाइक फिर मैं उधर गई, फिर मैं वहाँ से लेफ्ट हो गई, फिर हम आगे गए, फिर हम उधर गए, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, इट डजंट स्टॉप. मतलब बेटा ये ख्वाब कभी खत्म भी हुआ था, शुरू तो मुझे पता है हो गया था, लेकिन खत्म कभी हुआ, इट कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. एंड सम हाउ माई वाइफ हैज टू इंटरवीन एंड से, बस अभी आप अपना नाश्ता कर लें या वो कर लें, इसका ख्वाब चलता रहेगा. ये नेवर एंडिंग ड्रीम होती है. बट अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी फैसिनेटिंग टू लिसन टू योर किड्स. और मैं आपको ये कह रहा हूँ, थिंक अबाउट दिस, अगर हमारा बच्चा हमारे पास आए और वो कहे कि पापा मैंने ख्वाब में देखा कि एक मून है और एक स्टार और एक एक सन है और कुछ स्टार्स हैं और वो सारे मेरे आगे सजदा कर रहे हैं, and it's a child, would you listen to that dream? Prophet Yaqub alayhi salam, he listened to that dream, and this dream was coming from Prophet Yusuf alayhi salam. Prophet Yaqub ko nahi pata tha ki mera beta is waqt kis darje pe faiz hai, he did not know that. This is when he found out, this dream is when he found out. Isse pehle koi tazkira nahi milta ke Yaqub alayhi salam ko maloom tha ke Yusuf alayhi salam is the chosen prophet of Allah subhanahu wa taala. Ye khwab aaya to aapko pata chala, oh there is something special about this child. Yaqub alayhi salam, being a prophet of Allah, was listening to his son. Even though the dream is not reality. It's not real. Chand, sitare, suraj, sajda kar rahe. It's not real, right? It's not a real dream. Matlab, it's not something real, it's a dream. It's something fictitious. But Yaqub alayhi salam sun rahe. Aur Quran mein Allah subhanahu wa ta'ala ne kuch ayat dedicate kar di is subject ke liye. Ke Yusuf ne khwab sunaya, Yaqub ne suna, aur phir usne aise respond kiya. Allah subhanahu wa ta'ala dedicated few ayat in the Quran to the dream of a child being shared with his father and how he responded back. So hamare ghar mein kya hona chahiye, big lesson to learn from this. We need to talk to our kids. Bachchon ke sath time spend kare aur quality time. Don't dismiss them, don't send them off ki koi baat batane aaye, niklo bhago yahan se bahar, niklo bhago beta mere paas time nahi hai. Because believe me, agar aapki beti hai और आप उसको डिसमिस कर रहे हैं, एक दफा दो दफा तीन दफा, बिलीव मी यूनिवर्सिटी में इवेंचुअली उसको जावेद मिल जाएगा. जावेद से बच के रहें, ही इज ऑलवेज राउंड द कॉर्नर लर्किंग समवेयर. और अगर आपका बेटा रुआता है, मामा मामा मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में था, दफा हो जाए यहां से, मैं काम कर रही हूं तुम्हारे में, ख्वाब सुनती हूँ बैठ के, निकलो यहां से बाहर. कहता मामा मैंने ख्वाब में देखा वो सुपरमैन आ गया और स्पाइडरमैन से लड़ाई हो रही थी और सुपरमैन ने मार मार के दफा हो यहां से, निकलो यहां से बाहर. क्या यू नो, ये बच्चा जो है जावेद, जब ये बड़ा होगा ना, तो इसको भी कॉलेज में परवीन मिल जाएगी. देर इज ऑलवेज ए परवीन आउट देर. वो कहेगा मेरी माँ ने तो मुझे कभी घास नहीं डाली, परवीन बड़ा मेरे से इंप्रेस होती है, मैं ख्वाब सुनाता हूँ, कहती है बस आप ख्वाब ही सुनाते रहा करें, आपके ख्वाब सुन के मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलती है. सो वॉच आउट.
जावेद एंड परवीन, ये आपके बच्चों के दोस्त नहीं हो सकते, ठीक है? सो इंशाल्लाह बी अवेयर, आप टाइम स्पेंड करेंगे इंशाल्लाह उससे आपको फायदा होगा। एंड एक सर्वे हुई थी बाहर, और उधर उन्होंने सर्वे में देखा कि बच्चे ये कहते हैं कि देयर पेरेंट्स, मोस्ट किड्स बिलीव दैट देयर पेरेंट्स ओवर रिएक्ट। एक सर्वे था जिसमें उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, यानी बच्चों से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि पूछा गया कि डू यू थिंक योर पेरेंट्स ओवर रिएक्ट समटाइम्स, मे बी नॉट एट ऑल, तो उन्होंने कहा कि मैक्सिमम टाइम्स पे हमारे पेरेंट्स ओवर रिएक्ट करते हैं। इतनी सी बात होती है इतना बड़ा रिएक्शन दिखाते हैं, इतनी सी बात होती है इतना बड़ा रिएक्शन दिखाते हैं, यानी जिन चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करना बनता उस पर बहुत हैवी रिएक्शन दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर में अगर आपके बच्चे से ग्लास टूट गया, क्या करें इससे ज्यादा? टांगे तोड़ दें इसकी? क्या ख्याल है? कम अज कम जस्टिस तो ये डिमांड करता ना, टांग शांग तोड़ी जाए, उसने कुछ तोड़ा इसका भी कुछ तोड़ा जाए। मैं अपनी अम्मी का बहुत लाडला हूँ माशाल्लाह। मैंने एक दफा अम्मी का आइसक्रीम मेकर तोड़ दिया, फिर पता चला मैं इतना भी लाडला नहीं हूँ। ये जिंदगी के वाकयात होते हैं जो आपको रियलिटी चेक दे देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सो द थिंग इज के आइसक्रीम मेकर, मैंने कहा अम्मी आइसक्रीम, फिर अम्मी को उस पर ज्यादा तकलीफ हुई जब मैंने कहा कि वैसे भी कौन सा आप इस्तेमाल करती हैं, तो मुझे बताते हो ये क्या, यानी एक तो थोड़ा ऊपर से इंसल्ट भी कर रहे हो क्या, आपने कौन सा कभी आइसक्रीम बनाई, हमें कभी इसका फायदा नहीं हुआ। सो बहरहाल बात ये, नेवर डू दैट, किड्स डोंट ट्राई दैट एट होम, ठीक है? सो द थिंग इज समटाइम्स यानी चिल्ड्रन बिलीव कि देयर पेरेंट्स ओवर रिएक्ट, एंड दे बिलीव कि पेरेंट्स जो है दे येल टू मच एंड दे टॉक वेरी लिटिल, चीखते ज्यादा है बोलते कम है, हमारी कॉन्वर्सेशन कम होती है माँ बाप से, चीख पुकार ज्यादा होती है। थिंक अबाउट दिस, हमारे अपनी लाइफ में हम कितना टाइम बच्चों पर चीखने में गुजारते हैं और कितना टाइम एक्चुअली कोई डिसेंट कॉन्वर्सेशन में गुजारते हैं कि बच्चे ये ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे ऐसे है। चीखना तो आप जानवर पर भी चीख सकते हैं, वो तो मसला नहीं है, लेकिन यू कैन नॉट कॉन्वर्स विद एन एनिमल। गाय के साथ कभी कॉन्वर्सेशन किया आपने? अस्सलाम वालेकुम प्यारी गाय, तुम कैसी हो, क्या हाल है तुम्हारा, कैसा गुजरा तुम्हारा दिन आज? नहीं, ये बच्चों के साथ की जाती है, गाय को तो होश होश ही कर रहे होते, तो हम जानवरों की तरह बच्चों के साथ होश होश सारा दिन लगे रहते हैं। नो नो नो, वी नीड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद आवर चिल्ड्रन। नंबर टू, दे से दैट दे कैंट रिलेट टू देयर इश्यूज। मोस्ट ऑफ द किड्स बिलीव कि उनके पेरेंट्स उनके साथ रिलेट नहीं कर पाते, पेरेंट्स किसी और जहां में और ये किसी और जहां में, इसलिए जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम या डिफिकल्टी या कोई चीज आती है तो वो ये कहते हैं कि, यानी कोई भी प्रॉब्लम डिफिकल्टी आती है तो वो पेरेंट्स के पास नहीं जाते, वो सबसे पहले गूगल पे जाते हैं, वहां सर्च करते हैं या किसी दोस्त से पूछते हैं और मशवरा लेते हैं। रिलेशनशिप प्रॉब्लम था, कितने लोग ऐसे हैं सीरियसली मुझे बताएं जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम में अबू के पास गए थे, अबू अबू मुझे प्यार हो गया। किसने ये गलती की हुई आज से पहले? अबू मुझे प्यार हो गया, मैं बताऊं तुम्हें प्यार कैसे होता है? अम्मी के पास, अम्मी मुझे आजकल ना पता नहीं क्या, मेरी ख्वाबें थोड़ी उड़ी रहती हैं दिलों में ख्याल, अम्मी आजकल भूख नहीं लगती, पता नहीं क्या, ना जाने मैं क्यों खोया खोया से रहता हूँ। उसके बाद जो होता है वो फिर आपको पता ही है। सिस्टर मैमूना काजी को बाहर बुला रहे हैं प्लीज, ये साइड नोट है, कोई ऐसी चीज नहीं। ओके, सो द थिंग इज गाइस, दुनिया में इश्यूज बढ़े हैं, मसले मसाइल बढ़े हैं, वी नीड टू सॉर्ट आवरसेल्व्स आउट। हम लोगों ने अपने अगर घर की हालत बदलनी है ना, हमने अपने एटीट्यूड्स को चेंज करना है। पेरेंट्स हैव टू चेंज देयर एटीट्यूड, किड्स हैव टू चेंज देयर, हस्बैंड्स हैव टू चेंज देयर, वाइफ्स हैव टू चेंज देयर, तभी कहीं बात चलेगी। तो इंशाल्लाह बच्चों के साथ डील करना इन अ नाइस मैनर। और थर्ड चीज क्या है कि योर किड्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, ट्रीट देम एज सच। देखिए मेरी बात सुने, हमारे जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं उनको हम गालियां निकालते हैं, आई होप नहीं निकालते होंगे, या कभी उनको उस तरह से डांटते और बेइज्जत करते हैं जिस तरह से बच्चों को करते हैं कि दफा हो जाओ तुम, मरो तुम, फलाने टपकाने, ये वो थप्पड़ ये कभी करते हैं उनके साथ? नहीं करते, उनको तो माफ भी करते हैं, छोड़ भी देते हैं, चलो कोई बात नहीं, कभी कभार नाराजगियां भी होती हैं लेकिन फिर वापस मना लेते हैं। लेकिन बच्चों को हम ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे पता नहीं क्या है। योर चिल्ड्रन विल बी योर बेस्ट फ्रेंड्स इन द फ्यूचर, इफ यू ट्रीट देम हार्शली राइट नाउ देयर इज नो वे दे विल बिकम योर बेस्ट फ्रेंड्स। क्योंकि अभी से आप प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं ना, अभी से आप उनको वो प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, तो अभी से अगर मार पिटाई करेंगे कहां उनको रहेगा कि मेरे जो ना माँ बाप मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हमारे उलमा कहा करते थे कि फॉर द फर्स्ट 7 ईयर्स, 7 पे आहिस्ता था नमाज पे लगाएं, कुरान पे लगाएं, तरबियत करें, बेटा ये चीजें अच्छी होती हैं, चीजें बुरी होती हैं, आहिस्ता सिखाएं उनको। एंड द उलमा सेड कि आफ्टर 14 ईयर्स ईदर योर चिल्ड्रन विल बिकम योर बेस्ट फ्रेंड्स और दे विल बिकम योर वर्स्ट एनिमीज, एंड द डिपेंडेंस ऑफ दैट विल बी अपॉन द फर्स्ट 14 ईयर्स। अगर फर्स्ट 14 ईयर्स में आपने उनको ये प्रूव कर दिया कि बेटा आई लव यू, ये प्रूव करना है, कहने से नहीं होता। अक्सर मैं देखता हूं माएं थ्रेटन करती हैं बच्चों को,
मैं तुम्हें प्यार करती हूँ कि नहीं बताओ अबू को, करती हूँ कि नहीं तुम्हें प्यार में? जी आप करते हैं, खुदाई कसम आप करते हैं। दे डोंट बिलीव इट, दे डोंट बिलीव इट। ब्लैकमेल नहीं कर रहे बच्चों को गन पॉइंट पे, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ कि नहीं करती हूँ बताते हो कि मैं तुम्हारी टांगे तोड़ूं? ये कौन सा प्यार होता है? जी आप करती हैं, ऑफ कोर्स द चाइल्ड डजंट वांट टू डाई। सो द थिंग इज के दे हैव टू नो इट इन देयर हार्ट, दे हैव टू नो इट इन देयर हार्ट कि माय मदर लव्स मी, माय फादर लव्स मी, दे डोंट इग्नोर मी, दे डोंट कर्स मी, दे डोंट मेक बददुआ फॉर मी, दे डोंट हेट मी, दे डोंट ओवर रिएक्ट। यू हैव टू एस्टैब्लिश इट इन द फर्स्ट 14 इयर्स। फर्स्ट 14 इयर्स में अगर ये एस्टैब्लिश नहीं हुआ तो नेक्स्ट 14 इयर्स इधर विल बी वेरी प्लेजेंट और हॉरिबल नाइटमेयर, बिकॉज दिस चाइल्ड विल हैव अ माइंड ऑफ देयर ओन। अब ये अपने फैसले करेगा, अब ये बड़ा हो गया, अब आपके या तो हाथों से बिल्कुल निकल जाएगा या कोई और मसला होगा। सो बी वेरी केयरफुल। और अगर ये मसला हो गया, अगर ये 14 क्रॉस कर गया और अब सॉरी बचपन में नहीं हो सका, देन अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव यूथ क्लब, ब्रिंग देम टू यूथ क्लब इंशाल्लाह एंड वी विल टेक केयर ऑफ दिस इशू। ठीक है, क्योंकि दैट्स ऑल वी डू, हम बिगड़े हुए बच्चों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो इंशाल्लाह दिस इज जस्ट टू टेल यू एज व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स। ओके, हियर इज एन इंटरेस्टिंग पिक्चर, जो गेस्ट करेगा उसको चॉकलेट मिलेगी, लेकिन प्लीज रेज योर हैंड्स। द कैप्शन सेज, समटाइम्स डिस्पाइट योर बेस्ट एफर्ट्स योर किड्स टर्न आउट टू बी डिफरेंट। रेज योर हैंड, डू नॉट से इट आउट लाउड। जिसको भी समझ में आ रही है बात, जी सिस्टर, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, आपको चॉकलेट मुबारक हो, ये प्लीज उन तक चॉकलेट पहुंचा दी जाए। कौन देगा? जी सिस्टर, जज़ाकल्लाह खैर, उनको चॉकलेट दे दीजिएगा। सिस्टर ने कहा कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का क्या जिक्र हो रहा है और उनके भाइयों का, बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है समटाइम्स डिस्पाइट योर बेस्ट एफर्ट्स, इमेजिन याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम ने एक बेटा, दो बेटे बल्कि बहुत अच्छे निकले, यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन, लेकिन बाकी सारे भी तो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे ना, जिन्होंने अपने भाई को मर्डर करने का प्लान बनाया, वो भी तो नबी के बेटे थे ना। तो समटाइम्स डिस्पाइट योर बेस्ट एफर्ट्स, एंड यू कैंट से कि नहीं याकूब अलैहिस्सलाम ने सही पाला नहीं होगा, उन्होंने उनको टाइम नहीं दिया होगा, यू कैंट से दैट। दे आर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स आर द बेस्ट टीचर्स। सो समटाइम्स डिस्पाइट योर बेस्ट एफर्ट्स योर किड्स विल नॉट टर्न आउट टू बी द वे यू वांटेड देम। उस टाइम पे क्या है? फसबरुन जमील। इफ यू आर वेरी पायस, इफ यू आर वेरी रिचेस, आप बहुत नेक हैं लेकिन आपके बच्चे बहुत खराब हो गए हैं, तो डोंट लूज होप ऑन देम नंबर वन, बिकॉज हमें सूरह बकरा में पता चलता है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ हिज किड्स बिकेम फाइन। उन्होंने पूछा मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? सुभान अल्लाह, याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों से अपने डेथ बेड पे पूछ रहे हैं, बताओ मेरे बाद किसको पुकारोगे, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? उन्होंने कहा अल्लाह की, अल्लाह के दिए हुए पैगाम की, उसको हम करेंगे। विल टेक द बुक एंड द सुन्ना, दैट्स व्हाट वी विल फॉलो। सुभान अल्लाह, सो डोंट गिव अप ऑन योर किड्स। लेकिन डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स हिज किड्स, दीज किड्स डिडंट टर्न आउट टू बी द वे ही वांटेड देम। सो समटाइम्स ऐसा होगा, बट डोंट वरी, डोंट पैनिक, अल्लाह हैज अ प्लान, अल्लाह हैज अ प्लान, डोंट वरी अबाउट इट। फसबरुन जमील, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, अपनी तरफ से करते रहें, दावत करते रहें, समझाते रहें, समझाते रहें, डोंट पैनिक, अल्लाह के कंट्रोल में हर चीज़ है। दुआ भी करें, रात को तहज्जुद में उठ उठ के दुआएं करें बच्चों के लिए, बच्चों को ग्रूम भी करें, काउंसिल भी करें, कहीं हेल्प चाहिए हेल्प भी सीख करें, डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट हैव सबर, हैव पेशेंस। मे बी वो अपने 40s में 50s में जाके सुधरेंगे, नो प्रॉब्लम, वेट टिल दैट टाइम। दिस इज अ ह्यूज लेसन वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ याकूब अलैहिस्सलाम। इस डायग्राम में हमें नजर आ रहा है कि देर इज अ स्टिमुलस एंड देर इज अ रिस्पॉन्स, और इसके बीच में है फ्रीडम टू चूज। तो याद रखें कि एट द एंड ऑफ द डे ना, यू हैव द फ्रीडम टू चूज, यू हैव द फ्रीडम टू चूज। आपकी मर्जी है आप किस तरह रिएक्ट करना चाहते हैं। जब भी कोई आपकी लाइफ में स्टिमुलस आता है, जब भी कोई वाकया होता है, जब भी कोई चीज़ आपको पेश आती है, उसके बाद आपके पास रिस्पॉन्स होता है जो आप रिस्पॉन्ड करते हो। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक गैप होता है जो सारा आपका है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉज टू टच this thing and it was made of fire, I would touch it and I would move my hand back, stimulus response, lekin ye ek reflex action hai, jalti hui cheez na har cheez aisi nahi hoti, aap kisi ne gaali nikal di, stimulus response kya hoga, that's up to you, you can curse back, you can slap him, you can push him, you can do anything you like, response aapke upar hai, lekin isi response ka badla milega aapko aakhirat mein ki aapne kaise respond kiya, zyadti to nahi ki, बदला इक्वल दिया या माफ कर दिया, दैट्स अप टू यू। सो घर में भी ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स हर वक्त होता है, हर वक्त होता है। कभी बच्चा स्टिमुलस दे रहा होता है, कभी हस्बैंड दे रहा होता है, कभी सास स्टिमुलस दे रही होती है, कभी हालात दे रहे होते हैं, कभी गर्मी स्टिमुलस दे रही होती है, कभी भूख स्टिमुलस दे रही होती है, कभी और कोई फैक्टर्स होते हैं, ऑल ऑफ दिस स्टिमुलस कमिंग टुवर्ड्स अस, बट द रिएक्शन इज अपॉन अस।
We can choose to breathe deep. I want to make a good judgment. I want to make a good decision. This is up to us. And this is for brothers and sisters. मैं मदर्स के लिए ये बात कहता हूँ, ये एक बम बना हुआ है वैसे आपस की बात है, बट मदर्स एंड स्ट्रेस राइट, एंड आई रियली फील फॉर द मदर्स. फादर्स के लिए भी आई डू फील फॉर यू, बट मदर्स के लिए इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ बॉल, मतलब एक डिफरेंट बॉल गेम है. बिकॉज द मदर वेक्स अप इन द मॉर्निंग विद द चिल्ड्रन, चार उसके बच्चे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आपस में झगड़े हो रहे हैं. छोटा बच्चा जो है उसने सीरियल गिरा दिया जमीन के ऊपर, किसी ने दूध का ग्लास पकड़ा होता वो फेंक दिया है. ऊपर से हस्बैंड एकदम से उठ गया, मेरा नाश्ता कहाँ है. ऊपर से सास ने कह दिया, तुम्हारा नाश्ता बेटा कभी भी अच्छा नहीं हुआ आज से पहले, कभी मैंने नहीं देखा तुमने अच्छा खाना कभी ढंग का बनाया हो. ऊपर से आपको गर्मी का मौसम है जो ना, फैन काम नहीं कर रहा, उसमें कोई मसला हुआ है. ऊपर से एक बच्चा जो है वो जो तीन जो छः साल का बच्चा, उसने चार साल के बच्चे को थप्पड़ लगा दिया, वो चार साल वाला रो रहा है. एंड आपके नीचे टॉयज पड़े हुए हैं और एक बड़ा शार्प सा टॉय था जिसपे आपका पाँव भी आ गया. एंड नाउ यू आर लिम्पिंग एंड यू आर मूविंग टू द किचन एंड सुभानअल्लाह आगे से बच्चा एक गुजरते हुए आपको टक्कर भी मार गया. एंड सो एंड देन द हस्बैंड कम्स आउट ऑफ नोवेयर, कहते मैंने कहा तो आपसे खाना था, खाना क्यों नहीं मिल रहा. नाउ व्हाट हैपेंस, वर्ल्ड वॉर थ्री. और इस वक्त हस्बैंड चूंकि आखिरी था इसलिए वो मारा गया. उनका भाड़ में गया तुम्हारा नाश्ता और ये और वो और प्लांट उनका, एंड देन दे एक्सप्लोड. एंड आई अंडरस्टैंड दिस हैपेंस ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस. दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस हैपेंस ऑन अ डेली बेसिस. बीइंग अ मदर इज अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब एंड आई फील फॉर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू. एंड पर्सनली बिकॉज आई एम अ मैन, आई कैन नेवर अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, बट आई नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू. लेकिन पता क्या, आई से टू यू कि आपसे भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा हायर है. बात यह फसबरुन जबील आप पे भी अप्लाई करता है, बात यह कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स आप पे भी अप्लाई करता है. You also need to calm down. You need to have to relax also. I know it's difficult. I know ye situation mushkil hai, lekin impossible nahi hai. You need to just take a break and relax and realize ki ye sare aapke khilaf nahi kaam kar rahe. Aapke bachche aapse nafrat nahi karte. Everyone is not out to get you. Pata hai hame lagta hai aise hi hai. Hame ye stress se bata na, hame lagta hai sare mere khilaf kaam kar rahe hain. Mere bachche actually subah uth ke mere khilaf plan banate hain. कि आज अम्मी को टक्कर मारनी है, यहाँ पे ये रखो, इस पे मामा का पाँव आएगा, मामा हॉप करेंगे कितना फनी लगेगा. और जानबूझ के हम यहाँ सीरियल गिरा देंगे, यहाँ पे हम चावलों की प्लेट हवा में उड़ा देंगे. और ये कोई भी प्लान नहीं कर रहा, वो बच्चे होते ही ऐसे हैं. दे आर नॉट अगेंस्ट यू, दे आर विद यू, बट वो उनसे गलतियाँ होती हैं, वो रियलाइज नहीं करते कभी कभार. डोंट थिंक पीपल आर आउट टू गेट यू. योर हस्बैंड इजंट इवन आउट टू गेट यू. वो भी अपने तौर पर अपने काम में निकल जाएगा, वो भी पैसे आप ही के लिए कमा रहा होता है, वो भी वही कर रहा था. लेकिन हमें समझ नहीं आती अक्सर औकात के शायद मेरे खिलाफ है सारे, नोबडी केयर्स अबाउट मी, नो एवरीबॉडी केयर्स अबाउट यू, बट इन दैट सिचुएशन इट लुक्स लाइक कि शायद एवरीवन इज माइंडिंग देयर ओन बिजनेस. सो कभी भी गिव अप नहीं करना अपनी फैमिली पे. एंड ऑलवेज यू हैव टू टेक अ साय, यू हैव टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स एंड बी पेशेंट. वबशर साबिरीन, गिव ग्लैड टाइडिंग्स टू दोज़ हू हैव पेशेंस. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वन थिंग आई कैन गिव अ टिप टू द मदर्स इंशाल्लाह, वो टिप ये है कि इफेक्टिव मदर्स वो होती हैं जो टास्क डेजिग्नेट करती हैं. दिस इज अ वेरी गुड टिप व्हिच यू कैन यूज इन योर हाउसेस. घरों में ना जो सबसे बड़ा बच्चा है ना, उससे कोई काम करवाएं. लाइक टेल दिस चाइल्ड टू हेल्प यू आउट इन द किचन, डू द डिशेस, एनीथिंग लाइक दिस, एंड रियली रिवॉर्ड देम फॉर इट विद कॉम्प्लीमेंट्स एंड प्रेज एंड सो ऑन. बस इतना ही करने की जरूरत है आपको, बाकी सारे बच्चे खुद ब खुद ऑटो पायलट पर चलेंगे. सीरियसली, आप बड़े बच्चे को ना रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि बेटा आपने कप्स धोने हैं और आप तो इतने जबरदस्त हो, आप तो इतने अच्छे हो, आप तो इतने अमेजिंग हो, आप जैसे कप तो आज तक किसी ने धोई नहीं पूरी दुनिया में, आपके हाथों में तो वो सफाई है जो कि पता नहीं किसी के हाथों में क्या हुई होगी कभी आज से पहले. तो उनको खूब तारीफें भी करें, खूब उनको प्रेज करें, खूब उनको शाबाश दें, गले लगाएं, लव करें. यू नो द अदर किड्स विल कम टू यू देमसेल्फ, हमने भी करना है, हमने भी बर्तन धोने. द प्लान वर्क्स, दैट्स हाउ प्लान्स वर्क. तो आप जाके आपके छोटे बच्चे कहेंगे मामा मैंने भी, वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, मामा बर्तन मैंने धोने हैं, बाकी चम्मच और छुरियां मैंने साफ करनी है. आपको ये लो बेटा चम्मच पकड़ो, ये तो छुरियां पकड़ो. एंड यू किक बैक एंड रिलैक्स एंड वॉच द थिंग हैपन. अल्हम्दुलिल्लाह. एक्ट स्मार्ट, एक्ट लाइक अ स्मार्ट पेरेंट. बिकॉज आपको पता है छोटे बच्चे जो है ना वो बड़ों को एमुलेट करते हैं. दे जस्ट वॉन्ट टू बी लाइक द एल्डर वंस. वो छोटों का बस नहीं लग रहा था हम बड़े हो जाए, हम जल्दी से बड़े हो जाए, जल्दी से हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए. सो व्हेनेवर द अपॉर्चुनिटी कम्स, टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड ट्रेन योर किड्स इन दिस मैनर. और मैं इसके फेवर में नहीं हूँ बाय द वे कि बच्चों को इसके पैसे देना, बिकॉज फिर वो ना हर वक्त ही पैसे मांगेगा आपसे. पैसे आओगे ना, बेटा मेरे जूते लाओ, पैसे बेटा अखबार ले लो, पैसे
बेटा मैं बीमार हूँ, मुझे मेडिसिन चाहिए, पैसे। तो हमने कैपिटलिस्ट तैयार नहीं करने, हम इस तरह के कोई क्रेजी कैपिटलिस्ट तैयार नहीं कर रहे कि हमारे पास पैसे। अबू उसके मुझे कितने पड़ेंगे, मुझे कितने हो जाएंगे, पंजी पंजी पैंती छत्तीस। अबू आपका 2.5 लाख रुपया तो ओड है मुझे पिछले पिछले 3 महीने से। तो इस तरह के नहीं बंदे हमने रेज नहीं करने, उनको अपनी प्रेज कॉम्प्लीमेंट एंड यस एवरी नाउ एंड देन कभी आइसक्रीम के लिए ले गए, कभी कुछ के। आपके मैं कामों से पिछले मैं एक हफ्ते से देख रहा हूँ, माशाल्लाह आप लोगों ने मेरी इतनी हेल्प की है, यू नो व्हाट, यू गाइस जना डिजर्व अ ट्रीट, लेट्स गो आउट, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स हाउ यू रेज किड्स, ठीक है। सो प्लीज बी केयरफुल, आई नीड यू टू बी स्मार्ट पेरेंट्स, दोज हु आर इवन नॉट मैरिड, नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह बच्चे तो इवेंचुअली हो ही जाते हैं लाइफ में। सो इंशाल्लाह मेक दिस इंटेंशन नाउ। मैं आपको थोड़ी सी अपनी एक दौरे जाहिलियत की एक बात बताता हूँ छोटी सी। वो बात यह है कि आई वॉज बाइंग क्लोथ्स फॉर माई किड्स बिफोर आई इवन गॉट मैरिड, ट्रू स्टोरी, हैशटैग पिंडी बॉय। मैं ऑस्ट्रेलिया में होता था एंड मेरी वाइफ जो थी उस टाइम पे वाइफ नहीं थी, उस टाइम पे हमारी मतलब मंगनी हुई भी थी, एंड शादी कभी कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा था, बिकॉज नजर आता है शायद मे बी साल डेढ़ साल बाद, मे बी आई कम बैक टू ऑस्ट्रेलिया, मे बी आई स्टे हियर। सो आई वेंट टू द स्टोर एंड आई वॉन्ट टू बाई समथिंग फॉर माई सेल्फ एंड आई सॉ दीज टी शर्ट्स रियली रियली क्यूट एंड आई थॉट यू नो वट सम डे वन एवर आई हैव किड्स आई वुड वॉन्ट देम टू वेयर दीज टी शर्ट्स बिकॉज उस पर लिखा हुआ था समथिंग लाइक ऑसम जस्ट लाइक माई डैड। तो आई थॉट ये शर्ट तो होनी चाहिए एंड देयर वाज अनदर वन जिसमें लिखा हुआ था कि इफ यू थिंक आई एम क्यूट यू शुड सी माई डैड and you get the point, right? So all of these shirts were like that. To wo main leke aake apne khala meri wife ne aaj bhi kisi sambhal ke rakhi hui hai, some of these shirts are like that and usme ek do mom wale bhi the, but maine koshish ki ki zyada unko mom ki taraf incline na karaun, bachchon ko dad ki taraf karaun. To alhamdulillah, you know, my kyunki plan ye tha shuru se na, you have to start thinking. So even if there are brothers or sisters in the audience who aren't married yet, no problem, you need to plan and think ahead ke what kind of family do you want to raise, because this is one of the most beautiful things you can ever do in your life, to raise a decent family. And the beautiful dua we find in the Quran, which Allah Subhanahu wa Taala teaches us, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lilmuttaqina imama. What a beautiful dua this is. We're saying Rabbana hablana, oh Allah give me hiba. Hiba kehte hain gift ko. Ya Allah mujhe gift de de, I want a gift from you. It's not just saying Allah mujhe ata kar de, ata nahi. Rabbana hablana, ya Allah mujhe tujhse ek tohfa chahiye. Because tohfa kisko milta hai jo ki deserve nahi karta. मतलब मुझे I didn't deserve it, बस मुझे एक गिफ्ट चाहिए आपसे, स्पेशल गिफ्ट। रब्बाना हबलना मिन अज़वाजेना व ज़ुर्रियातेना, फ्रॉम माय वाइफ एंड माय किड्स आई वांट कुर्रता आयुन, आई वांट देम टू बी सच कि मेरी आंखें ठंडी हो जाएं उनको देख के। यानी आंखें ठंडी से मुराद ये भी ली जाती है कि मैं उनको देखूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाएं खुशी के, आई क्राई आउट ऑफ हैप्पीनेस। एंड यू नो सुभानअल्लाह, यू कैन हैव दैट द फर्स्ट टाइम यू लिसन टू योर चाइल्ड रिसाइटिंग द कुरान and they love to recite the Quran. Can you imagine how happy you will feel? Your child is reciting the Quran in a beautiful voice and they love reciting Quran. You know, your child, your young girl who's like cooking food in the kitchen and she's making food and she's serving you, uski yani chapati gol to nahi hai lekin it's like a triangular square type, but she makes it for you and she says ye papa ye aapke liye, ye mama aapke liye, you know, it brings tears to your eyes. Subhanallah, you know, my bachi is serving me today, and so it's the kind of thing that brings tears to your eyes. And with your wife also, you know, subhanallah, hum log apni biwiyon ko rula dete hain lekin aur wajah se, but to look at your wife and see her raising a family, see her spending time with the kids, and it makes you want to cry ke mashallah, you know, Allah has blessed me with an awesome wife. And when the wife looks at the husband ki my husband is teaching my kids and he's taking them to the masjid and they are together with him in his works of khair, alhamdulillah, it brings tears to the eyes of the wife. So we say Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Aur ya Allah, sirf meri family nahi, meri naslon ke andar muttaqi paida karna, mujhe muttaqin pe imam bana de, mujhe imam bana de, mere niche jitne bhi ab paida honge, mere bacche, mere yani grandchildren, great grandchildren, great 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 grandchildren, sab taqwa wale paida ho. What an amazing vision this is for a household, right? So you should make this dua often and try to implement it. Try to make it so in the house कि हमारे घरों में इस किस्म की खैर जो है वो आना शुरू हो जाए. Now as we move to the conclusion, inshallah, I'll just take a few more minutes before we conclude. I'm sorry for the extended time. An advice for the wives is के be gentle and beautify yourself not for others but for your husband. आजकल यानी एक तो gentleness मैंने शुरू में बताया and I've already talked enough about gentleness.
and about kindness and soft-heartedness. One thing that I want to mention is ke beautify yourself. Please beautify yourself. But not for other people, for your husband. So that when the husband comes home, you are the coolness of his eyes. Yani ke you are the thandak for the eyes of all the people in the street. Gharon mein bahar Javed bhi khada hai, uski bhi Javed bhi keh raha hai ki aap aankhon ki thandak ban rahi hai meri, subhanallah. Ye nahi karna. Aankhon ki thandak apne husband ki banna hai. Theek hai, so beautify yourself for him. And even when you beautify yourself for your husband, you get ajr for that. You get sawab for that. So the thing is ke normally hum log ghar mein jaisi bhi halat hoti hai, husband ghar aata hai to halat kharab hui hoti hai. And when he says he wants to go out, to foreign, hum log taiyar shaar hoke aa jate hain for other people, but not for the husband. That has to change. So this is my advice to all the wives out there and future wives out there, ke please apne aapke upar Allah Taala ne ek bataya ke the women have to be covered, they have to do hijab and so on and so forth. That is the thing that you have to do. And if you have to beautify yourself, then it has to be for your husband. And really, jitna bhi aap karenge, inshallah uska ajr sawab hi hai. And likewise, the men should also beautify themselves for their wife. As Ibn Abbas radiallahu anhu would say, ke I love it when my wife dresses up for me, and I love to dress up for my wife. Ye nahi ke main chahta hu ke main pajama mein sara din firta rahu aur wife meri taiyar hoke. No, I like to dress up also. I also like to dress up. That's what he would say. And my advice to the husbands is to care for their wives with love and mercy, to defend them in their absence when their mother might say something. कि अगर हस्बैंड की माँ जो है वो कहती है कि तुम्हारी बीवी जो है वो किसी काम की नहीं है, तो ये ना कि हाँ हाँ बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, आप डिफेंड करें अपनी वाइफ, डिफेंड करें उसको कि नहीं मामा आपका शायद ओपिनियन ऐसा हो, लेकिन आई थिंक माय वाइफ इज़ अमेजिंग. मुझे कम अज़ कम आई हैव नो कम्प्लेंट्स, आई हैव नो इशूज़ विद, अलहमदिल्ला मुझे मैं उससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ. मे बी आपको कोई प्रॉब्लम होगा, मे बी वी कैन रिजॉल्व दैट, अलहमदिल्ला आई एम सेटिस्फाइड. डू नॉट, यानी किसी कोई बंदा आपकी वाइफ को बैश कर रहा है, आप उसकी हाँ में हाँ ना जो है ना मत मिलाएं. Defend your wife. That's what we have to do as husbands. Number three, compliment them and do not insult them. Subhanallah, ek hamare khas taur pe Pakistani men ki ek quality hai. Wo quality hai ki hum compliment karte hai, lekin jab hum compliment karte hai to hamare pet mein madod padna shuru ho jate hai. Aur phir hame usko foran insult se follow up karna padta hai. Like compliment bhi de dete hain ki for example, mashallah aaj to aap bahut khoobsurat lag rahi hain. For a change. वो फॉर अ चेंज ने तिकली लगा दी, क्या मतलब? वैसे मैं अगले हम बस नहीं कहने के मतलब कहने में क्या है, वी जस्ट ओवरलैप. सो द थिंग इज के यस, मेक अ कॉम्प्लीमेंट बट मेक इट विद फुल इंटेंशन इंशाल्लाह. डोंट हाफ हार्टेड कॉम्प्लीमेंट्स, नहीं और ना ये कि कॉम्प्लीमेंट का के साथ इंसल्ट कर देना. क्यों, खाना तो बहुत अच्छा है लेकिन बहरहाल आई स्टिल हेट सच एंड सच थिंग अबाउट यू. डोंट मेक स्टेटमेंट्स लाइक दैट. सो द थिंग इज के कॉम्प्लीमेंट्स करना, सपोर्ट करना, एंड दिस इज प्रीटी मच, यानी हमें इसका शायद कोई वैल्यू ना हो लेकिन हमारे वाइफ्स के लिए इट इज़ अ ह्यूज थिंग कि उन्होंने इतनी मेहनत की. आपको नहीं पता, आप तो काम पे गए थे पिछले 3 घंटे से वो किचन में खाना बना रही थी, एंड फाइनली जब उन्होंने बना के सर्व किया एंड दे गॉट नो रिएक्शन फ्रॉम यू, खाया बंद कर दिया, ओके फाइन. तो दैट्स नॉट अ वेरी गुड साइन टू सेंड, यू नो, यू शुड बी अप्रिशिएटिव. एंड लाइक वाइज द वाइफ शुड बी अप्रिशिएटिव ऑफ द हस्बैंड ऑल्सो, कि वो काम करके आया तो वो कहीं सैर सपाटे करने नहीं गया था, काम करने गया था. तो मेरे खुद तो आप घूम फिर के आ जाते हैं, मुझे आप कहते हैं कि नहीं वो घूम फिर रहे, वो कौन सा मरी गया हुआ था, यू नो, ही वाज गॉट टू द वर्क, काम से वापस आया, वो भी थका होता है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड वन अनदर. सो रियली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के एज अ फैमिली यूनिट वी नीड टू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स पॉइंट्स ऑफ व्यू. समझ आ रही है आपको मेरी बात? लाइक वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू. जब दोनों के व्हेन यू विल बी इन अदर पीपल्स शूज देन यू विल रियलाइज के हाउ दे आर फीलिंग एंड हाउ दे आर थिंकिंग. एक वो फेमस कहावत थी कि इन ऑर्डर टू बी लाइक समवन यू हैव टू बी इन देयर शूज, के इफ यू हेट समवन बी इन देयर शूज फॉर you know, walk a mile in their shoes. If you hate someone, if you don't like someone, walk a mile in their shoes. Because then you are 1 mile away from them and you have their shoes. आप उनसे एक मील दूर भी हो चुके और जूते भी उनके आपके पास आ गए. तो दिस इज एक्चुअली हमारे लिए तो हम ये कहते हैं कि इस तरह नहीं करना चाहिए. वी नीड टू अंडरस्टैंड अदर पीपल एंड वी नीड टू बी एबल टू रिलेट विद दैम. एक अमेरिकन ऑथर और पोइट है जेम्स बॉल्डविन, उसका बड़ा फेमस कोट है. वो कहते हैं कि चिल्ड्रन हैव नेवर बीन वेरी गुड एट लिसनिंग टू देयर एल्डर्स बट दे हैव नेवर फेल्ड टू इमिटेट दम. कि बच्चे जो है ना वो बड़ों के सुनते तो नहीं है लेकिन हमेशा उनको इमिटेट जरूर करते हैं. सो वाई एम आई सेइंग दिस? आई एम सेइंग दिस बिकॉज इफ यू आर अ गुड हस्बैंड योर सन विल इंशाल्लाह बिकम अ गुड हस्बैंड बिकॉज दे विल इमिटेट यू. इफ यू आर अ बैड हस्बैंड देन योर सन विल इमिटेट यू ऑल्सो एंड ही विल बिकम अ बैड हस्बैंड. इफ यू आर अ गुड वाइफ अ गुड मदर योर किड्स विल इमिटेट यू एंड आई टेल यू यू डोंट इवन हैव टू टेल देम ट्वाइस दे विल इमिटेट यू लाइक एनीथिंग. वो आपकी एक एक चीज को कॉपी करते हैं,
छोटी से छोटी हरकत कॉपी करते हैं. इवन द वे यू ड्रिंक टी, द वे यू होल्ड अ ग्लास, दे कॉपी एवरीथिंग. सो बी वेरी केयरफुल हाउ यू डील, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ किड्स. बहुत जरूरी चीज़ है. एक आपको मैं किस्सा सुनाता हूँ इसी से रिलेटेड, इसी बात से रिलेटेड. जो एक शेख हैं सऊदीया के, उन्होंने ये वाक्य सुनाया था. उन्होंने कहा कि एक शख्स था जो कि हस्बैंड वाइफ बेसिकली थे, जिनके जो हस्बैंड था उसकी मदर की डेथ हो गई और फादर अकेले पीछे रह गए, और फादर बहुत बीमार रहा करते थे. तो जो वाइफ थी उनको पहले से ही उसको ना हस्बैंड के फादर पसंद थे ना मदर पसंद थी, लेकिन वो बहानों बहानों से ना उनको आहिस्ता आहिस्ता से साइडलाइन करना चाह रही थी. तो उसने कहा कि देखें अभी आपकी मदर की भी डेथ हो गई है तो आपके फादर अकेले रह गए हैं, तो देखिए हमारी फैमिली भी अभी जो है एक्सपैंड कर रही है, बड़ी हो रही है, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग अब्बा जान को कमरे से निकाल के हमारे पास एक बहुत अच्छा वो सर्वेंट क्वार्टर का एरिया बना हुआ है, जहाँ पे उसको हम थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा बेहतर कर देते हैं, वहाँ पे जो है ना अब्बा जान ठहर जाएंगे. तो हम लोग कम अज़ कम हमारी फैमिली चूँकि बढ़ रही है तो बच्चों के लिए स्पेस चाहिए होती है, तो वो जगह बनानी है. तो हस्बैंड को पहले तो ये बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने फिर कहा कि हाँ वाकई वैसे बात तो ठीक है कि हमें अपना फैमिली बढ़ रही है तो अबू का पता नहीं है, तो उनको हम वहाँ सर्वेंट क्वार्टर में थोड़ा सा बिस्तर शिस्तर रख देते हैं, तो वहाँ पे रह लेंगे. उनके लिए क्या है, वो भी वैसे कौन सा कहीं बाहर जाते हैं, ज़्यादातर अखबार ही पढ़ रहे होते हैं या अपना कुछ जो ना किताब रसाला वगैरह पढ़ रहे होते हैं, तो अबू को वहाँ भेज देते हैं. तो अबू को वहाँ भेज दिया. अब उसके बाद क्या हुआ, कई महीने गुजर के इस तरह से अब्बा जान ने कंप्लेन नहीं की. उन्होंने कहा बेटा ठीक है, मतलब मासूम से थे, कोई 85-90 ईयर्स तक अब्बा जान की एज थी. उन्होंने कहा ठीक है बेटा, जहाँ मुझे आप रखना चाहें मुझे कोई मसला नहीं है. हालांकि उनको दिल में तो ऑब्वियसली महसूस तो हुआ होगा कि मुझे कमरे से निकाल के बाहर जो ना कर दिया. एनीवे उसके बाद वाइफ ने क्या शुरू कर दिया कि वो खाना जब पकता तो कहती कि सारी जो बोटियाँ वगैरह गोश्त वगैरह वो सारा बच्चों के लिए, और वो तो नहीं अब्बा जान के लिए, तो इस उम्र में कोलेस्ट्रॉल का मसला है ये, तो अब्बू को हम सूप पिलाएंगे सूप, तो सारी यखनी जो है वो उसका जो वो पार्ट है सालन वाला वो सारा उनको दे देना, और सारा जो मीट वाला पार्ट है वो सारा अपने लिए और बच्चों के लिए वो कर देना. तो ये उन्होंने काम शुरू कर दिया. अब ये जब वक्त गुजरता गया आहिस्ता आहिस्ता, तो एक दिन क्या हुआ कि ये अब्बा जान बिल्कुल लो खुराक पे, और माहौल ये बना कि वो प्लेट और चम्मच और कांटा उनके लिए रोजाना कमरे के बाहर रखा जाता, लिटरली जैसे जानवर को इंसान खाना खिलाता है, कमरे के बाहर रखा जाता. वो सुबह उठते खाना पड़ा हुआ है उधर ही, नान रोटी सड़ के पता नहीं क्या हो चुकी है, लिया उसी में से खाया, प्लेट गंदी प्लेट बाहर रख दी, उसी प्लेट को कभी कभार धोने की भी जहमत नहीं करते थे, उसी में दोबारा सालन डाला वापस कर दिया. इस तरह से उसकी बीवी ने, क्योंकि हस्बैंड तो गया था, तो इस तरह से ट्रीटमेंट शुरू हो गया. हस्बैंड को पता भी था कि शायद अब्बा जान के साथ कोई खास ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, लेकिन कभी उसने इंटरफेयर भी नहीं किया इस मामले में, कभी उसको रोका भी नहीं. इवेंचुअली अब्बा जान का इंतकाल हो गया, ही डाइड. एंड सो जब ही डाइड, जनाजा पढ़ दिया गया, दफना दिया गया, सब कुछ हो गया, 3-4-5 दिन गुजर गए, तो वो लड़का जो था हस्बैंड वो गया उनके कमरे में, अपने बेटे को साथ ले गया, बेटा कोई 7-8 साल का था, साथ ले गया, साथ एक दो लोग और थे, कि अब्बा जान की कुछ चीज़ें हैं वो उठा के संभाली जाएँ, कोई उनका बिस्तर पैक किया जाए, कोई रजाई वगैरह संभाली जाए. वो सामान उठाते उठाते उसने देखा कि वो प्लेट जो थी जिसपे वो खाना पड़ा होता था वो भी साइड पर पड़ी हुई थी कोने में. तो वो जो बच्चा था 7-8 साल का, उसने प्लेट और चम्मच उठा के ना अपने जैकेट के अंदर डालने की कोशिश की. तो उसके बाप ने कहा बेटा छोड़ दो, ये गंदी प्लेट है, क्यों इसको क्या हाथ लगा रहे हो बेटा, छोड़ो इसको छोड़ो. कहता अब मैं तो ये सिर्फ संभाल रहा हूँ, मैं संभाल रहा हूँ कि जब आप बड़े होंगे ना तो उसमें मैं आपको इसमें खाना दिया करूँगा, कि जब आप अपनी बुजुर्गी को पहुंचेंगे ना तो मैं भी आपको इसी में खाना दिया करूँगा. और ये बच्चा इंतकामी तौर पर नहीं कह रहा, मासूमियत में कह रहा है कि जिस तरह आपने अपने बाप का ख्याल रखा था, जिस मोहब्बत और प्यार से आपने ख्याल रखा, मैं भी चाहता हूँ मैं भी आपको वैसे ही ख्याल रखूँ. तो मैं ये प्लेट इसलिए संभाल रहा हूँ कि किसी दिन आपको भी इस प्लेट और इस चम्मच की जरूरत पड़ेगी. सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कीप इन माइंड के बच्चे हमें इमिटेट करते हैं. जैसा आपका रवैया आपके पेरेंट्स के साथ है, जैसा आपका रवैया आपके फैमिली के साथ है, वैसा ही रवैया आपके बच्चों का आपके साथ भी होगा एक दिन. सो बी वेरी केयरफुल. हमारे बच्चे हमारे से शायद लेक्चर ना सुनने पाएं, लेकिन हमारी आदतों को ऑब्जर्व करते हैं. मैं इन द एंड एज वी कंक्लूड इंशाल्लाह, मैं इस पूरे मसले को रैप अप करना चाहता हूँ विद अ फ्यू थिंग्स, विद अ फ्यू लेसन्स. ओवर लेसन ये कि ये जो टाइज हम लोग ब्रेक करते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, यू नो वो क्यों होता है, उनकी कुछ वजूहत ही आपके सामने है. मिसाल के तौर पे किसी वर्ल्डली मामलात की वजह से, किससे कहानियाँ, इसकी बात उधर उसकी बात इधर, इससे ताल्लुकात टूटते हैं, हम लोग दुनिया के अंदर पड़ जाते हैं या वेस्टर्न लाइफ से इतने इंप्रेस होते हैं कि वही लाइफ स्टाइल की जहाँ पर माँ बाप को घर से निकाल दिया जाता है और वो सारा कुछ. तो ये चीज़ें हैं जो कि वजूहत बनती हैं फैमिली टाइज टूटने की. और याद रखें कि जो लोग फैमिली टाइज कतई ताल्लुक ही करेंगे ना, उनको पुल सिरात पर पकड़ा जाएगा, पुल सिरात पर जहन्नम के अंदर वो घसीट लिए जाएंगे. शायद हो सकता है नमाजें रोज़े हज उमरे उनको वहाँ पुल सिरात तक तो ले गए, लेकिन कतई ताल्लुक ही करने वाला पुल सिरात पर पकड़ा जाएगा, अकॉर्डिंग टू द हदीस ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सो बी वेरी केयरफुल नॉट टू ब्रेक टाइज. आपके लिए होमवर्क ये है कि आप लोगों ने इस वक्त अपने पास
कम से कम तीन ऐसे लोगों के नाम लिख लें, अगर नोट पैड नहीं है, यू ना पेपर वगैरह पेन नहीं है, तो कम से कम फोन पे लिख लें तीन ऐसे लोगों के नाम जिनको आप इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, वैसे भी कुछ छुट्टियां 23 मार्च की आ रही है, इनको आपने कम से कम कॉल नहीं तो मैसेज जरूर करना है और ये कहना है कि जो भी कुछ है इंशाल्लाह हम उसको खत्म करना चाहते हैं। ये आप सबका मेरे से कॉन्ट्रैक्ट है और कमिटमेंट है, ठीक है। अभी बेशक नाम लिख लें तीन ऐसे लोगों का जो आपकी फैमिली में है, आपके एक्सटेंडेड फैमिली में, जिनको आपने मैसेज करना है, कॉल करना है और ये कहना है कि जो हुआ सो हुआ, लेट्स स्टार्ट न्यू। इवन वो लोग जिनसे कोई हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, लेकिन बस बात नहीं हुई काफी अरसे से, काफी अरसे से कोई ताल्लुक नहीं हुआ, काफी अरसे से कोई बात नहीं हुई, काफी अरसे से सलाम नहीं किया उनको, कम अज कम उन्हीं को आप कॉल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया इंशाल्लाह, प्रॉमिस है, यस, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपका असाइनमेंट है और ये आप इंशाल्लाह आज आपने सोने से पहले इनके नाम लिखने और विद इन द नेक्स्ट 2-3 डेज इनको आपने कॉल करना है इंशाल्लाह। डोंट लेट शैतान कम एंड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दिस, यू हैव टू डू इट। लेकिन प्लीज बी वॉन्ट, एक छोटी सी वार्निंग भी है, आपने घर जाके उस अपनी कजन को कॉल नहीं करना जिसके साथ होने लगी थी और फिर नहीं हुई। के जी ज़िया भाई कह रहे थे कि आपको मैसेज करूं मैं, तो मैसेज आ रहा है वो जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो कर ना। सॉरी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसकी इजाजत नहीं है। आप अपनी फूफो को मैसेज करें, आप अपनी खाला जी को करें, आप मामू को करें, चचा को करें, किसी भाई को कर दें, बहन को कर दें, यस, कजन को नहीं करना। बी वेयर ऑफ द कजन, कहीं वहां से भी जावेद ना निकला है, कहीं वहां से कोई परवीन ना निकला है, तो बी वेरी केयरफुल इंशाल्लाह। सो ये चीजें आपने करनी है और ये आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट है इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, फाइनल 2 पॉइंट्स। एक चीज ये कि यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि कता तालुकी किस चीज का नाम है, कता तालुकी, क्योंकि जो हम करते हैं उसका असल में क्या चीज है। नबी करीम सल्लम की हदीस में आता है कि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, ये शुजात अहमद साहब अपना फोन ऑन कर लें, बड़ी अजीब और गरीब रिक्वेस्ट आती है, शुजात अहमद साहब अपना फोन ऑन कर लें और गालिबन फोन आने वाला हो तो फिर थोड़ा सा बाहर भी चले जाएं। चल तो अ मैन यूज टू से टू द प्रॉफिट सल्लम कि आई हैव रिलेटिव्स हुम विद आई कीप द टाइज ऑफ किनशिप, मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स हैं, मैं उनसे बनाता हूँ वो तोड़ते हैं, मैं उनके साथ अच्छा सलूक करता हूँ वो मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं, मैं उनके साथ जेंटलनेस से बिहेव करता हूँ वो मेरे साथ हार्शली बिहेव करते हैं। तो आपने कहा, आप सल्लम ने फरमाया, अगर ये वाकई ऐसे है जैसे तुम कह रहे हो, देन यू आर फीडिंग देम हॉट एशेज एंड यू विल हैव अ सपोर्टर अगेंस्ट देम एज लॉन्ग एज यू कंटिन्यू टू डू सो। उसने कहा मैं उनसे जोड़ रहा हूँ वो तोड़ रहे हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ वो मुझे और पीछे करते हैं, मैं अपनी तरफ से सब कुछ कर रहा हूँ। आपने कहा अगर ये बात है तो तुम उनके मुंह में राख जो होती है ना, जली हुई राख, वो फेंक रहे हो। राख मुंह में जाती है तो क्या होता है, बंदा से यू कैन टॉक प्रॉपरली बिकॉज इट्स ड्राई एज ए, यानी यू कैन नॉट स्पीक अगर राख आपके मुंह में पड़ी हो तो यानी ये तुम्हारे खिलाफ बोल नहीं सकेंगे ऑन द डे ऑफ जजमेंट। अल्लाह तुम्हारे लिए काफी होगा, तुम्हारा हिसाब क्लियर है अल्लाह के आगे, तुमने वही करना है जो तुम्हारी सितात है। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी खाला बड़ी खराब है या पुप्पो या चचा या ताया या कोई भी, आप अपना काम करें, बी गुड योर सेल्फ, ऑन द डे ऑफ जजमेंट अल्लाह विल नॉट होल्ड यू अकाउंटेबल बिकॉज आपने तो अपनी कोशिश की थी, उन्होंने नहीं सुनी, नो प्रॉब्लम। आप अपने तौर पर कोशिश करें और बाकी अल्लाह पे छोड़ें मामला, बाकी अल्लाह पे छोड़ें, इंशाल्लाह टेंशन मत लें, बाकी अल्लाह पे छोड़ें, अल्लाह उनको पूछ लेगा, अल्लाह विल आस्क देम ऑन द डे ऑफ जजमेंट, यू डू योर पार्ट, आपने अपना काम करना है। और फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जो फैमिली मेंबर्स में हैं कौन, जिनके साथ आपने कतन तोड़नी नहीं है, जिनके साथ बिल्कुल अलाउड नहीं है। नंबर वन, आपके जो रिलेटिव्स हैं थ्रू ब्लड, लाइक योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स एंड योर अंकल्स एंड आंट्स, लाइक जो आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं, खूनी रिश्ते, माँ बाप, बहन भाई, फुफ्फो, मामू, चचा, ताया, ठीक है, खाला, इनके साथ बिल्कुल, ग्रैंड पेरेंट्स, दादी दादा, नानी नाना, इनके साथ बिल्कुल कोई टाइज तोड़ने नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, फिर वो उसके बाद कैटेगरी आती है उन लोगों की जो कि आपके साथ यानी निकाह के जरिए फॉर एग्जांपल ना महरम हो चुके हैं, सॉरी आपके महरम बन चुके हैं, फॉर एग्जांपल आपकी मदर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ है, ठीक है, डॉटर्स फ्रॉम योर वाइफ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये लोग हैं जो कि आपके थोड़े से एक्सटेंडेड फैमिली में आते हैं। और फिर वो लोग जो कि विरासत में जिनका आपके साथ शेयर आया है, यानी आपके फादर की फैमिली मेंबर्स जिनका विरासत में आपके साथ शेयर है। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी जो है ना, नंबर वन, वो आपके फैमिली मेंबर्स के जो ब्लड रिलेटिव्स हैं। आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से आपने बेयर मिनिमम काम करना है, इस पे हम एंड कर रहे हैं इंशाल्लाह, दिस इज द एंड। कम से कम क्या करना है आपने, बेयर मिनिमम चीज ये है कि ओके, जिन लोगों को खाना नहीं मिला था बाय द वे, वो जाते हुए प्लीज हमारे स्टॉल से ले जो ना लेते जाएगा, कोई भी बंदा भूखा नहीं जाना चाहिए। जिनको भी खाना नहीं मिला,
आप प्लीज हमारे स्टॉल से जाते हुए लेते जाएगा इंशाल्लाह। डबल शिफ्ट नहीं लगानी, जो लोग ले चुके हैं उन वो लोग नकालों से होशियार रहे इंशाल्लाह। अच्छा तो एट द स्टॉल्स इन दैट कॉर्नर फॉर द सिस्टर साइड, ब्रदर साइड का मुझे मालूम नहीं है, वो आप पूछ लीजिएगा। ओके सो नंबर वन, देखें मैं आपको ये बता रहा हूँ एज वी एंड, दिस इज द एंड, दिस इज इट, लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड। आपने कम अज कम क्या करना है अपनी फैमिली के साथ, कम अज कम। आप मुझे अगर ये कहना कि जी मेरे आप समझते नहीं है, मेरे चचा या ताया ही इज अ हॉरिबल मैन, एंड मे बी ही इज अ हॉरिबल मैन, बिकॉज मे बी वो ऐसे ऐसे काम करते हैं जो वाकई में इंसान खानों को हाथ लगाता है कि अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है। सो मे बी इज अ हॉरिबल मैन एंड मे बी इट इज बेटर फॉर यू टू स्टे अवे फ्रॉम इन दैट सेंस कि आपके उनके शर से दूर रहें। लेकिन कम अज कम क्या करना चाहिए, कम अज कम अपने फैमिली मेम्बर्स को सलाम देना चाहिए। कभी भी ये नौबत ना आए कि आप सलाम तक नहीं कर रहे, कहीं से भी गुजरे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ये ना हो कि आप और दोनों सामने हो, ये नहीं होना चाहिए। सलाम कम, इट इज द राइट ऑफ अ पर्सन टू गेट सलाम, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, आस्किंग हाउ दे आर, ये नेक्स्ट लेवल है। कि अगर आप पहला लेवल है कम अज कम बेयर मिनिमम सलाम है, उससे अच्छी चीज क्या है, सलाम के बाद हाल भी पूछ दे। देखिए कितना सिंपल इस्लाम है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, अब आप नेक्स्ट लेवल पे आ गए, यू आर ऑलरेडी ऑन लेवल टू बाय जस्ट आस्किंग हाउ दे आर। नंबर थ्री, हेल्पिंग देम विद देयर नीड्स, क्या हाल है आपका, नहीं बेटा आजकल तो हालात बड़े खराब है, अच्छा जी कोई मैं आपकी खिदमत कर सकता हूँ, हाँ जी बेटा असल में मैं बीमार हूँ, मुझे अगर किसी डॉक्टर का आप रेफरेंस दे दें, किसी डॉक्टर का बता दें कोई अच्छा डॉक्टर हो, मुझे एक्चुअली आजकल गुर्दे का प्रॉब्लम हुआ है, अच्छा चले जी मैं बताता हूँ वो। ये थर्ड लेवल है, सलाम करना, आगे से क्या करना, आगे से उनका हाल पूछना। नंबर थ्री लेवल पे उनकी नीड्स के लिए पूछना, अभी सिर्फ नीड्स का पूछना कि कैन यू हेल्प देम विद समथिंग, और हेल्पिंग किस तरह होगी, नंबर वन फाइनेंशियल हेल्प कि बेटा मुझे कुछ पैसे दरकार थे, बच्चे की ट्यूशन फीस पे करनी है, वो पैसे नहीं बन, फाइनेंशियल हेल्प है। उसके अलावा फिजिकल हेल्प, यानी फॉर एग्जाम्पल कोई खाला या पप्पो है हॉस्पिटल में एडमिट है, आप उनके साथ चले गए वहाँ पर रहने के लिए कि मैं आपकी खिदमत करूँगा, फिजिकली हेल्प करूँगा आपको, या फिर किसी को रेफर कर दिया किसी की तरफ कि मैं तो अवेलेबल नहीं हूँ या मेरे पास वो कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको किसी अच्छे डॉक्टर का बता देता हूँ जिसके पास आप जा सकते हैं, किसी इस शख्स का बता सकता हूँ जहाँ से, किसी लॉयर का बता सकता हूँ जो कि इंशाल्लाह आपका केस में मदद करेगा, तो कॉन्टैक्ट्स के साथ हेल्प करना, तो कम अज कम उनकी हेल्प करना, दिस इज लेवल थ्री। नंबर फोर लेवल पे मेकिंग दुआ फॉर देम, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना, क्या ख्याल है, दुआ मांगने में पैसे लगते हैं, तकलीफ होती है, कोई मसला होता नहीं, कोई बिजलियाँ कितनी शुरू होती हैं जब आप पप्पू के लिए दुआ करते हैं तो नहीं, सो मेक दुआ फॉर देम, मेक दुआ, ठीक है, मेक दुआ फॉर देम, या अल्लाह इनको हिदायत नसीब फरमा, या अल्लाह इनके अगले पिछले गुनाहों को माफ फरमा, या अल्लाह इनके लिए हालात बेहतर कर दे, वगैरह वगैरह, यू कैन एटलीस्ट मेक दुआ फॉर योर फैमिली मेम्बर्स। एंड फाइनली एंड हाईएस्ट मुकाम क्या है कि सेंडिंग देम गिफ्ट्स, गिफ्ट देने से प्यार और मोहब्बत बढ़ता है, गिफ्ट देने से प्यार मोहब्बत बढ़ता है। एंड रिमेंबर द गिफ्ट डजंट हैव टू बी टू एक्सपेंसिव बट इट हैज टू बी थॉटफुल, सो थिंक अबाउट इट दिस वे, ये भी होमवर्क ऐसा डाल दें, सेंड समथिंग टू योर फैमिली मेम्बर्स विच दे लाइक, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई नो कि वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स रियली लव्स ग्राटो जलेबी, दी ग्राटो, वो नकालों वाली नहीं, दी ओरिजिनल नंबर वन ग्राटो जलेबी, मरी रोड रावलपिंडी, फ्रेस्को स्वीट के बिल्कुल सामने, ठीक है, अगर वो दी ग्राटो कुछ को पसंद है तो मैं अगर खास तौर पे जाकर उनके लिए लेके आता हूँ चाहे 100 रुपए के लिए आऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर माई फैमिली मेम्बर इट विल बी लाइक एन अमेजिंग थिंग कि यार आप मेरे लिए ऑल द वे ग्राटो जलेबी लाए, हालांकि 100 रुपए मुझे क्या कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं जी, डायबिटिक ना हो, हाँ ये ना हो कि आपने जान बूझ के किसी को डायबिटीज, आपने ग्राटो जलेबी ला के दे दी, इट विल सेल द रॉन्ग सिग्नल्स। दूसरी बात ये कि अगर किसी फैमिली मेंबर को मेरे कॉलेज रोड के समोसे पसंद है, नाहौरी समोसे वाला, तो 100 रुपया लगा, 120 रुपया लगा, 6-7 समोसे ला दिए, अल्हम्दुलिल्लाह दे थिंक इट्स द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, सो यू शुड बी सेंसिटिव। जिस तरह आज हमने वो क्विज किया था ना कपल्स के बारे में, खाने में क्या पसंद है, तो ये चीजें आपको जब पता होंगी तो यू विल बी एबल टू हेल्प ईच अदर बेटर। जी ब्रदर, नो प्रॉब्लम इंशाल्लाह। थिंग इज कि अगर आप हेल्प करना चाहते हैं, आपकी तो नियत है ना हेल्प करने की, आप अपनी कैपेसिटी में करें, मे बी इट्स गुड एडवाइस, मे बी इट्स गुड एडवाइस, सो इंशाल्लाह जिस तरह भी आप कर सकते हैं, दुआ के जरिए कर सकते हैं, ट्राई टू फुलफिल दीज थिंग्स एज मच एज पॉसिबल। इंशाल्लाह मैं आपको कंक्लूजन में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखें द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड इज वेरी शॉर्ट, हम इस दुनिया में कुछ ही सालों के लिए आए हैं, मे बी वी आर हेयर फॉर 50 years, 60 years, 70 years, 100 years, आई डोंट नो, बट द थिंग इज के द लाइफ विल वेरी सून बी ओवर। ये जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं, जितने हमारे यानी फैमिली मेम्बर्स हैं, ये सब इन्होंने भी रुख्सत होना यहाँ से, हमने भी रुख्सत होना,
The husband has to go, the wife has to go, the kids have to go. The parents have to go, the children have to go, everyone has to go one day. So make sure that jo thoda sa aapka time yahan duniya mein guzar raha na, make it in obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. Hamare scholars kaha karte the ki the life is but a moment. The life is but a moment. So make it a moment of remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. To aapke liye sirf aaj ka jo moral of the story hai wo ye hai ki first of all apne liye inward focus kare. Focus on yourself. How can you become a better husband, a better wife, a better son, a better daughter? And inshallah, jo baatein aaj yahan share hui hain, ye apne family ke saath bhi discuss kare. Please, main aapko ye ek request kar raha hu ki jo bhi cheeze humne aaj discuss ki hain, ye apni family ke saath bahut hi pyar ke saath discuss kare. Ye na ho ki ghar ja ke unko taane nahi dene ki maine aaj suna hai lecture, usme pata hai mujhe kya khaya, usme pata chala ki aap kasoorwar hain, aap. Ji aap. Main begum, ye kaun sa lecture tha? Bas maine sun liya jo sunna tha. तो सेलेक्टिव लिसनिंग नहीं करें प्लीज, सेलेक्टिव लिसनिंग नहीं, पूरी बात बताइएगा. हाँ आपके बारे में कहा, हाँ मुझे भी ये कहा उन्होंने, और पेरेंट्स के बारे में उन्होंने ये कहा, और बच्चों के बारे में ये कहा. लिटरली देखें, अगर हमारे घरों में खुशहाली आ जाए तो और हम क्या चाहते हैं. अगर हमारे घर भी उस तरह के बन जाए, रब्बाना हबलना मिन यानी जो हबलना जो ना आयात, जब उस तरह की हमारे कैफियत होगी कि हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे, हमारी वाइफ, हमारी आंखों की ठंडक बनना शुरू हो जाएंगे, तो और क्या चाहते हैं फिर हम. सो इंशाल्लाह मेक दिस इंटेंशन इन योर हार्ट के हम लोग अपने घरों को चेंज करने के लिए हम सबसे पहले चेंज करेंगे. एंड इंशाल्लाह वी विल ट्रांसफर दिस नॉलेज. आई विल रिक्वेस्ट स्पेशली द फादर्स हेयर इन द ऑडियंस एंड द मदर्स हेयर इन द ऑडियंस टू मेक अ सॉलम प्लेज कि इंशाल्लाह हमने अपने बच्चों की तरबियत जो है वो बेस्ट तरीके से करनी है ताकि हमारे बच्चे फ्यूचर के लीडर्स बन सकें और फ्यूचर में ये भी अच्छी फैमिलीज को रेज कर सकें इंशाल्लाह. सो आई मेक दुआ फॉर ऑल ऑफ यू. आप सबके लिए मेरे दिल से दुआ है, अल्लाह ताला आपके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, अल्लाह सुब्हान तआला आप सबके नेक अमाल कबूल फरमाए. जो जो टाइम आपने यहाँ गुजारा आज, अल्लाह ताला उस टाइम को हमारे हसनात का हिस्सा बनाए क़यामत के दिन. अल्लाह ताला हमारे नेक अमाल में इजाफा फरमाए. जिन बहनों ने और भाइयों ने माशाल्लाह डोनेट किया आज और दिल खोल के डोनेट किया, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपकी तमाम जो है हाजात को पूरा करे. अल्लाह ताला आपकी दुनिया में और आखिरत में तमाम नेक हाजात जो है सबको पूरा फरमाए. अल्लाह सुब्हान तआला आपसे राज़ी हो जाए. अल्लाह आप सबको, जितने लोग यहाँ पे आ जाए, सबको अपने नेक बंदों में शामिल करे, अपने अंबिया में, सिद्दीकीन में, शोहदा में, सालहीन में. और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको जिस तरह हम आज प्यार से, मोहब्बत से, अच्छे से वेन्यू में बैठे हैं, अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में भी मिलना नसीब फरमाए. रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع.